मल्टीपल केसेस हैं, ये किसने आपको बोला कि डीएनए टेस्ट चेंज नहीं हो सकता रिपोर्ट? अरे आपको पता नहीं है पॉलिटिकल साइंस में क्या ताकत है, बिल्कुल रिपोर्टें चेंज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा केस ये था कि ये कश्मीर में ये पॉल वेल्स नाम का एक टूरिस्ट था, ये बेचारा गायब हो गया, तो अजम्पशन था कि इसको मार दिया टेररिस्ट ने, बाद में उसकी हड्डियाँ वड्डियाँ मिली थी, तो यहाँ पर डीएनए टेस्ट किया मेडिकल से उन्होंने, सीएफएसएल वगैरह ने, तो उसमें हमने कहा जी हड्डी उसी की है। उसके बाद में फिर आप उसी हड्डियों को उन्होंने भेजा, उन्होंने लंदन में, वहाँ उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने कहा हड्डी उसकी नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि साहब ये एक रिपोर्ट है भारत सरकार की इधर की और ये आपकी ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट है, तो आप कौन सी रिपोर्ट को मानोगे? तो आप तो बोलोगे जी जय हिंद है करके हम तो, पर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि जितने आपके साहब लोग हैं दिल्ली में बड़े बड़े जो बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब और ये साहब वो साहब, जिनके पास में ताकत है, जो आपके और मेरी तरह से एरे गेरे नथु खेरे नहीं है, उनमें से कोई आदमी देसी रिपोर्ट का 5 पैसा नहीं देने वाला, सारों का खानदान सेटल हो रखा है उन कंट्रीज़ के अंदर। अरे इंग्लैंड की रिपोर्ट है, भारत की रिपोर्ट कौन पूछेगा आपके सामने? तो ऑब्वियसली भारत की रिपोर्ट गलत है, उनकी रिपोर्ट ठीक है। मल्टीपल केसेस, वी विल कम टू द नॉर्मल। दिल्ली, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट, दिल्ली में दिल्ली का हाई कोर्ट ऑर्डर दिया सीबीआई को कि तुम जाकर के दिल्ली की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में इंक्वायरी करो, ये लोग पैसे खा के रिपोर्टें चेंज करते हैं डीएनए की, ठीक है जी? ये खबर आ रही है टाइम्स ऑफ इंडिया में, रिजल्ट क्या निकला? सीबीआई बुक्स एफएसएल डेप्यूटी डायरेक्टर एंड सीनियर ऑफिसर फॉर फॉल्स डीएनए रिपोर्ट। रिपोर्टें चेंज होती हैं, दिमाग से निकाल दो कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट इज गॉड्स वर्ड। अब ये सुनिए, बड़ा ज़बरदस्त केस हमारा कलकत्ता से निकल के आया है, दिल्ली का भी इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2010 में एक ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था। अब होता क्या है कि आपको मालूम है कि रेलगाड़ी के जो डब्बे होते हैं उसमें आपके सीटें होती हैं 100, लेकिन ट्रैवल करते हैं 400-500 लोग। अनफॉर्चुनेटली जब होता कि जब डब्बों में टक्कर होती है रेलगाड़ियों की, तो आदमी के परखचे उड़ जाते हैं, तो किसी का हाथ किसी का पैर ऐसे मिलता करके, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने एक अमृतराव चौधरी नाम का व्यक्ति था, उसकी उन्होंने को डेथ डिक्लेयर हुई, तो उसकी सीएफएसएल की रिपोर्ट आती है कलकत्ता की, ये रिपोर्ट प्रोड्यूस कर देते हैं घर वाले कि ये बॉडी की उसी का और वही है, और वो उसका डेथ डिक्लेयर हो जाता है, उसके माँ बाप को कंपनसेशन मिल जाता है और उसकी बहन को नौकरी मिल जाती है रेलवेज के अंदर। तो ये रिपोर्ट होने के बाद, पैसा मिलने के 10 साल बाद 2021 में, वही अमृतराव चौधरी जो डीएनए रिपोर्ट से मर चुका है, वो फेसबुक पर बैठ के अपना अपडेट कर देता है एक बार और लपेटे में आ जाता है। तो ही वॉज अ लाइव झूठी रिपोर्ट। नाउ ये रिपोर्ट सीबीआई की जो एफआईआर है ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस केस में, उसकी कॉपी है, उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है, अमृताबा वाज शोन डेड बाय मैचिंग डीएनए इन ए डिसऑनेस्ट वे विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो बी वेरी क्लियर कि डीएनए रिपोर्ट कैन बी टिंकर्ड। अब उसमें मल्टीपल सिनेरियोज हैं, जैसे यहाँ पे हुआ कहता कि कुछ दांत यहाँ से मिले थे, 5-7 दांत, तो पहले उन्होंने भेजे सीडीएफडी हैदराबाद को और वहाँ पे टेस्ट हुआ, टेस्ट की रिपोर्ट आई इनकंक्लूसिव। नाउ इस रिपोर्ट को हमने एक्सपर्ट्स को दिखाया, एक का बाइट में दिखाऊंगा, एक एक्सपर्ट और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दोनों का व्यू सेम है। उन्होंने जब रिपोर्ट को देखा है तो उन्होंने यही बात, और यही बात हमें मुखर्जी ने बताई थी प्राइवेटली, कि एक्चुअली डीएनए मैच कर गया है, इन्होंने जानबूझ के कंक्लूड नहीं किया और लिख दिया जी इनकंक्लूसिव है। जस्टिस मुखर्जी कुड नॉट इन दैट केस रिलाई अपॉन दिस रिपोर्ट, बट द व्यूज ऑफ द एक्सपर्ट्स व्हेन वी कंसल्टेड देम, उसमें से एक का मैं आपको कमेंट दिखाता हूँ, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, उससे कभी हम उसे कमेंट ले लेंगे, बहुत जानवान एक्सपर्ट है वहाँ पे। My primary observation, what I can comment from the CDFD report mainly, is that whatever the report is there as of now exists, from there it becomes clear that the DNA matches, whatever the result has come out from that. So it is not, we can't say that the result is my... Ab, ye aapko dikhane ki zarurat hai, lekin aap mein sab, aap sab sab scientific log hai, lekin main ye auron ko dikhata hoon dikhane ke liye. फिर ये जब जो सीडीएफडी की रिपोर्ट थी इनकंक्लूसिव, तो इनको 7 दांत थे, फॉर वट एवर रीज़न इन लोगों ने सिर्फ 2 ही दांत यूज़ किए, जबकि इनको बोला नहीं गया था कि आप 2 यूज़ करो, 5 दांत उन्होंने कमीशन को भेज दिए, कमीशन ने ये 5 दांत उठा करके सीएफएसएल कैलकाटा को उन्होंने प्रोवाइड कर दिए कि आपको टेस्ट करो। अब दूसरा ये कि हमारे आदमी हर तरफ फैले हुए हैं, हम लोग को, हमें ये खबर लगी जाके 2017-18 के बाद में, हम लोगों ने एक हमारे सर्कल में, हमें उसी लैब के अंदर एक हमारा सोर्स मिल गया, सोर्स को बोला कि जाके फाइल चेक करके बता क्या है इसके अंदर, उसने फाइल चेक करके बोला कि भैया इसमें गड़बड़ है, डायरेक्टर साहब ने खुद टेस्ट किया, किसी सेकंड एक्सपर्ट को नहीं बुलाया और कुछ फाड़ फूड दिया गया इसके अंदर से, और तब उसने हमको बताया कि एक चिड़िया होती है जिस चिड़िया का नाम होता है इलेक्ट्रोफेरोग्राम। मुझे क्या मालूम, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का आदमी, इसे क्या पता, ये भी यू आर फ्रॉम मैनेजमेंट और इकोनॉमिक, किसकी आप, यू आर फ्रॉम व्हाट स्ट्रीम, आर यू फ्रॉम मैनेजमेंट के, नहीं एनवायरमेंट में है ना, बॉटनी, बट ओके, तो ही हैड सम साइंस बैकग्राउंड, आई हैव पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड, सो लाइक दी वी बी बोथ, सो वहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि
तुम लोग सूचना के अधिकार में इनसे इलेक्ट्रोफेरोग्राम मांगो, क्योंकि इस रिपोर्ट में इलेक्ट्रोफेरोग्राम नहीं लगा हुआ है, और उसको जाकर तुम टेस्ट करवाओ किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, इसमें गड़बड़ है। तो ये हमको अंदर से लोगों ने बताया, मुझे क्या मालूम ये कौन सी चिड़िया होती है इलेक्ट्रोफेरोग्राम। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफेरोग्राम, तो ये आपको एक दिखा रहे हैं कि ये बैटमैन का एक पुराना सीन दिखाता हूँ इससे आपको, ये क्योंकि हम समझाते हैं लोगों को हाउ डज डीएनए यू नो टेस्ट फंक्शन, दिस इज अ ले पर्सन टू अंडरस्टैंड। According to the bat chemical analyzer, the dust in Clock King's wash contains aluminum oxide. Is that important? Indeed it is, Robin. तो ये समझाना पड़ता है लोगों को, उसमें होता क्या कि मेरा से डीएनए टेस्टिंग में ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, तो मशीन होती है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, आपकी कोई लैंग्वेज होगी, उस मशीन में आप सैंपल डालते हैं, जैसे बैटमैन ने वो सैंपल डाला उसके अंदर, उसमें से एक चार्ट निकलता है, उस चार्ट को बोलते हैं रॉ डेटा या इलेक्ट्रोफेरोग्राम। तो इन नॉर्मल लैंग्वेज ले पर्सन टर्म इट इज़ द रीडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोफेरोग्राम विच इज़ बेसिकली अ डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रोफेरोग्राम या रॉ डेटा में और डीएनए रिपोर्ट में वही कनेक्शन है जो मुर्गी और अंडे के अंदर होता है, कि अंडे से ही मुर्गी निकलती है, और इसीलिए जब भी कोई टेस्टिंग होती हैं डीएनए के टेस्ट होते हैं तो इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिपोर्ट में लगाया जाता है। और हमारे देश में बड़ी पुरानी कहावत है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसरी, ना ना मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, या आप उसका जड़ी ख़त्म कर दो ऑटोमेटिकली सारा केस खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने यही गड़बड़ किया, इन लोगों ने ये रिपोर्ट उड़ा दी, ठीक है। इसी का और एग्जांपल देता हूँ कि आपको मैंने बताया था कि दिल्ली की एफएसएल लैब में उन्होंने रिपोर्टें चेंज की थी, तो सीबीआई की एफआईआर में उन्होंने लिखा हुआ है उन्होंने कि ये जो पकड़ा गया बाद में वहाँ का डायरेक्टर, उसने दे हैव ऑल्सो नॉट प्रिजर्व द एग्जिबिट्स एंड द इलेक्ट्रोफेरोग्राम विद द इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग द ऑफेंडर, कि दिस इज अ वेरी सेट फार्मूला कि अगर आपने रिपोर्ट में गड़बड़ करनी है तो आप वो जो प्रिंसिपल हमारा गुड ओल्ड की ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसरी वो गायब कर दो, यही केस में वो। अब सरकार की रिपोर्ट ये बोलती है सीएफएसएल की कि गुमनामी बाबा वाज नॉट नेताजी बिकॉज डीएनए रिपोर्ट हैज नॉट मैच, हमने रिपोर्ट होमनिस्ट्री से पूरी मंगा ली, इलेक्ट्रोफेरोग्राम उसमें लगा नहीं हुआ, हमने सूचना के अधिकार में कहा भैया हमको रिपोर्ट हमारे पास पड़ी हुई है आप वो चार्ट हमको दीजिए। अब कॉमन सेंस की बात है कि गुमनामी बाबा जब नेताजी नहीं है तो राव को खड़ा करे तू खड़ा करके तो दे दो, तब इन्होंने हमको आंसर दिया कि साहब ये तो सीक्रेट है कैसे दे देंगे आपको, तो सीक्रेट किस बात का वो तो बाबा था ये, फिर ये बवाल उठा करके देखिए यहाँ पे खबरें बनने शुरू हो गई। तो उसके बाद में फिर करते 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 इस पर डिबेट टेलीविजन में हुई, अभी हमारे देश में बहुत जाने माने डीएनए के एक्सपर्ट हैं ज्ञानेश्वर चौबे जी बीएचयू में, उन्होंने अपने कमेंट दिए, उसके बाद सब्सिक्वेंटली ज्ञानेश्वर चौबे और एक और एक्सपर्ट हैं हमारे उनके वहीं के और वो मध्य प्रदेश सरकार के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन्होंने हमको 3-4 पन्ने की डिटेल साइंटिफिक रिपोर्ट दी है कि रिपोर्ट फ्रॉड है पूरी की पूरी। आप उनके बाइट सुनिए उसके बाद में हम लोग पे। आप ज्ञानेश्वर चौबे जी गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस दिस इवनिंग, ही इज अ रिनाउंड प्रोफेसर एंड ऑल्सो कॉलमनिस्ट, ही इज ऑल्सो अ डीएनए एक्सपर्ट, ही टीचेस, ही इज अफिलियटेड एंड एसोसिएटेड विद द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। Mr. Ganeshwar Chaubey, Professor Ganeshwar Chaubey, please first tell me, you have a copy of the DNA report that was submitted by the CFSL to the Justice Mukherjee Commission. Actually, it was really shocking for me because I'm really sorry to read this report. I never expected to have this kind of report from a very reputed lab which is known to do such a nice work in India on forensic. But this is really shocking for me because most of the things are really incorrect, which one can read in one shot, and one can find it out completely wrong. And in cases where there are this kind of testing all the time, there should be electrofluorograms, because if second scientist would like to analyze the result independently, he or she should see the result with his own eyes. It's similar. Right. It's similar but to having case, a electrophorogram is your ECG or an X-ray report. You get these reports. Your doctor analyzes the reports, the original readings, and then he gives you the opinion. तो वो अगर वही main reading नहीं मिलेगा आपको तो कोई doctor कैसे opinion देगा? But that is not where it stops. उसमें कहानी है कि जैसे दुनिया में जो एडवांस अब जो अपने आपको बताते हैं जिन लोगों ने वाटरगेट में वो छोटा सा काम नहीं कर पाया जो हमारे यहाँ बाएं हाथ का खेल है हमारी कंट्री में, वहाँ पे क्या होता है कि आप टेस्टिंग आज कराएंगे और आपको रिजल्ट कल मिलेगा, जैसे पहले के टाइम पे वो लंबा टाइम 6 महीने का 2 महीने का, बट बेसिकली द फंडामेंटल इज सेम,
यू डू द टेस्टिंग टुडे एंड द रिजल्ट विल कम आउट टुमारो आफ्टरवर्ड्स. बट भारत में ऐसी साइंटिफिक इतना हमारी एडवांसमेंट हो गई थी, खासकर हमारे कलकत्ता में, वो CFSL कलकत्ता में, कि DNA की टेस्ट करने से 6 महीने पहले इनको आउटकम इनको मालूम चल गया था. और वो आनंद बाजार पत्रिका है, कांग्रेस पार्टी का माउथपीस, उसमें छप भी गया था. जैसे आप मान लीजिए आजकल जो पैथोलॉजिकल सर्विसेज हो गए कि लाल पैथ लैब एंड ऑल दिस लैब्स, दे कम टू योर होम, कलेक्ट सैंपल्स, ले जाके लैब में टेस्ट करके एनालाइज करके फिर एक दिन बाद आपको रिपोर्ट भेज देते हैं. अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए ऐसा हुआ कि आपने एक सर्विस बुक किया, लाल पैथ लैब में फ़ोन किया, बोला कि मेरा ब्लड टेस्ट करना है, आप आके मेरा ब्लड टेस्ट, ब्लड कलेक्ट करिए, सैंपल ले जाइए, वो कह रहा 6 महीने पहले भेज दिया आपको रिपोर्ट. नहीं नहीं, वो हाँ. वो फ़ोन पे आपको बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ, साथ में आपका ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट भी मैं लेके आ रहा हूँ हाथ में, तो आप चाहे उसके बाद सैंपल दो ना दो. ये CFSL कलकत्ता की रिपोर्ट है जो सीक्रेट रिपोर्ट थी, बाद में डीक्लासीफाई हुई है, इसकी नॉलेज किसी को थी नहीं. ये रिपोर्ट आपकी जून 2004 की रिपोर्ट है. इससे 6 महीने पहले आनंद बाजार पत्रिका में दावा आता है कि हम वो DNA की रिपोर्ट जो है वो उसमें मैच नहीं कर रहा है और हमको अंदर से स्कूप मिला है. तो भैया स्कूप तुमको तब मिलेगा ना जब तुम्हारे को घटना घट चुकी होगी. अब उसमें एक मेरे को डाउट है, और मुझे अगर आप में से कलकत्ता में कोई रहता हो, कलकत्ता में है एक साइंस सिटी, साइंस सिटी में एक टाइम मशीन का मॉडल रखा हुआ है. मेरे को पूरा डाउट है वो मॉडल नहीं, वो असली की मशीन है, क्योंकि दैट्स दी ओनली थिंग विच कैन एक्सप्लेन. आई हैव अ थ्योरी, दिस जेंटलमैन हु रोट दिस स्टोरी, ही ट्रेवल्ड अहेड ऑफ टाइम, यू नो, ही वेंट टू लाइक फ्रॉम 2003 वेंट टू 2004, ही सॉ द आउटकम, ही केम बैक एंड ही फाइल्ड द स्टोरी. बट देयर इज नो अदर लॉजिकल रीजन, यू नो, अनलेस एंटिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लांटेड अ स्टोरी. तो या तो टाइम मशीन ठीक है, और या फिर ये मशीन है वहाँ पर, इसका मॉडल देखा मैंने कलकत्ता साइंस सिटी में देखा. अब हुआ क्या कि इसमें तो जो हैंड राइटिंग की बात आती है कि जब भी कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट देता है, और खासकर ऐसा इंपॉर्टेंट केस है जिसमें आप यू आर सपोज टू गिव रीजंस व्हाई यू थिंक, हैंड राइटिंग की अगेन इज अ साइंटिफिक थिंग, इट मे नॉट बी एज इम्पॉर्टेंट साइंटिफिकली एज डीएनए रिपोर्ट, बट नॉनदरलेस साइंटिफिक थिंग. द एक्सपर्ट विल टेल यू द रीजन व्हाई ही और शी थिंक्स द हैंड राइटिंग इज मैचिंग और नॉट मैचिंग. तो यहाँ पे गवर्नमेंट की, जैसे आपके कोलकाता FSL की रिपोर्ट में 2 पन्ने की रिपोर्ट डॉक्टर मंडल ने लिख दी, पहले पन्ने अपना नाम, दूसरे पन्ने में कहा जी हैंड राइटिंग मैच नहीं करती है. तो ये इस तरह का उन्होंने हरकत किया इन लोगों ने करके. तो उसमें से वो टेरी टेल साइन थी कि रिपोर्टों में गवर्नमेंट मेरे. तो हमने क्या किया उसके बाद में कि मैं जब US में गया था तो हमको लोगों ने ऑफर किया, दो वहाँ पे लोगों ने, कि हम लोग यहाँ पे टेस्ट करवाते हैं DNA का, आप लाओ. तो हमने कहा सैंपल तो हमारे पास में है नहीं, हम कहाँ से लेकर आएंगे रणकोजी टेम्पल का सैंपल या गुमनामिया बाबा का, हमारे पास में कोई ऑथेंटिक सैंपल नहीं है उनका DNA चेक करने के लिए. हाँ, लेकिन हैंड राइटिंग का हमारे पास में सैंपल पड़ेगा. तो वहाँ से उनको हमने, हमारे दोस्त थे अभिषेक बोस और दीपक निजावान जी, दीपक जी चले गए, तो उनको बोला कि आप, उन्होंने फिर एक सर्वे किया और उन्होंने 5-7 एक्सपर्ट्स को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, और उसके बाद में म्यूचुअल कंसेंट से हम लोगों ने कर्ट बैगेट को हम लोगों ने सेलेक्ट किया कि ये बड़े एक्सपीरियंस्ड वहाँ पे एक्सपर्ट है हैंड राइटिंग के, टेक्सास में रहते हैं और ये सारे कोर्ट कचहरी में जाते हैं, बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, US आर्मी में भी थे पहले, व्हाटएवर. तो ही इज़ वेरी वेल रिनाउंड इन प्राइवेट की, उनको बोलते हैं. और उनको हमने बताया नहीं कि हैंड राइटिंग किसकी है क्या, बस बोला ये सैंपल ए सैंपल बी, मतलब अलग अलग सैंपल दिए नेताजी के और अलग, ही डज नॉट नो नेताजी, यू हियर हिम टॉक आल्सो. तो उनको दिया, जैसे ये हमने उनको हैंड राइटिंग सैंपल दिया था ये वाला, उनको दिस इज हैंड राइटिंग सैंपल ऑफ गुमनामी बाबा. तो इट व्हाट इट रीड्स, ही मीन्स डेड मैन हैज नो रैंकर फॉर बापू. बापू कौन है? दो बापू एंड कांग्रेस थॉट अदरवाइज, योर डेड मैन हैज नो रैंकर बिकॉज बापू एट लास्ट टर्न्ड बोल्ड फेस एंड प्रीच फाइटिंग फॉर फ्रीडम एंड ऑनर एंड बिकॉज हियरिंग एंड बिकमिंग स्टिमुलेटेड इंबोल्डन बाय द रेडियो एग्जॉशन ऑफ योर डेड मैन, ही स्टाउटली अपोज पार्टीशन एंड ड्यूरिंग द लास्ट फेटफुल मीटिंग ही वेप्ट लाइक अ चाइल्ड बिफोर देम. सो एनी बॉडी हु नोज नेताजी'स लाइफ एंड टाइम्स अंडरस्टैंड, ही इज टॉकिंग अबाउट अ टाइम व्हेन आई वाज देयर इन जर्मनी giving radio broadcast, there was a change in Gandhiji's attitude. So anyhow, तो Kurt Baggett, जो हमारे मंडल साहब ने 2 पन्ने में काम किया, Kurt Baggett ने 47-48 पन्ने की रिपोर्ट निकाली और उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या है करते, और बात बोला कि मैं किसी कोर्ट कचहरी में जाने को तैयार हूँ, ही इज़ अ सेम पर्सन. फिर हम लोगों ने यहाँ पर टेलीविज़न में हमने प्रोग्राम रखवाया, और Kurt, जिसको कोई डर नहीं है वो खुल के बोलेगा. Kurt साहब बुजुर्ग आदमी है, सुबह अर्ली मॉर्निंग इनको जगाया, उनको टेक्सास में सुबह के 5-6 बजे होंगे, और वहाँ पे मंडल साहब को संदेशा भेजा कि आप रात को आ जाओ, वहाँ से अमेरिका से आ रहे हैं साहब, आपको दिखाते हैं हैंड राइटिंग कैसे होती है. वो भाग गया मैदान छोड़ करके,
वही हालत बाकी एक्सपर्ट्स का डीएनए वालों को, उनको पता है कि हम कौन है, उनका हम उनकी तारीफ करते फिर रहे हैं, कॉमन फ्रेंड भी हमारे बीच में, उनकी हिम्मत नहीं चूँ कर जाए। बिना इलेक्ट्रोफोरेग्राम कौन सी रिपोर्ट होती भैया, बताते पहले मेरे को, तो एक्सपर्ट तो बाद में होगा। तो ये आप कर्ट साहब, तो मंडल साहब तो मैदान छोड़ के भाग गए, कर्ट साहब ने जो बोला आप सुन लीजिए खुद। On both joining us this evening, but first I want to go across to Kurt Baggett. Kurt Baggett, the handwriting expert, joining us from Texas. Kurt, this is Anand here. I hope you can hear us and hear me clearly. Thank you. I can hear you clearly. Yes. Thank you for joining us live. You were sent two sets of questions, two sets of handwritings, Q1 and Q2. Yes. Did you know that one of them belonged to Netaji Subhash Chandra Bose? I did not know anything about the handwriting. How long did you take to analyze? No, I did not. How long did you take to analyze the handwriting? Oh, it took me several days. I didn't record my timing, but it spent about a week on it off and on. I do about 25 cases a month, so I worked on it and worked on it some more. And it took me several days to come to a conclusion. And do you, beyond doubt, claim that the handwritings were the same, of the same person? Yes. I have three opinions. My opinion is yes, no, or I don't know. If I form an opinion, then I feel like I could go to court and prove it, which is what I do most of the time. I go to court regularly to tell the courts my opinion, and so my opinion is that the same person wrote these two questions that you sent me, 1 and 2. Then we consulted another top expert in India. He said the same thing. We have with us in the studio a very, very learned gentleman by the name of Ashok Kashyap. Who is Ashok Kashyap, ladies and gentlemen? Ashok Kashyap is from a family of forensic experts who have been in this business since 1935. Top handwriting expert. Expert in examining fingerprints and handwriting. 53 years of experience is what this man has in examining documents. 53 years in experience. Consulted by courts and banks to verify documents. Approached by foreign courts to verify documents. And he's cracked more than 7,000 forgery cases. So if these handwritings are indeed a forgery, he should be one of the first people to make it out. The things, Mr. Kashyap, I need to ask you, since you're a master at catching forgery, could this have been forged? Because many people said ki Gumnami Baba fraud hai. They don't exist. So a lot of members within the Bose family itself thought this Gumnami Baba is a figment of imagination, is a fraud, well, is a plant, etc. Well, I cannot comment on that point, whether he's a fraud or charlatan or imposter, but as far as an examiner of question document, the comparison of handwriting is concerned. Yeah. I have compared the suspected writings with the standard writings very dispassionately, very impartially. And I have come to the conclusion that they have been written by one and the same person, although with the passage of time, there have been certain normal variations. But these variations cannot deviate us into disbelieving that there could be of different persons. We can't believe like that. No. So, on the other hand, these normal variations, they augment our understanding of this case, right, that they are certainly of the same person. They are certainly of the same person. Same person. Now, let me ask. So, this is the sum of all facts, evidence, not all, but the most important ones, the key ones. So, agar aap dono scenario ko compare karenge, what the government and now the Bose family, everybody in the Bose family is claiming that Netaji died in the plane crash, and what we are saying that he came back to India to live till 1985, what are the kind of evidences if we compare them? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है बस, इसमें प्लेन क्रैश की जो स्टोरी है उसमें सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कुछ आई विटनेस अकाउंट्स है, एंड आई विटनेस अकाउंट्स इतने कॉन्ट्राडिक्टरी है, वी डोंट इवन नीड टू गेट इन टू दैट, बट इट वॉज एनफ फॉर पंडित जवाहरलाल नेहरू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वॉज हिमसेल्फ अ बैरिस्टर, ही हैड टू एडमिट टू नेताजी एल्डर ब्रदर दैट आई कैन नॉट गिव यू डायरेक्ट
proof of Netaji's death. So there is the, this is coming from the horse's mouth, from the Prime Minister of India, who is saying that there is no direct proof of Netaji's death. On the contrary, if you look at the Gumnami Baba, so-called Gumnami Baba story, what kind of evidence do we have there? We have direct forensic evidence, handwriting, all independent experts, they have matched. So we have handwriting analysis by top three independent experts. They have all said that the handwritings match. We have DNA test ya to positive ho sakta hai ya negative ho sakta hai. To mila tha negative. Ab negative jo mila tha usko humne fraud proof kar diya hai. So if it is not negative, negative of negative is positive. That means the DNA matched. Simple logic hai ye. And so DNA matching, your handwriting matching, you have oral evidence, people who worked with Netaji and people who saw Gumnami Baba's face, they have said that the same person, eyewitness accounts, oral evidence, documentary evidence, tons of letters, tons of documents which point to the same direction. So the weight of evidence, the sum of all evidence, where does it take us? What does it tell us? The answer is clear. I mean, I don't think I have to tell you the answer. You can make up your own mind, basically. ये स्लाइड मैंने कल डाली है बिकॉज आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि वी आर ओपन टू क्वेश्चन आफ्टवर्ड सो वी आर नॉट रनिंग अवे ऑब्वियसली इट लीड टू द फर्स्ट क्वेश्चन की वाई डिड नॉट कम आउट ऑन ऑल द प्रॉब्लम विद दैट सिनेरियो इज कि दैट इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड वाइंडिंग थिंग इट्स नॉट आई एम नॉट डिस्कसिंग कंटेम्प्रेरी केस द प्रॉब्लम वी आर नॉट अवेयर हु पीपल वर लाइक द करेक्टर्स हुज नेम यू डू नॉट नो सो फर्स्ट वी हैव टू इंट्रोड्यूस द करेक्टर्स फर्स्ट सो इट्स अ लॉन्ग एंड वाइंडिंग थिंग बट एट द सेम टाइम लीव द साइड बट दिस इज अ प्योर एविडेंस थिंग I'm absolutely open. You tell me, no, Anuj, this is, you're wrong. You know, the report of Mr. Mandal is correct. Your expert is lying. Fine, give me your arguments, I'll come to it. But then don't tell me that, you know, I cannot believe it is not possible for Netaji to... Baba, sab answer hai, lekin time chahiye. Har cheez ka answer ek jhatke mein nahi milta. 200 panne ki commentary hai ki kyun nikal ke nahi aaya. Bahut lamba choda. But we'll answer whatever we can. कुछ लोगों ने हमें कल पूछा, मैं इसको दिखाना चाहता नहीं बिकॉज वो लोग समझता है पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, किताब बेचने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आपने बोला कि पीपल वांट टू हेल्प इन ऑल दैट, हाउ कैन यू हेल्प अस इन वट एवर वी आर डूइंग, फर्स्ट रीड आर बुक्स, मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी हैव रेड द बुक्स इन ऑल दैट. तो हमारा दो किताबें हैं मेरे ख्याल से मोटा मोटा, एक किताब है कनंड्रम, अब इसमें सारे आंसर डिटेल में 856 पन्ने में, एक एक लेटर वेटर सब कुछ डिटेल में. अभी हमने आपको गुमनामी बाबा का आज जो प्रेजेंटेशन दिया है, अनफॉर्चुनेटली वो पांचवी क्लास के बच्चे का प्रेजेंटेशन है, इस केस के हम दोनों पीएचडी हैं, बट अभी प्रॉब्लम है कि वो लेवल हमको अवेयर कर अभी अरेज करना है, अदरवाइज आपको मैं एक घंटे की प्रेजेंट दूंगा कि आईबी वाले कैसे झूठ बोल रहे थे. दे शुड बी डिस्कशन डिबेट ओनली ऑन द डीएनए टेस्टिंग रिमेन्स ऑफ द रेनकोजी टेम्पल, उसमें कितने फ्रॉड आपको दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट दिखा दी, पर लेकिन अभी अवेयरनेस लेवल नहीं गया है, इसलिए हमको बैठ के वही बचकानी बातें बोलनी पड़ रही है. आपके एक एक सवाल पे एक एक तीन घंटे का सेशन हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो लॉन्ग एंड वाइंडिंग है, डायरेक्टली नहीं है. अब मैं सीधा बोलूंगा ना, मैं दिल नहीं मानता, दिल को मनवाने के लिए आप किताब पढ़नी पड़ेगी आपको, मैं ऐसे पर कैसे आपको मनवा लूंगा. वो तो मुझे आपको लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि सुभाष चंद्र बोस बैठेगा यहाँ पे चुप करके, कुछ कारण होंगे ना, तो वो डिटेल में जाना पड़ेगा. डिटेल का प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कोई अभी बात कर रहे हैं कि अभी यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, तो हमको मालूम है कि पुतिन कौन है, ये कौन है, वो कौन है. अभी जैसे आपको मैंने नाम लिया कि भोलानाथ मलिक, आप छोड़िए, जो लोग गृह मंत्रालय को फॉलो करते हैं, मेरे दोस्त 20-20 साल से गृह मंत्रालय की बीट कवर की है जर्नलिज्म में, उनको पूछा भैया टी ब्रांच क्या होता है, पता नहीं टी ब्रांच क्या है. टी ब्रांच वो जगह जहाँ पर टॉप सीक्रेट फाइलें रखी जाती हैं. क्या बताऊँ आपको कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है टी ब्रांच के बारे में. तो प्रॉब्लम कि लोगों को ABCD केस की नहीं पता, तो हमको सारा उत्साह बताना पड़ेगा कि फाइल्स कैसे मेंटेन होती हैं, क्या ऑफिशियल सीक्रेसी होती है, कैसे झूठ बोले जाते हैं, कैसे जुमले दिए जाते हैं, उसके बाद ही यू विल बी एबल टू मेक अ कंक्लूजन कि दिस इज राइट रॉन्ग. तो एनी द फर्स्ट थिंग कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग ऑल द डिटेल्स एंड मोस्ट मेनी ऑफ यू हैव, तो दिस इज द बुक कनंड्रम विच इज डिटेल्ड, एवरीथिंग गिव्स द आंसर. दिस इज अनदर बुक कॉल्ड गवर्नमेंट डजंट वॉन्ट यू टू नो दिस. That book is an executive summary, you can say, and little bit of more, because now we have commentary of more experts, handwriting and DNA in that book. So, ये वो तो आपको बस पढ़ने का time नहीं है, summary के लिए वो book available है. उस छोटी किताब का ये हिंदी version है, मान लीजिए आपके घर में आपको किसी को present देना है, अपने daddy को
क्योंकि सभी को इसमें इंटरेस्ट है अभी, क्योंकि इसको लेके जो आपका यहाँ बिहेवियर है कि आप 3.5-4 घंटे से बैठे, वो एग्जैक्टली सेम है। अभी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में 5.5 घंटे करके आया मैं करके, यूएस में भी हर जगह, डेलस में, टेक्सस में, हर जगह 4-5 घंटे, कहीं भी जाइए आप, MIT बॉस्टन तो मैं 1 घंटा लेट पहुँचा, अनफॉर्गेबल टू लीव सो रिच, बट सो एनी बॉडी हु हैज़ एन ओपन माइंड, हाँ, बट इनके पास मत जाना, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री स्टूडेंट्स, वो ऑलरेडी माइंड मेकअप करके बैठते हैं, सुनते नहीं किसी की बात में। तो ये आप, तो ये बुक आप किसी को, अगर आपको किसी घर में आपके बड़े हैं जिनको हिंदी में पसंद आता है, कोई प्रेसिडेंट देना, तो पढ़िए, अच्छा है, एंटरटेनमेंट भी पास होगा, टाइम होगा, ये करके। हमको आप लोग जो मेन सपोर्ट करनी है आप लोगों ने, कि आप लोग हमको ये फेसबुक ट्विटर में आप फॉलो करो, जब जब आपका मन करे कोई अच्छी चीज़ देखें आप, प्लीज़ हमको रीट्वीट करो, वो करो, हमें फॉलोअर्स चाहिए। और यू नो वेरी वेल हाउ थिंग्स वर्क दीज डेज, ट्विटर में जैसे मेरे अभी 80,000 फॉलो भी नहीं मेरे, वो ठीक है, मेरे हिट मुझे काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन है कि इसके और भी कम है। तो उसमें आप ट्विटर में ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे, तो द वर्ड विल स्प्रेड। तो बी एक्टिव, फेसबुक ट्विटर में जाइए, हमारी पोस्ट में ये नहीं कह रहा कि रोज़ सुबह शाम आप लग जाओ, हमारा काम है, हम कर रहे हैं। कभी कभी आपने देखा उसको शेयर कर दिया या उस पर कमेंट कर दिया, जस्ट फॉलो दी डिटेल्स इन ऑल दैट। यूट्यूब में हम लोगों ने डाल रखे हैं वीडियो, हमारे अपने चैनल हैं, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर कई बातें हमने एक्सप्लेन कर रखी हैं। पैसे हम लोग लोगों से मांगते नहीं थे पहले, क्योंकि वो होता कि आप पैसा, एक आदमी 50 रुपये का 50 आदमी गाली देते हैं कि पैसे कमा रहा है नेताजी के नाम पे। लेकिन रिसेंटली हमने क्या कि हम लोगों ने UPI अपलोड कर दिया, कि ये UPI इंटेंशन इसकी थोड़ा 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 10-10 रुपये दे रहे हैं आदमी, और देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा, तो हमारे को कोई वो नहीं करना। तो सिंस समबडी सेड अदरवाइज दिस लाइट वॉज नॉट देयर, बिकॉज आपने बोला दिखा दो, तो मैं दिखा दिया। नाउ वी आर ओपन टू एनी क्वेश्चन, हमारे को कोई जाने की जल्दी रात को नहीं है, आप जो सवाल पूछना चाहे खुल के पूछिए। क्रिटिसाइज करना है, एज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी आप खुल के क्रिटिसाइज करो, जो सवाल पूछना है पूछिए, आपने पॉलिटिकल अफिलिएशन पूछना पूछिए, लेकिन दिमाग में रखना कि जूता मारोगे जूता खाओगे, क्योंकि मैं सीधा आंसर देने वाला आदमी हूँ, और हमारा वी हैव नथिंग टू हाइड, नथिंग टू हाइड, वी आर टेलिंग यू द ट्रुथ एज इट इज। लेकिन कईयों को, लोगों को बीमारी होती है कि वो पहले कुछ नहीं बोलते, लेकिन पीछे बैठ के बोलेंगे ये है वो है, उसका एजेंडा, उसका फलाना एजेंडा है। प्लीज डोंट डू दैट, आस्क स्ट्रेट क्वेश्चन, ये है कि नहीं, हम आपको उसका आंसर देंगे। इट्स अ डेमोक्रेसी, हम लोग वी कैन एग्री टू डिसएग्री, बट प्लीज पुट क्वेश्चन विल वेरी हैप्पीली आंसर। सो कैन वी फर्स्ट गिव देम ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। So we will take maybe 2 questions from each row. We'll start like this, and then if questions concur, then the guests can answer along. So we'll start from the first row. We'll try to contain our questions because it is already been 3 hours plus. So one of our volunteers will be on that side, and the other will be on here. Thank you very much, Anusda and Chandrachudda. So my question is, in the last PM speech, it was a loaded speech in my opinion. So is there really some significant change in the attitude of the government? Thank you. देखिए थोड़ा सा तो फर्क पड़ रहा है, आप ये नहीं बोलेंगे फर्क नहीं है, कम से कम जो कल घटना घटी है। देखिए हमारी 2-3 डिमांड है मोटा मोटा, वो डिमांड ये है कि 1947 से HP कामत जो थे ICS छोड़ा सुभाष बोस के बाद उन्होंने, तो हमारी 2 डिमांड है। पहली डिमांड, और ये दोनों इंटरलिंक्ड है, पहली डिमांड ये है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट, इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ नेताजी, सो दैट हैज़ टू बिकम ऑफिशियल, नंबर 1। नंबर 2, वो डेथ का इशू सेटलमेंट होना चाहिए। तो कम से कम पिछले 4-5 साल में प्रधानमंत्री ने कुछ अच्छे स्टेप लिए, कुछ फाइलें पब्लिक कर दी, हर एक फाइल का फायदा होता है। दूसरा है कि उनकी नेताजी की लेगेसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जैसे कल का जो परसों का जो हुआ कि उनका मूर्ति लगाया गया यहाँ पे राजपथ में, आई थिंक इतनी बड़ी नेताजी को ट्रिब्यूट नहीं दी है। तो अगर आप बोलेंगे यस, हमारे लिए बहुत, और हम लोग इसलिए थोड़ा सा वो भी एक्टिव है कि पिछले 70-75 साल में हमें ऐसा मौका नहीं मिला कि कलकत्ता में और दिल्ली में दोनों गवर्नमेंट जो है वो हॉस्टाइल नहीं है, और हम चाहते हैं कि इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ, और इसके हम लोग सच्चाई के इतने क्लोज कभी नहीं आए। और अगर अब इतना क्लोज आने के बावजूद भी अगर हम आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल में इसको सेटल नहीं कर पाए, इट वुड बी अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ ईच एंड एवरी बॉडी हु फॉट फॉर ट्रुथ फॉर लास्ट 70 ईयर्स, स्टार्टिंग विद HV कामत, समर गुआ एक्सेट्रा। तो है कि हम हैप्पी हैं, लेकिन अदरवाइज मतलब ऑन द डेथ इशू अभी मोदी जी से अभी कुछ खास हुआ नहीं है, लेकिन है कि हाँ, ओवरऑल ही हैज डन अ लॉट, सो वी आर हैप्पी एंड होपफुल, और हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा एक पब्लिक इंटरेस्ट जनरेट करके गवर्नमेंट से काम करवाएं।
बट ये पॉसिबिलिटी की बात है, बट वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर द ग्राउंड रियलिटी दैट दिस गवर्नमेंट स्टिल फॉलोज द यूपीएस डिसीजन ऑन रिजेक्टिंग द मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट. तो वो भी रियलिटी चेक है, बट थिंग्स आर मूविंग, वी आर होपफुल, थिंग्स आर लुकिंग अप, बट वी कैंट फॉरगेट द ग्राउंड रियलिटी. Yeah. Thank you, Mr. Ghosh and Mr. Dhar. So it was a wonderful, again, it was very mesmerizing. So my question is very short, very precise. The bureaucracy, you often like, you know, like you're talking about bureaucracy, like how they hinder into this kind of things, information coming out in open. So my question is like, will it change? What do you expect like within next 5 years or 10 years? Because I know that there are many people who are actually career diplomats and then bureaucrats, and there I have Prime Minister's command is to be obeyed. The bureaucrat has to obey it. So the buck stops with Prime Minister. A bureaucrat may have the reservation, whatever, but once the command comes from the king, Babu has to obey. Okay. The Babu can create an atmosphere ki way he or she thinks it is not in the interest of them to for this thing to come out. But at the end of the day, once the Prime Minister agrees, he can do it. Babu will not be able to create any order. So we can expect maybe in near future. I do future. Not know. What I am saying is that is a decision the Prime Minister has to take, Achy. Not the Babus. Babu will not be able to, they may not want it to happen. No. The initial level of resistance will come from the Babus, but if the political leadership has the will, the Babus cannot stop Babus it. Cannot stop it. No. Thank you. Why did Netaji become a Gumnami Baba? Did not come out. Sorry, what was that? Why Netaji became Gumnami Baba? Why he became Gumnami Baba? I mean, the question is same, why he did not come, why he lived like this? That is what is, yeah, that is same thing. Right? That's it. It's a very complex and very, you know, I was in certain university you are very nice, but the other person was insisting on having an answer in one line. So I try and explain to him, look, there are certain things in life. Life is usually very complicated. It's not a very easy going thing as it appears in Hindi films, in TV series. It's a very complicated thing. He said, no, you give me answer in one line, why did not come out? I said, I can give you answer in one line. He would say that my coming out is not in India's national interest and people would suffer if my location is disclosed. My coming out is not in India's national interest. He said, no, this is not an answer. Give me I want you to give me answer in one line. I had to explain to the young fellow, look, if you have... One line mein ek hi answer ho sakta hai, meri marzi. उसका आंसर ये है कि लाइफ में हर चीज़ को बहुत छोटे में समझाना मुश्किल है. जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज प्लेनिंग टू दैट द यंग स्टूडेंट, इफ़ यू हैव गॉड फॉरबिड अ फ्लैप विद योर फ्लिप यू नो सम काइंड ऑफ फाइट विद द गर्लफ्रेंड, इट विल टेक यू अबाउट अ मंथ टू रिजॉल्व इट. 50 बार फोन खड़काने पड़ेंगे, ईमेल लिखने के, तब तो जब लाइफ में इतनी छोटी छोटी चीज़ों को रिजॉल्व करने में महीने लग जाता है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है. आपको मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ले जाऊँगा, वॉर क्राइम्स क्या होते हैं, सरकमस्टेंसेस क्या थी, ये था वो था. एक हम बात बार बार बोला करते थे कि गुमनामी बाबा कहते थे कि साहब मेरा बाहर निकलना देश हित में नहीं है, अगर मैं बाहर निकला तो वॉर क्राइम्स के चार्जेस हमारे पे लगे हैं, व्हाटएवर होगा, फॉरेन कंट्रीज़ मेरे पे प्रेशर लगाएंगे भारत के ऊपर, भारत एक बहुत गरीब कंट्री है, यहाँ के लोग सफ़र करेंगे मेरी वजह से क्योंकि वो प्रेशर लगाएगा और ये लोग छोड़ेंगे नहीं करके, तो मेरी वजह से लोग फिस जाएंगे. तो लोग मुझे देते थे आंसर, अरे किसकी हिम्मत है, हम देख लेंगे, ये कर लेंगे, कौन है जो हमको रोक देगा, ये कर लेगा, वो कर देगा. तुम्हारी हवा तो कतार ने निकाल दी, तुम क्या लड़ाई करोगे भैया वर्ल्ड पावर से 1965 के अंदर. So I think people should understand things are very serious, they are not like this. You can't take on a country like Qatar in 2022 and you expect me to believe India would have taken on all world allied powers in 1965 over Subhash Bose, jahan pe 90% logo pehne ka kapda nahi tha yahan pe. So it was fairly complex, but he would say my coming out is, so you can, the answer, circumstances and the very fact he was on the losing side in Second World War, everybody who was with him in Second World War either died or committed suicide. He survived. So the nobody would have allowed him to become the prime minister, and so he had no other option but to. और ये आप ये जवाब अगर आपको far-fetched लगता है, किताब में सब कुछ, उस टाइम किताब में तो पढ़ ही लीजिए क्या क्या reactions बाद में हुआ है. But 23 जनवरी को जब मोदी जी ने वो hologram statue announce किया, तो global media का जो reaction था 2022 में, जो reaction था वो आप ट्विटर में आपको मिल जाएगा, आप न्यूज आइटम्स देख लीजिए. ग्लोबल छोड़िए, वो रिएक्शन अगर 2022 में हो सकता है तो आप इमेजिन करिए 1950 में क्या रिएक्शन होगा. हिंदू न्यूज़पेपर की जो एडिटर इन चीफ है उसने बोला कि फासिस्ट है, हिटलर का सपोर्टर था, उसकी इतनी हिम्मत है. देखिए मद्रास में बैठी हुई है,
और वो ऐसे लिखे जैसे कि उसका न्यूयॉर्क टाइम न्यूयॉर्क में उसका घर है उसका होगा वैसे ऑब्वियसली कल के कलकत्ता का जो अखबार है वहाँ का जो मेन इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसके अंदर भी उन्होंने हिटलर वाली बात उन्होंने भी कर रखी है कि आज के ज़माने में कलकत्ता में और लोग पीछे खड़े हो जाते हैं एक और तो इमेजिन कीजिए उस टाइम पर। दूसरा ये कि लोग एक दिमाग में लोग एक फितूर है कि सारे देश के लोग नेताजी के साथ खड़े हो जाएंगे। नहीं, आपने किसने बोला आप लोगों को, आप नेताजी के होम स्टेट की बात करो, वहाँ उनको तोजोर कुकुर बोलते थे, तोजोर कुत्ता बोलते थे लोग, जहाँ उसके होम स्टेट में आदमी उसको खड़े होने को तैयार नहीं है। 90% जो है कांग्रेस पार्टी के या और इनके कम्युनिस्टों के सपोर्टर हैं, अगर नेताजी निकल के आते हैं 1965 में आपको लगता है कि सारा बंगाली खुश हो जाएंगे जिन्होंने उनको जिंदगी भर में तोजोर कुकुर कहा था, वो क्या बड़े खुश होते कि वापस आ गई है। तो इट वुड लीड टू प्रॉब्लम टसल, जैसे एक उनके नोट्स बनते थे जब ये जिनकी बात कर रहे हैं हम लोग इनकी, तो उसमें एक नोट बना था कि उनसे 1977 में जब ये मोरारजी भाई गवर्नमेंट आती है तो उनसे पूछा कि व्हाई डजंट दिस गवर्नमेंट आस्क यू टू कम आउट एंड टेक योर राइटफुल प्लेस, हिज आंसर इज इफ आई केम आउट लॉट ऑफ इनोसेंट्स विल डाई। तो सो दीज आर द सर्कमस्टेंशियल एंड अदर हैंडीकैप्स एंड रीजन फॉर विच दिस पर्सन वॉज अनफॉर्चुनेटली मेड टू लिव लाइक दिस। सर आई वॉन्ट टू नो कि 1945 में जो प्लान क्रेस का सुभाष जी का इंसिडेंट हुआ वो ट्रिगर्ड हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिस तरह से एंड हो रहा था उसकी वजह से या इंडिया वॉज गोइंग टूवर्ड्स डोमिनियन स्टेटस इसकी वजह से? द स्टोरी ऑफ द प्लेन क्रैश वॉज प्लांटेड बिकॉज दिस मैन हैड टू बी प्रूवन डेड सो दैट एंड ही कुड एस्केप, इट वॉज अ प्लांटेड स्टोरी अंडर द कवर ऑफ द प्लेन क्रैश स्टोरी ही एस्केप टू रशिया। उस टाइम पे जापान हैड सरेंडर्ड, एक्सिस पावर्स में जो जर्मनी इटली जो भी थे दे हैड सरेंडर्ड एंड द INA वॉज रिट्रीटिंग, तो इट वॉज टाइम फॉर हिम, नेताजी का जो ऑब्जेक्टिव था टू मूव टू अनदर थिएटर ऑफ वॉर एंड रीऑर्गेनाइज द एंटायर थिंग। क्योंकि 1945 में देश में कोई फ्रीडम स्ट्रगल नाम की चीज़ नहीं हो रही थी, 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो स्टार्ट हुआ और वो उसका 2 महीने में सुपड़ा साफ हो गया उसका, फिर उन्होंने डिजोन कर दिया उसको बैठ करके 45 में, क्या 45 में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बैठ करके लोग, तो जेल में थे तब, एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिव वर्क चल रहा था, देयर वाज नो फ्रीडम स्ट्रगल इन 45, ओनली सुभाष वाज फाइटिंग। तो उनको यही बोला गया कि आप कंटिन्यू करो। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, किसी ने पूछा इनको सो कॉल्ड गुमनामी बाबा को कि लड़ाई में किसकी ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस थी, मतलब ज़्यादा सेक्रीफाइस था, भगत सिंह का कि मिस्टर सोएंसो, उनके सामने उनका नाम लेते थे बोलते थे मिस्टर सोएंसो। तो उसने आंसर दिया कि उन्होंने सवाल में काउंट बिकॉज ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ वॉट ही हैड डन एंड ऑब्वियसली सेम टाइम ही वुड नॉट यू नो लोअर समबडी एल्स यू नो, कि भगत सिंह भी तो हमारे इतना लोग मानते हैं, तो उन्होंने एक काउंटर सवाल किया जब उनसे पूछा कि भाई आपका बड़ा सेक्रीफाइस था कि भगत सिंह का सेक्रीफाइस बड़ा था, तो उन्होंने आंसर दिया कि आवेश में आकर के लिए देश के लिए जान दे देना ठीक है या देश के लिए लड़ते रहना ठीक है। इनफैक्ट वही प्रीतम सिंह ने जो गवाही दी है उसने बताया कि हमने नेताजी को बोला था जब लड़ाई खत्म होगी, सुभाष वाज एक्चुअली इन द व्हेन द फाइट वाज हैपनिंग ही वाज उसका प्लान उनका नेताजी का था कि मैं बॉर्डर में आकर के वहाँ पे मैं वीरगति को प्राप्त हो जाऊँगा और मेरे मरने से लोग भारत के लोग नाराज हो जाएंगे और ये चढ़ जाएंगे, उनका प्लान तो ये था। तो प्रीतम सिंह ने बाकी लोगों ने बोला कि नहीं आपका मरना आपको जिंदा रहना है, यू हैव टू सर्वाइव बिकॉज द होल थिंग डिपेंड्स अपॉन यू। सो हमने उनको प्रेशर दिया कि आप भागो यहाँ से और कहीं जाके वो लो, वो सारे सेंटिमेंटल और सारे पॉइंट्स हमने सारे कवर किए उस पर, दिस इज ऑल वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। यस सर, स्लाइटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यू हैव डन एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन द टॉपिक एंड वन एरिया दैट यू नो व्हिच इज लिटिल बिट ग्रे, आई मीन Can you comment on whether Netaji's coming back from Russia, the erstwhile government was involved or Netaji with the group of people? No, it's not very, sir. These are very obvious questions, sir. These are the very obvious questions. All these have been answered. You're asking when he came? Of course, we know when he came back. How he came, we know. We have discussed that in the book. So the government was not involved in bringing him? Not our government. No, never said the government was not involved. The government of India, the question should be, was government of India aware this man was in India? The answer is, it's a very fairly complicated, I'll tell you like this goes like this. The government of India, to best of our understanding and our the way we have understood, obviously they were aware he was in Russia. That is why for whatever reason, Panditji sent his own sister as India's first ambassador to Russia. She tried to find out about him. Everybody, people talk about it. You can't do it legally, but she tried. Then, Ambassador Saab, our Radha Krishnan Ji, wahan gaye. Radha Krishnan ko malum chala hai. उसके बाद राधा कृष्णन की यहाँ पे उसकी चांदी हो गई यहाँ पे आके, टीचर्स डे एंड भारत रत्न फलान ढमकाना सब शुरू हो गया करके।
ठीक है जी, नाम निकल के आ रहे हैं. नाउ इट सीम्स टू अस दी वट एवर वी कैन मेक आवर कैलकुलेटेड गेसेस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉब्ली थॉट बाय 19 मिड 50s और वट एवर दैट द मैन इज लॉस्ट इन रशिया, ही विल नॉट बी एबल टू कम बैक. सो दे दैट मट अब अज्यूम दैट ही हैज डाइड एंड वैनिश्ड एज मिलियंस अदर्स हैव. इट वॉज ओनली इन 1959ish दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम टू नो फ्रॉम टिबेटन सोर्सेज. नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम गोनामी बाबा दैट ही इज अलाइव बट ही इज समवेयर ऑन दी Chinese border here and there, and so this is how they came to know, but there was no connection. Then what we understand from whatever information has come on record or whatever, what we understand, in the time of Mrs. Gandhi, the government of India knew where he was and they were in touch with him, but Pandit ji ke time pe nahi tha. And there are many interesting details in between, so these are sir, what you're asking, very obvious questions, obviously these have been answered. That's why the, and I wish when we come here next time we'll talk about it. It was not answered in a very explicit fashion. We have answered that. Only thing is the presentation will go on for 7 years. It has been answered in a very explicit manner in the book. As I said, that each of these questions. Acha. No, the graphic details. They, that is not possible. It will not be possible till the time the government reclassifies all intelligence files. Our government. Soviet, is this not graphic? आपने बोला कि डिटेल नहीं है. इज दिस नॉट ग्राफिक? डू यू नो वॉट इट इज? दिस इज शरद चंद्र बोस नेताजी ब्रदर सिंह नेताजी इन रेड चाइना. डू यू नो दिस मैनस ओन ग्रैंड सन हुज अ प्रोफेसर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यू नो, डजंट इवन टॉक अबाउट इट. दे फेंस इग्नोरेंस. अपने ही दादा ने अपने ही न्यूज पेपर में 8 कॉलम की स्टोरी छापी है और उसी के पोते कभी इसकी बात नहीं करते. नहीं, बात करते हैं. दे सेड दैट ही वाज मेंटली अनस्टेबल. जीटी घोस्ता कमीशन सेड कि दिस पेपर डज नॉट एग्जिस्ट. दिस बाय इटसेल्फ इज 1948 से. सर आपने बुक ढंग से नहीं पढ़ा है. हमने कभी नहीं बोला कि 48 के बाद वो फैजाबाद में आए थे. ही वाज मैनपुरी लखनऊ. Yeah, so then he was let off. So kindly go back to the book. It is already clearly mentioned कि कैसे वो निकल के वहाँ से आया, वो सब mentioned है. आप पढ़िए, समझ आएगा आपको. Not at all. Government was the. They were vaguely aware that he was somewhere around. They knew he was alive. And if you read Conundrum, there is another angle which we have not spoken about, which is the imposter thing. आप उसको पढ़ेंगे तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगा. थैंक यू सर. बट दिस इज ऑल आई नो वे कमिंग फ्रॉम, बट यू लव इट, रीड इट. बाकी हम लोग पूरा देखो, हम लोग तो पूरा हम वी आर नॉट, आई एम नॉट, ही इज नॉट द डायरेक्टर ऑफ आईबी, सो वी हैव रिटन आवर लिमिटेशंस कि हमारे पास. ऑफ कोर्स वी डोंट नो एवरीथिंग, बट वी हैव डिटेल्ड सो मच. 800-900 पन्ने लिख दिया, तो सब कुछ मेंशन किया, कैसे आए, कब आए, वो सब मेंशन किया हुआ है. Yes, yeah. Sir, whenever someone works on a cause like जिसमें काफ़ी highly reputed politicians और administrative officers की reputation जुड़ी होती है, तो उसके साथ काफ़ी threats भी आते हैं. Like sir, I come from MP and I have seen in the Vyapam Ghotala case many journalists and witnesses were murdered and killed. So sir, do you have ever felt something like personal threats while dealing with the sensitive issue? No, actually not. And my understanding is that just like there are very important high-level politicians who don't want the truth to come out, there is also a very big chunk of silent politicians and silent bureaucrats who want the truth to come out. Although they know that it is not happening officially, it might take much longer to come out officially or to be acknowledged officially, but जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑफिसर्स में जाते थे, जो लोग मिनिस्ट्री से आते थे हमारे अगेंस्ट और बैठ के हमें बातें सुनाते थे, वही लोग बाहर आके भी हमारे पीठ थपथपाते कि अच्छा काम कर रहे हो, कीप इट अप, डोंट गिव इट अप. सो दे यूज टू एनकरेज अस. सो ऐसे एक साइलेंट बहुत बड़ा चंक भी है हु वांट द ट्रुथ टू कम आउट, बट दे नो दे आर हेल्पलेस, दे कांट डू मच. वी हैव सफर्ड अ लॉट, बट दैट्स नॉट द टाइम टू टॉक अबाउट इट. सो अभी और काम नहीं. सफरिंग इज डिफरेंट, बट थ्रेट नहीं. तो कोर्ट केस कर दिया.
वो तो हजार तरीके से बिल्कुल सरकार चेंज हो गया। मैंने ट्वीट किया था, निर्मला सीतारमन जी उस टाइम पर डिफेंस मिनिस्टर थी, आई रोट टू हर सेइंग दैट kindly withdraw the case, at least now the government has changed, come out with the information. और इन्होंने सारी फाइलें पब्लिक नहीं करी हैं सर। हाँ जी सर, आई हैव हर्ड समवेयर दैट इन 1962 जब चाइना ने इंडिया को हरा दिया था तो उन्होंने कुछ ऐसी टेरिटरीज कैप्चर कर ली थी जो चाइना ने वापस लौटा दी थी इंडिया को, तो मैंने कहीं सुना है कि वो सुभाष चंद्र बोस की इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से ही लौटी थी। अब उसका लंबा चौड़ा कहानी है कि गुमनामी बाबा के चाइनीज एंगल है वो ऑलरेडी आपके सामने आ रहा है करके, सो देर इज समथिंग, बट उसका आंसर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा तो अभी आंसर नहीं करेंगे। बट गुमनामी बाबा वॉज गोइंग आउट ऑफ इंडिया, ही हैड अ कनेक्शन विद चाइनीज ऑल्सो, बट दैट्स व्हाट आई विल टेल यू। बट एक आपको मैं आपकी लेट मी एंटिसिपेट वन और टू क्वेश्चन बिकॉज देयर सर्टेन वीडियोज वी कुड नॉट शो यस्टरडे, और आप क्योंकि बिल्कुल पॉलिश ऑडियंस बैठी है तो एक आपको दो चार दिखाते हैं। पहला चीज़ जो आती है कि हैज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दैट ऑल द फाइल्स, नो दे हैव नॉट। नॉट टू अंडरस्टैंड दैट बेटर यू नीड टू सी यू नो दिस वेरी फैंटास्टिक कोट विच पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड बैक देन। वो आपके डोनाल्ड रम्सफेल्ड साहब जो रक्षा मंत्री थे अमेरिका को, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो लोगों को समझ में नहीं आया, तो आप जरा ये देखें उनसे। Reports that say there's that something hasn't happened are always interesting to me because, as we know, there are known knowns. There are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know. So there are Netaji files are basically in three categories: known known, known unknown, and unknown unknown. What Modi ji has released are known known files. We know there are known unknown files. That means there are files whose names we know, but the files are not released. And the third category is the unknown unknown. We do not know that these files exist, but we can make out they must be exist, must be, you know, aware, I mean, must be there. For example, the even the American CIA noted the presence of Gumnami Baba. Am I to believe that the IB of India was not aware of him? But then IB of India says, you know, we do not know about this person. That means they're hiding something. So there are, so this, what people made fun of this man, but this is probably the, one of the best insight anybody can talk about the life in general. So known knowns, known unknown, and unknown unknown. So same goes for Subhash Bose file. Hopefully in future, we probably will get into those, you know, classification, etc. Hello, sir. Delightful talk. Thank you. Thank you. So there are two questions that I wanted to ask. One was based on the plane crash. So in all the angles that you have explored, I wanted to know if there was an angle that the crash actually happened, but he survived the crash. No, there was no such thing. To the best of our knowledge, the whole thing was planted. There was no plane crash. Okay. He was not even present in Taiwan that day. Okay. He probably, you know, slipped away from Saigon itself. Or some other part. I mean, what are the evidences that point? Long and winding है उसमें किताब में दिया सब कुछ करके, but वो straight question answer दे सकते कि वहाँ पे वो नहीं थे वहाँ पे. The second question is, we talked about all the revolutionaries and everyone. So one particular name, Mahatma Gandhi. So that he has done a lot of things that he should not have done. But what I wanted to ask is, in all the research that you've done, have you been able to speculate or make an opinion of why he did what he did, which he shouldn't have? बैठिए, एक चीज़ आपको बताते हैं, आपको क्योंकि गांधी जी के बारे में एक बात और इसमें होती है, उसका समझिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। 1946 में, 20 जुलाई 1946 को लुई फिशर नाम का एक जर्नलिस्ट महात्मा गांधी से मिलता है, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। Louis Fisher was a friend of India. He was an American Pulitzer Award-winning journalist. It was Louis Fisher's book which was turned into the movie Gandhi. So that movie was based on Fisher's book. And he was a big shot in everything. In fact, he used to convey Gandhiji's message to the American establishment. So inki meeting hoti hai, record pe usme kisi ko dispute nahi hai, but uska kisi ko inside pata nahi hai. Theek hai. सब कुछ खत्म हो गया, दिन बीते चले गए। 1990 के दशक में जाके फिशर के मरने के बाद में उसके रिकॉर्ड्स जाकर के वहाँ पे उसकी फैमिली डोनेट कर देती है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहाँ से वो बॉक्स खुलता है और वहाँ से कागज़ निकलने शुरू हो जाते हैं। अभी रिकॉर्ड पर आ गए, हमने भी वहाँ से ले लिया। तो गांधी जी से मीटिंग करने के दो दिन बाद गांधी जी के बिहाफ पे गांधी जी बहुत बार ऐसा काम करते थे कि जब सीक्रेट बात बोलनी हो किसी और को बोलते थे कि तू लुक, मतलब अपने लेकिन कॉन्फिडेंट आदमी को। तो उन्होंने खुशी बेन नारोजी जो उनकी सेक्रेटरी थी, शी वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, शी वॉज अ प्रॉपर सेक्रेटरी, तो खुर्शीद बिन नारोजी को उन्होंने चिट्ठी लिखी
उसको फिशर को गांधी जी के बिहाफ पे अंग्रेजी में, और वो शी वॉज ग्रैंड डॉटर ऑफ दादा भाई नौरोजी, शी वॉज अ बिग शॉट, उनकी अभी बायोग्राफी आई है थोड़े दिन पहले, तो बीबीसी में खबर है उसके बारे में. तो शी हरसेल्फ वॉज अ जॉइंट ऑफ अ लीडर इन दैट सेंस, एंड शी केम फ्रॉम नौरोजी हु वॉज गांधी जी गुरु इन दैट कैटेगरी. तो उन्होंने उनको उसमें कुछ लाइनें लिखी उसमें करते करते, दिस इज नाउ रिटर्न ऑन 22nd of July 1946. सुभाष इज डेड फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर, एंड शी राइट्स दैट गांधी जी इज अवेयर दैट द इंडियन आर्मी इज नो लॉन्गर ऑफ द सेम टेम्परामेंट इट यूज टू बी, एंड एट हार्ट दे हैव चेंज्ड, एंड देन गोज ऑन टू राइट, इफ सुभाष कम्स बैक विद द हेल्प ऑफ रशिया देर इज नथिंग गांधी जी कैन डू टू रीजन विद द कंट्री. सो ए यू आर अवेयर ही इज इन रशिया एंड यू आर अफ्रेड दैट इफ ही कम्स बैक दे विल बी प्रॉब्लम इन द कंट्री विच इज कमिंग इन द इंटेलिजेंस फाइल्स ऑल्सो, एंड थ्री यू आर कन्वेइंग दिस इन्फॉर्मेशन टू द अमेरिकन्स. तो यू नो द आंसर करता हूँ आप लोग को, वीडियो बंद करो, आपको दो चार चीज़ें जो कल आंसर हम नहीं कर सके, जस्ट टू पुट इन, बिकॉज ऑल ऑफ यू अब जो सारे 3.5 घंटे बाद बैठे, आप सारे के सारे जितने अब हमारे कमरे में 50-60 लोग हैं, आप यू आर द प्रॉब्ली मोस्ट इंटरेस्टेड इन द केस. तो वो दो चार वीडियो हम आपको दिखा देंगे ताकि आपको नॉलेज में रहे कि चीज़ क्या है. भारत सरकार का नैरेटिव डिमोलिश ऐसे होगा कि भारत पे अंग्रेजों ने जो कब्जा किया था, हम लोग उसमें अंग्रेजों को ब्लेम ठोकते हैं. अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया, अंग्रेजों के जो गुलाम थे यहाँ पे भारतीय, उन्होंने किया था. जितनी खबरें आती हैं कि साहब उन्होंने चाहे वो हमारे गदर वालों को मारा हो, चाहे हमारे बंगाल के रेवोल्यूशनरीज को मारा हो, काला पानी में टॉर्चर किया, वो किया, वो सब जगह अंग्रेजों को लपेट के, अंग्रेज नहीं मारता, अंग्रेज तो साहब लोग थे, वो सिर्फ ऑर्डर करते थे, मारने वाले सारे हिंदुस्तानी थे, उन्हीं के बच्चे बैठ करके इंडिपेंडेंस के बाद में रूलिंग क्लास और बड़े साहब लोग बन गए, उन्हीं के बच्चे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और सेक्रेटरी वेक्रेटरी बन के सब हमको लेक्चर दे रहे हैं बैठ करके. तो जैसे फॉर एग्जांपल, टेक फॉर एग्जांपल दी जलने वाला इंसिडेंट, जलने वाला बाग में आप बात करते हैं तो हम डायर के पीछे पड़ जाते हैं, बट ये सीन गांधी फिल्म का है, आप खुद देखो रियलिटी क्या थी. कंटिन्यू द क्वेश्चन. आई वाज सेइंग दैट गुमनामी बाबा वंस व्हेन ही टॉक अबाउट द 1962 इंडो चाइना वॉर एंड वियतनाम वॉर, यार वो सब मैंने बोला कि वो कंस्ट्रक्ट इतने डिटेल्ड हैं कि आप 3.5 घंटे बाद उसको लेकर के हम लोग, मैं चाह रहा हूँ कि अगले हम जितने हमारे पास 15-1 मिनट बचे हैं उसमें हम टू द पॉइंट क्वेश्चन दें और वो हो जाए, क्योंकि ये आप जो पूछे बात बात कर सकते हैं, क्योंकि वियतनाम वॉर पे आंसर देने के लिए मुझे बहुत सारी डिटेल में जाना पड़ेगा इसको मुझे, तो वो लंबा हो जाएगा. तो मैंने एंटिसिपेट कर लिया, बिकॉज हम ये लोग करते रहते कि 4-5 सेगमेंट हैं जो हम आपको दिखा देते हैं, उससे आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी चीज़ें, जैसे कि वो हिटलर के पास में क्यों गए, उसका कल जवाब नहीं है, उसका जवाब आपको पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोग अलग अलग बातें बोलते हैं वो अपने, और दूसरी बात है कि ना वो अपने दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में देख के देखना चाहिए, और है कि नैरेटिव, तो बेसिक जो चीज़ है समझिए कि लड़ाई नैरेटिव की है. अगर आपने नेताजी का ट्रुथ निकाला तो ये दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल का नैरेटिव डिमोलिश हो जाएगा, और दे दी हमें आज़ादी खड़क बिना ढाल का जो नैरेटिव है वो यूरोप अमेरिका में बिकता है, क्योंकि ये नैरेटिव को जब प्लांट किया गया था तो उसका एक रीज़न ये था कि अंग्रेज़ों को वाइट, उनको क्लीन चिट दो, उनके वॉर क्राइम्स को वॉश आउट करो यहाँ से, उनके यहाँ पे कोई पर्ज नहीं होना चाहिए, और ये नैरेटिव क्योंकि अंग्रेज़ों को अच्छा दिखाता है तो ये नैरेटिव अपनी यूरोप अमेरिका में बिकता है, और क्योंकि हमारे देश के जो इलीट क्लास, हमारे जो साहब लोग हैं वो बेसिकली बेचारे टेम्प्रेरी तौर पर यहाँ रह रहे हैं, उनके तो खानदान वहीं सेटल होना है. अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि वहाँ जाना गलत बात है, मेरे खुद के दोस्त बाहर में हमें मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही कि वो जितने भी लोग वहाँ पे एक्टिव हैं या काम कर रहे हैं देश के लिए, भारत के, चाहे उनके पास पासपोर्ट किसी और कंट्री का, उसमें से कोई भी आदमी साहबों के बच्चे नहीं है, सब नॉर्मल एवरेज लोग जो अपनी टैलेंट से वहाँ गए, IIT से पास आउट किया, आप US में बड़ी कंपनी में लगे और अपने फालतू टाइम में बैठ करके वो कम्युनिटी सर्विस करते हैं, भारत की बातें करते हैं, लेकिन जितने साहबों के बच्चे हैं वो जाके पूरा सोसाइटी में जाके मिल जाते हैं. तो जिस दिन आप, तो ये पूरा जो भारत का जो इलीट क्लास, जो रूलिंग क्लास है, वो इस चीज़ को अपसेट नहीं करना चाहता, और इसमें 70-80 सालों से इतना पैसा लगा है इसके अंदर, अरबों रुपये के हिसाब से इन्वेस्टमेंट, जैसे आप, हम बात कर रहे थे, आप मुझे हेल्थ की बात कर रहे हैं कि अगर हम लोगों ने जितना इसमें अपना जीवन खपाया, हम लोगों ने अगर हम 5% भी अगर हम लोग अपना इसका, अगर हमने गांधी भक्ति पर लगा दिया होता तो आई वुड हैव रीच राज्यसभा 10 ईयर्स ago, क्योंकि वो दरवाजे खुल जाते हैं बैठ करके सब चीज़ों के, और अजीब अजीब सी वाहियात बातें, कभी मौका आएगा आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि साहब हमारी तो कंट्री में हम बिना लड़ाई करे चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं, हमें तो गांधी जी सिखा के कहते हैं कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो भैया लड़ाई नहीं करनी तो तुमने भारत की फौज क्यों खड़ी कर रखी है, बताओ पहले आप पागल किसको बना रहे हैं आप लोग. तो बेकार की वाहियात बातें हैं. अब जिस देश में रक्षा मंत्री ऐसी बातें करे कि हम गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे, आपको पता नहीं है आप लोग 62 की लड़ाई में आपका बेड़ा गर्क हो गया था इसके चक्कर में, आपको शायद पता नहीं है कि आर्मी डिसबैंड करने की नौबत इन्होंने सगुफा छोड़ दिया था, भारत का राष्ट्रपति चिट्ठी लिख रहा है प्रधानमंत्री की आर्मी को डिसबैंड करवा दो, तो गांधी जी बोल गए थे,
कोई गांधी जी का कोई सपोर्टर फौज में कभी नहीं गया, उनके बच्चे कभी फौज में नहीं जाते, सारे यूरोप अमेरिका में बैठे हुए, और वो और रक्षा मंत्री लेकिन बन जाते हैं ये लोग बैठ करके। और वही प्रॉब्लम आ रही है कि लड़ाई लड़ने की जब आ रही है तो सुभाष बोस आगे था, जब रेवड़ियाँ बटनी शुरू हुई तो ये लोग रेवड़ियाँ लेके ये लोग आगे लाइन के अंदर और ऊपर आके बैठ गए। और वही प्रॉब्लम जो कल प्ले आउट हो रही है कि राजा की मूर्ति लगा रखी है, अंग्रेजों को अच्छा दिखाते रहो। सो द बेसिक मैसेज यू गेट फ्रॉम दी यू नो फ्रॉम द नैरेटिव, ऑफिशियल नैरेटिव, यू शो द वाइट मैन इन गुड लाइट। एंड तब जैसे ये आप देखिए रिले वाला बात, साहब लोग थे वो फिल्मों में गलत दिखाते हैं कि अंग्रेज नहीं करते थे यार, वो साहब लोग थे, वो तो ऑर्डर इशू करते थे। ये जो बैठी है गुलामों की कौम, जिनको सालों को तुम लोगों ने इंडिपेंडेंस के बाद पेंशन दी, इन लोगों को आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने आपके लोगों को मारा है आपने उनको उनको जिनको पर्ज करना चाहिए था कि 47 में पहला वो लो कि निकाल निकाल के नाम निकालो कौन इन्वॉल्व था लाहौर के किले में, किसने हम लोगों को मारा। और ये डिमांड कांग्रेस खुद कर रही थी 45 से पहले कि लोगों को जो टॉर्चर करते हैं मारते हैं इनको फांसी लगाओ इनको लगा करके, आपने नहीं किया, इनको रिटेन करने दिया तो प्रॉब्लम आ रही है करके। डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं कि इंडिया कैसे फ्री हुआ, रिपोर्ट्स आ रही हैं। देर इज अपीयर्स टू बी कंसिडरेबल एप्रीहेंशन अमंग ब्रिटिश सिविलियंस एंड सम सर्विस फैमिलीज इन दिल्ली अबाउट पॉसिबल अनरेस्ट इन इंडिया इन नियर फ्यूचर। सम वाइव्स हैव स्टेटेड दैट देयर हस्बैंड से थिंग्स विल बी वर्स देन द म्यूटिनी ऑफ 1857। वो आई एन ए की वजह से इतना बवाल मचना शुरू हो गया था देश में। दीज आर रिपोर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ यू नो अ रिपोर्ट फ्रॉम कैलकाटा स्टेट्स दैट जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस कृपलानी हैज रिसेंटली स्टेटेड दैट द कांग्रेस स्पॉन्सरिंग ऑफ द आई एन ए इज इंटेंडेड फॉर इलेक्शन पर्पसेज, दैट आफ्टर द इलेक्शन कांग्रेस विल ड्रॉप द मैटर। ये जो बात में जुमला छोड़ रहे हैं कि पंडित जी गए थे इलेक्शन में आई एन ए का ट्रायल, भैया वो जुमला था पॉलिटिकल, वो इलेक्शन के चक्कर में गए थे। ये रिपोर्टें मिलिट्री इंटेलिजेंस की, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है कैसे आपका कंट्री आजाद हुआ है। लॉर्ड क्लेमेंट एटली जी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जब वो कलकत्ता आए 1956 में और हमारे गवर्नर स्टेट गवर्नर चक्रवर्ती साहब के साथ ठहरे, तो उन्होंने उनसे पूछा, यू हैड वन द वॉर सो क्विट इंडिया हैड कोलैप्स, व्हाई डिड यू लीव दिस कंट्री। उन्होंने बोला, इट वॉज द स्पार्क दैट बोस हैड क्रिएटेड अमंग द सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, इट वॉज द थ्रेट ऑफ सुभाष बोस, द राइजिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, दैट ही न्यू it's a matter of time, and if you do not quit voluntarily we will cook in a way that will be, there will be a bloodbath. Then he also asking what was to up to what extent the Gandhiji's you know peaceful persuasions compelled you to leave this country. Attlee's face twisted into a sarcastic smile. Clement Attlee was a person who took the decision to make India free. Some idiot was having a debate with me कि no that professor is saying कि no, मैं से who's that professor यार, उसके जैसे 50,000 professor खड़े होते हैं बेसी के सामने वीज़ा लेने के लिए। वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, उसको उसकी स्टेटमेंट के सपोर्ट में बहुत चीज़ें और भी आ रही हैं। तो एक तो ये पूरा इनका डिमोलिश होगा। You somebody asked about yesterday Netaji went to Germany, said like ये आपको moral pontification करना था, कभी कलकत्ता चलना आपको दिखाऊंगा कि वो morality की बातें करने वाले बहुत बैठे हैं। आप लोगों को किसी उनको भगवान भला ऐसे लोग कभी किसी भी हालत में सिक्योरिटी में ना आए। नेशनल सिक्योरिटी इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, इट इज़ नॉट रन बाय प्रोफेसर्स। आपको अपने देश हित में वही करना पड़ेगा जो आपके देश के हित में है, और दुनिया के सब देश चाहे वो भारत हो चाहे अमेरिका हो, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट फॉलो करते हैं। हमारा भी ट्रैक रिकॉर्ड, अगर आपको लगता है कि हिटलर बड़ा गलत आदमी था, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो हिटलर की औकात है वो इमेज है वही सद्दाम हुसैन की इमेज थी। लेकिन सद्दाम हुसैन हमारा एलाई था, क्यों? भारत का एलाई था, क्यों? क्योंकि पूरे गल्फ कंट्रीज़ में उस जगह पे कश्मीर में हमको सपोर्ट करता था वो, हमने न्यूक्लियर बम फाड़ा तो उसने हमको सपोर्ट किया। किसी भी कंट्री के लिए यही मैटर करता है कि दूसरा देश आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये तो आपने बोल दिया नेशनल, ये डिप्लोमेसी है
और वो गलत काम हो रहा है, तुम्हारा प्यार प्यार मेरा प्यार चक्कर, द सेम फॉर्मूला, द रीजन वाई इंदिरा गांधी शेकिंग हैंड विद सद्दाम हुसैन, द रीजन वाई सुभाष बोस शेक हैंड विद हिटलर। उसके अलावा 50 और कॉम्प्लिकेशन, ये आदमी जो हमारे चाचा के साथ खड़ा हुआ है इसके सर पर 2-3 मिलियन भारतीयों का खून है, भूखा मार दिया उनको। आपको बड़ी चिंता हो रही है यूरोप के ज्यूज की, आप यूरोप में रहते हैं क्या? पहले मैं अपने घर की चिंता करूंगा। इस आदमी ने गालियां दी हैं हमारे को, ये हिंदू दे ब्रीड लाइक रैबिट्स, इनको शर्म नहीं आई इन लोगों को। और ये हमारे जितने बड़े बड़े फॉरेन सेक्रेटरी हैं बड़ी बड़ी अंग्रेजियां बोलते हैं आके, हमें इंप्रेस करते हैं कि हम लोग फॉरेन जाते हैं, तुमने कभी चूनी किस आदमी के सामने के साले कम से कम अपॉलोजी दी हमारे को? आज शशि थरूर उसके बारे में गाली गलौज कर रहा, सबको पहले से मालूम था, जब मरा तो आपने झंडा नीचे कर दिया। हमारी निगाहों में ये वॉर क्रिमिनल है, वो वॉर क्रिमिनल नहीं है जो हमको सपोर्ट कर रहा है। अपने घर में बुरा होगा, लेकिन आपके नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर हमारा दोस्त है भैया, दोस्त है हमारा, बर्मीज जूंटा बैठी आपके सामने बर्मा का, आप आंग सांग सुकी को भी सपोर्ट कर रहे हो, वो तो गांधी जी की फॉलोअर है, नोबेल प्राइज विनर है। तो आप सपोर्ट कीजिए आंग सांग सुकी को, चाइना ने सारे कंट्री घेर दिए आपके आसपास में, लंका आपके हाथ से निकल गया, नेपाल आपके हाथ से निकल गया, सिर्फ बांग्लादेश बचा है, आपके हाथ से बर्मा भी निकल जाएगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सो दो इट्स अ बिट लेट, नाउ वी हैव गियर्ड अप टू द स्टार्ट। रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स एंड कोलीग्स, yesterday we all have learnt about Netaji's very inspiring life and his heroic struggle for the Indian independence from Sri Chandrachur Ghosh. Now during the Second World War, Netaji visited several countries in Europe and Southeast Asia to continue his pursuit of freedom at a global scale. Now inducting prisoners of war globally into Indian National Army and the different camps of Free Indian Legion, that is the organizations Netaji had set up in collaborations with foreign governments. But what wounded the Indian population most was that the prince among the patriots was not present at the flag hoisting on 15th of August 1947. The official stand of the government of India has been that he got martyred on August 18th, 1945 in a plane crash at Taihoku Airport in Taiwan. But the most of the INA men and Indian population, they have continuously refused to accept this stand, and many have claimed to witness Netaji after 1945 at several places across the globe. In today's talk, the disappearance mystery of Netaji Subhash Chandra Bose will be covered. Numerous attempts were made by the successive governments to cover up the truth. So, their motives, along with many facts that have surfaced recently about the disappearance mystery, will also be explored. Let's welcome Shri Anuj Dhar. Please give him a standing ovation. अच्छा मुझे करो। Okay. I could not hear. Good afternoon. I guess many of you present here now would have been here last evening, but I guess there would be some fresh faces also. So the thing that we are going to talk about is what we call India's longest running mystery. And as Anuj's book, most of you have read or at least seen, India's biggest cover-up. Now, it's no more a cover-up, at least where we stand now today, after all these years of work, we can confidently say we have the answer to the question of what happened to Netaji. I spoke about Netaji's life and his work and laid the introduction to the mystery part, because mystery is not a standalone thing. We need to understand who we are talking about. So just to refresh our memory, I'll play a song from the movie Gumnami, which was based on our research. The song was sung by Sonu Nigam, and there is a lot of emotion in the song, but it's a bit slow but apt for the occasion. And we have added some, done some video editing into it, so it will come in a new format. हमारे रास्ते में आएगी सुख, प्यार, तकलीफें, मुसीबतें, मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा होगा। कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात को सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, इनमें सराहना होगा। जब जब प्रधानमंत्री
राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जय हिंद का जय घोष पुनरुच्चारित करेंगे। जब जब करोड़ों कंठों से जय घोष मंत्र बनकर नारा बनकर गूंजेगा, तब तब नेताजी को हम अपने आसपास यहीं कहीं पाएंगे। नेताजी हमसे दूर नहीं जा सकते, नेताजी हमारे हृदयों में बैठे हुए हैं। अश्वत्थामा की तरह से नेताजी चिरजीवी हैं। आपने वो डायलॉग मिस कर दिया, अश्वत्थामा की तरह जीवित हैं। अब ताली मारा तो अश्वत्थामा वाला मिस हो गया आपसे। अटल जी जो थे अपने रिडल्स में बोलते थे, तो उनके हर एक शब्द का मीनिंग होता था। अश्वत्थामा का मतलब क्या है? अश्वत्थामा ने महाभारत में ब्रह्मास्त्र चला दिया था, उनको श्राप मिला कि आप कभी मरेंगे नहीं। तो अभी जो देखा इसमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, पूरा वो नहीं था, तीन सिनेरियोज नहीं था। तो जब ये इस न्यूज़ पहुंचा इंडिया में कि नेताजी की ऐसी मौत हो गई है, ही हैज डाइड इन अ प्लेन क्रैश, पीपल टेंडेड टू बिलीव इट, दे वर इमर्स्ड इन सैडनेस, इन ग्रीफ, दे वर ग्रिप स्टिकन, बट देर वॉज नो रीजन टू डिसबिलीव द न्यूज़। But there was, of course, there were always a section of people who didn't believe it because they knew that faking death has been always a part of, a very important part of Netaji's escape plans, number of times. And apart from that, the Britishers had also announced his death just a few years ago, 2-3 years ago. So there was a skepticism, but largely people accepted it. But then news started coming in, rumors started coming in, rumors started floating. Somebody has seen Netaji here, somebody had seen Netaji there. Somebody said that he was in the Himalayas. Somebody said, just one request to all of you, if you could just mute your mobile phones. And to kisi ne yahan pe Himalaya mein dekha hai, kisi ne Patna mein dekha hai, kisi ne Madhya Pradesh mein dekha hai. Somebody said that he has been killed in Japan. So as time passed, a lot of conspiracy theories, a lot of hypotheses started coming out. And there are many of them now. And all the three commissions which have investigated the matter, in front of them, there have been scores of such conspiracy theories and hypotheses. But in sabko dekhne ke baad, if you go through all of them and look at the evidences, basically we come down to three of them. The first, of course, is the government's official theory that he died in the plane crash. And the second is that he escaped. There was no plane crash. He did not die. He created a smoke screen and the Japanese helped him to escape to Soviet Russia. And some scholars, some researchers, some politicians took it a step further and said that he was imprisoned in Russia by Stalin and bumped off. So that was the second scenario. The third hypothesis, the third possibility, third angle that came up a little later is that he came back to India. Now, that he came back to India was part of the rumors from the very beginning, but this was a very specific case. This was a very specific case that came up as a plausible scenario. Now, which one, how do we know which one of these is true? Seriously, baat hai. I mean, only one of these three scenarios can be true. Is either he died in the plane crash, and if he died there, there is no possibility that he survived and went to Russia. Baat khatam ho jati hai. So all you need to do there is to prove that he died in the plane crash. Now, the thing is that for all these 75 years, nobody has been able to prove that beyond doubt. So we are still stuck somewhere, hung somewhere in between. The second scenario, Russia, there is enough circumstantial evidence, enough inputs, very plausible inputs, which indicate that he indeed reached there. But do we have any concrete evidence? We don't. So what does this mean? Now, coming to the third scenario, that he came back to India and lived in parts of Uttar Pradesh from the 1950s and finally died in 1985. Do we have evidence, concrete evidence? Yes, we do. So that's what I said at the very beginning, that where we stand now in terms of information inputs, in terms of research and our knowledge today, we can fairly confidently say
that we know what happened to Netaji. We know the answer. Now, for the next couple of hours, we will take you through the process of sifting through evidence, through facts, through information, and then help you, let you decide for yourself. We will put the facts in front of you. We will not tell you which one you should believe. You will make up your mind. Of course, we have a specific stand. We have a very categorical stand. But here, we are not here today to tell you what we believe. We will give you our reasons, but we will also put the facts in front of you so that you can make up your mind. Now, we have been doing this for many years now, but even after we explain everything, show all the evidence, people come up and say, "Arey, ye sab to theek hai, par mera man nahi manta. I don't believe." So you have to be, specifically because you belong to one of the premier scientific institutes in the country, you have to put aside your emotions and feelings and what you believe and focus entirely on facts and evidence, because evidence is what matters at the end of the day. Now, all pieces of evidence might not be according to the Indian Evidence Act. All pieces of evidence might not be proven in the court of law. But it has to be reasonable, it has to be logical, it has to be plausible, if not absolutely provable in a court of law. So that's what we need to do today. We will look at the facts, we will look at the evidences, and let's start the journey. I will ask Anush to take over. देखिए ये जो जैसे फॉर एग्जांपल अनुचूर ने बताया आपको कि वी वुड रादर बी स्ट्रिक्ट अबाउट द लीगली एडमिसिबल एविडेंस समथिंग विच यू कैन प्रूव बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और एटलीस्ट टेक बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ बट देर मे बी सर्टन एविडेंस विच इवन दो इट्स नॉट लीगली एडमिसिबल बट नंदलेस इट वुड बी हाईली क्रेडिबल फॉर एग्जाम्पल गांधी जी मेड पब्लिक स्टेटमेंट्स वन आफ्टर अनदर इन 1946 that Subhash Chandra Bose was alive, he was biding his time and he would come back. A person of the stature of Mahatma Gandhi would not make such statement without having any knowledge of it or what he was saying. So it's just a legal technicality. The Gandhiji never made this statement before any commission or court of law. Otherwise, he said it publicly, it was published in India, published in America, everywhere. So even though we would restrict ourselves to mostly legally tenable evidence, but at the same time, we probably will also have to give some importance to this sort of evidence, which otherwise hearsay. But then, nonetheless, you know, Gandhiji could not have, and made such a statement. Just to repeat the same point again, that belief and hearsay is not evidence. I believe this happened, I believe that happened. Mera dil nahi manta. General G.D. Bakshi ke dialogue hai ki mera dil nahi manta. Or to wo ye, that is not the, we have to be scientific and rational, dil jo nahi manega to uske liye doctor sahab baithe, lekin aap zara dekhiye ki aapke samne. To ab jaise for example, I am even willing to consider a conspiracy theory provided the person who is the source of it has gone before a court of law or a commission of inquiry and made his point. Even that we could consider. Just because, somebody is coming and saying, my father was in the INA and therefore I believe that Netaji did not die or I believe that he died. I'm sorry, that is of no consequence. Yes, but if your father appeared before a commission of inquiry, I'm going to consider it. Or if your father was there at the time of the mishap, I won't going to consider it. But just because it's hearsay, your belief, it may not be evidence. Now, for example, this is a statement which you would find on the face of it very highly credible. National Herald, it's criminal defamation to say Netaji became Gumnami Baba. Sounds very credible. More so if it's coming from somebody who settled in London, is a grandnephew of Netaji. But the problem that we are facing as researchers, leave aside that this person is a certified Congress Party agent, is that we have also before us the other side of the story, which is that we had, of course, two or three proper inquiries into Subhash Bose's death, that in 1970-74, there was a commission of inquiry functioning, namely G.D. Khosa Commission of Inquiry. Now, before any commission of inquiry, you have, different parties, and these parties have the lawyers, and the lawyers would agitate their point before the judge. And judge has to decide which one would be the best, of all these theories. And in before commissions, and then again, you have a argument session when all the parties and all the, the lawyers, make those points. Now, for example, before the Khosla Commission,
Netaji's family's lawyer was this gentleman, N.D. Majumdar, who was a former law minister of Bengal, London-trained barrister, very eminent person. He was also a freedom fighter. He knew Gandhiji, he knew Subhash Bose. He was a law minister of Bengal for some time. So he was the speaking on behalf of Netaji's family. So mind you, the other, you know, this particular, you know, the story in media is just a statement and claim before a newspaper. This one here is a statement before a commissioner of inquiry on behalf of Subhash Bose's family. And Mr. इसको इस पर आएगा नहीं फिर इसको कैसे करूँ ऊपर पकड़ना पड़ेगा ये एक्चुअली इसके मुंह के पास में वो आपके पास में कंट्रेप्शन है ये वाला वो जो टॉकमैन जिसको कहते हैं वो लगाने वाला हाँ इफ दे हैव दिस टॉकमैन दैट विल बी कैप्चर नो दिस विल अगेन बिकॉज द कॉलर गोज डाउन वहाँ से रीच नहीं हो रहा ओके नाउ इज इट ओके नाउ इज इट बेटर ओके सो दी द सो हियर दी एनडी मजूमदार मेड दिस क्लियर स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ नेताजीज फैमिली इन 1973 दैट सुभाष चंद्र बोस इज अलाइव He is not able to resurface because of certain war crimes complications. Now, please tell me, what do we do as researchers? Shall we brush this aside, statement made by Subhash Bose's family before a commission of inquiry, or shall I believe these statements made by a person who is part of a political party? So that's the problem. So we will go strictly by the evidence and, you know, logic. Now, what is the plane crash story? Netaji was, as we all know, he went over to the Axis side, Second World War, and 7th and 9th of August, we have the atomic strike on Japan, Hiroshima and Nagasaki. On 15th of August, Japan announced it's going to surrender to the Allied forces. And when that happened, Netaji was somewhere close to like Singapore. So the story goes that Netaji then he took some of his men along with him, Japanese, Indian, top aides, and they were the idea was for Netaji to go to Japan, talk to the highest, you know, the high command, which are whatever it was, the headquarters, and work out a surrender plan. How do, you know, the Azad Hind Sarkar, how do they surrender and where? Modalities, because he had under his command thousands of people. He had a government. The government was free from Japanese, like it was free government. So just to work out the modalities, you know, whether to surrender, where to surrender, how to surrender, he was to then fly to fly to Tokyo, and then he was to then have come back to the same area, Singapore, and then he would have, of course, executed the whatever had been decided upon in Tokyo. But so he arrived in Bangkok, and then on 16th of August he left Bangkok. 17th of August morning he arrived in Saigon City, in Vietnam today, Ho Chi Minh City of today. So, but I can't see the slide here. The 1000% between him, the Azad Hind Sarkar and the Japanese government, there were two planes flying. So when they reached this part of the world, they were told, look, you cannot resume your journey like this and you cannot fly in these two planes. So you have to, you know, in fact, ditch these two planes. And Netaji will have to travel alone because we will make an arrangement for him to fly to Japan, you know, in some other plane. So there was some discussion, and eventually they offered Netaji another seat. So he thought and he decided that he would take Habibur Rahman, his ADC, with him. And so Netaji and Habibur Rahman boarded another plane, a bomber plane. A bomber plane would be like a plane which is not having proper seats to sit on. So he was like, they were sitting on the floor, given cushions to sit on. Netaji was given, others were not. And that the plane left Saigon, Ho Chi Minh City of today on 17th of August evening. So till that point, things are pretty clear. So people saw. So this was the last picture of Netaji taken on 17th August morning. And then they, you know, stayed for the night in a place called Turin, which is now known as Da Nang in Vietnam of today. And the next morning, 18th of August 1945, they reach Taiwan. There was a small, you know, airfield known as Matsuyama Airfield of Japanese airfield. Now it is the domestic airport of Taiwan. Taipei Songshan domestic airport. So it was here that they, you know, rested for a while, and it was here that the plane crash happened. You saw in the movie, you saw in the visuals, the plane took off. So the plane crash per se did not kill Netaji.
It so happened that he was sitting underneath a gasoline tank and the tank burst. Subhash was wearing the same clothes which you saw in the pictures. And his clothes were drenched in gasoline, and then this plane caught fire. And then as he jumped out of the plane, he caught fire, and this poor Habibur Rahman tried his level best to, you know, you saw, beat fire out of his body, but then he could not. By that time, he, you know, was able to remove Netaji's clothes. He had suffered third degree burns, so he was taken to local hospital. Today, people don't survive, so no question. So, he was taken to the hospital, and around midnight, he passed away. This is a picture of the plane that, as it was Japanese furnished after the war. And this is the picture of Netaji's dead body. And this is the picture of Habibur Rahman. And of course, you know, they decided after some time. The initial plan was to take Netaji's body to Singapore, but they could not. There was no arrangement proper. So they decided to cremate the body. Habibur Rahman was in charge. And this picture was taken at the hospital. Habibur Rahman is sitting there, and he has the pot containing Subhash Bose's remains. And in this early September 45, Habibur Rahman was sent to Japan, Tokyo, and he handed over these remains to the Japanese military headquarters, and they in turn handed these remains over to two Indians, S.A. Iyer and Munga Ramamurthy. And these two gentlemen took these remains to a small suburban temple, Rinkoji Temple. This is a recent picture. And so, and these ashes were, you know, like deposited there, and the priest was requested to keep the ashes with him. So, and but the ashes are there still, and this is a recent picture of my friend Dr. Ananda Shankar when he went to Tokyo Rinkoji Temple. So then why are we questioning it? So we have a lot of data by way of evidence. You know, you have the testimony of people who were with Netaji. Habibur Rahman was there in the plane crash. Why are we even questioning it? So the problem is that Indians never questioned, as Chandrachur said. Indians were like too like sentimental and mushy. In fact, when the news came about Netaji's death, people began to cry. I mean, Gandhiji was sad, Panditji cried, he was in Abbottabad. And Subhash's brother also cried. That's what we do, we only hear some news of somebody's death. So people were not like, of course everybody was shocked, but it's the British and the Americans who felt there was something wrong. The timing was something odd. On 15th of August, Japanese are announcing the surrender. And if Subhash had not died, let's say for another 5, 7, 8, 9 days, he would have been captured by the British, and they were baying for his blood. So this is your enemy, you know, he has given you a lot of trouble. And just when you are about to lay your hands on your enemy, he is dead, he slips away. And there were other problems, such as, you know, the news of death for whatever reason was announced 5 days after the plane crash. The 18th of August he died, but the news was released on 22nd of August. So they smelled, you know, something wrong in it. And this gentleman was Field Marshal Archibald Wavell. He was the Viceroy of India. And he was a field marshal, so his instinct told him, look, something is wrong. And Wavell's diary, his personal diary, which became available in London in 1970s. So this is what he wrote in his diary when he heard the news of Subhash Bose's death. It is just what should be given out if he meant to go underground. So that is what Wavell felt when this news of death came in. And of course, and what they did was then to set up an inquiry of what really happened. So they set up an inquiry. There were multiple inquiries, but this was the main inquiry. It was headed by Mr. W. McWright, who was the number two in the intelligence bureau. And under him, there were other officers who were from the IB. For example, Philip Finney was a deputy director of IB. He was part of it. Another top person from the IB, Rai Bahadur Bakshi Badrinath, he was also there, and there are also people from the military, Colonel Anderson, etc. Now, these people were experts in, you know, interrogation, or they were like spying on Subhash Bose for a long time. Like Badrinath was there for quite some time. Finney was also Bengal police chief. So they were keeping an eye on Netaji, and they knew the subject matter. Davis was also there. Davis was the, you know, signals, you know, intelligence expert. So this team was given the nomenclature of combined section. So the combined section had the best inquiry on Subhash Bose's death. And not only they themselves did the inquiry, the other inquiries which were done by others, for example, in the military intelligence, etc., all these reports were sourced and they were all brought before combined section. Now, it's very fashionable in India, you know, sometimes you start flashing, you know, these, I went to UK, I went to British archives, I have got this report. So
so it must be gospel truth because it is coming from London. So I must tell you that the combined section inquiry was held in India by the British India government. It worked under the general headquarters. So the original file is lying in National Archives in Delhi, all properly signed by these people. Maybe some papers are lying in British archives, but the original file with the signatures are lying in Delhi. So you have the best possible file from that time very much in India. So when they conducted an inquiry, it did not take them long to understand that this entire story of Subhash Bose's death, dying after a plane crash, was essentially was hearsay. People said that he died. Rahman said that he died. And there were multiple problems. There are problems like, for example, when they started, digging around for facts, and they found a lot of problems. For example, Japanese, for whatever reasons, destroyed all the records of Netaji's movements. And another multiple problem started. Like the another problem was that how do you prove somebody's death? The dead body was not available. The picture was this one. How does it prove it is Subhash Chandra Bose? So they did not believe. So you don't have the dead body. You don't have the picture of the dead body. And there were other problems. As of today, if you look at that picture, that something wrapped in a sheet, as of today, only the members of the Bose family can see through their X-ray eyes what lies inside. No ordinary human being can. And then, of course, they had a problem, and and the eyewitness account was very sketchy, contradictory. Habibur Rahman, every time he opened his mouth, he would introduce a new angle, or he would say something which would contradict whatever he had said previously. And this was true for each and every eyewitness account that was on record. So they had the problem, and Americans also had their doubts. So the they had a problem, and ये आपने कौन सा वाला खोला प्रेजेंटेशन वही है जो आज डाला था ना. So this is for example, this is an interrogation report of Habibur Rahman. This is coming from that file in National Archive which nobody has seen. People don't want to see these files, so they want to there's a racket going on in the name of history in India, that you make up your mind that you want to show only this part. So there are 50 documents available to you. You will select only one out of it which suits your preconceived notion. So this file has not been touched by historians. And there you have it, secret CSDIC, Combined Services Detailed Interrogation Center. They were notorious for interrogating and torturing people after Second World War. They did so in the Germans in Europe, but this is the India branch. Red Fort, Delhi. Red Fort was the hub of the Indian intelligence and military. It was the headquarters, general headquarters of everything in India. This is from 25th March 1946. Subhash Chandra Bose was dead for many months by this time. Combined section, I told you, combined section in charge, Mr. McWright. McWright is the inquiry head. And this is a report of the interrogation of Habibur Rahman, who was on that plane with Subhash Bose. Habibur Rahman has been questioned again on his knowledge of Bose's plans. He has adhered to his earlier attitude of ingenuous denial. So one after another, each and every report is talking about Rahman not forthcoming, he is not being truthful, etc. So it's very clear. I'll just end up wasting my time if I get you more reports. So once this combined section had plenty of doubts, so they asked the Americans about it. Look, what do you feel? The inquiry into Netaji's death was started by the Americans only. So because the plane crashed in Taipei, Taiwan, present day, and American forces occupied Taiwan, they occupied Japan. So there, Rahman was arrested by the American U.S. Army. It was they were the ones who did the first interrogation. It was only after he was handed over to the British after that. So they asked Americans, look, you have done this thing. You have, you are there in that area. What do you feel? What do you say about it? So this is the answer which came from the American side in June 1946. Now, this is after almost a year after Subhash Bose's death. Think about it. Imagine if, 1 year after the death of Madhav Sindhia, you get this kind of a report. Now, come to think of it, one first thing you must keep in mind that Netaji's death in a plane crash is not like the death of Madhav Sindhia or Sanjay Gandhi in Delhi. In the case of Sanjay Gandhi's death following a plane crash is very, very clear. You have the Safdarjung Airport, Sanjay Gandhi ji comes, people have seen him coming, he boards the plane, people see him flying that plane. Unfortunately, the plane comes down, his body is there, retrieved. So there's nothing to dispute.
But the problem with the Netaji, it was not clear. It was only based on hearsay. So this is the answer coming from the War Department, which is now the Department of Defense of America, from Pentagon. And the answer is that a search of the files in the intelligence division reveals that there is no direct evidence that Subhash Bose was killed in a plane crash, despite the public statement of the Japanese to that effect. So now the Americans, who did the first inquiry into Subhash Bose's death, they said from the day one, there was no direct evidence. So this is reason number one for you not to believe the plane crash story. People might try to impress you with the American accent of speaking. Look, you know, I have been teaching, I'm a professor, I'm teaching at Harvard University, you know, my sister is in at Oxford. I'm sorry, this is the American Department of Defense. Nobody gives a damn to professor, but professor has to say. He can impress some students, but I'm sorry, this is coming from the American government. We skipped to 1962. By 1962, we already had many inquiries. All these reports of intelligence are available to government of India. Panditji was a lawyer himself. Panditji was India's prime minister. Panditji was Subhash Bose's friend. He was asked point blank by Netaji's brother, give me direct and precise evidence of my brother's death. Give me proper proof. So Panditji's answer is, I cannot send you any precise and direct proof. So second source you have got. First source, Americans, no direct evidence. And the second is Pandit Nehru saying, Prime Minister of India, there is no direct and precise proof. We skip to 1997. Now we are observing the 125th year of India's, of Netaji's birth and 75th year of India's independence. Now, 25 years ago, we were observing the 50th, year of India's independence and Netaji's, 100th year. So we had some functions, in Netaji's honor back then also. So when this was happening, this whole build-up was taking place back in 1990s, early 90s. People who backed the plane crash theory, and they became very agitated, and they said, look, it's been many, many years, been like Netaji would not be alive today, and for the last 50 years, this ashes of Netaji are lying in Japan, so it's time to bring them back home. Like today is happening again. But the same thing happened back then. People said, look, enough is enough. These people have been giving out one conspiracy theory after another, but this is a time to bring Netaji's ashes back home, so on and so forth. When that demand was made, the then Defense Minister Mulayam Singh Yadav ji unwittingly made a statement, I'm going to bring these ashes to India. So when that statement was made, somebody went and filed a suit in Calcutta High Court. Now, here I must tell you, this thing, people have this notion at times ki if the case has been filed in Calcutta High Court, so some Bengali judge must have been, driven by emotion. That's why he took that call. I'm sorry, it doesn't happen like that with most judges. At the same time, we have a convention in our country for quite some time that the chief justice of that court is not from that state. So Prabhashankar Mishra ji was the chief justice of Calcutta High Court. And I met him, but leave that aside, but he's no more. Prabhashankar Mishra ji, what he did was to corner the government lawyer. What is your stand? You tell me first. So it is one thing for a spin doctor to come in media and start, throwing one bite after another and fool others and get away with it. But before a judge in a court of law, if the judge is keen, you cannot do spin doctoring. You have to talk facts. So he cornered the government lawyer and asked him, what is your stand? So I'm quoting from the recalling from my memory, of course. So the government lawyer on record, the court order is available, thanks to Google, you can just go and search and you find it. And the government lawyer accepted on record that there is this theory of Netaji's death in a plane crash, but it is riddled with contradictions and the eyewitness account is very sketchy and it's not adding up. Something to that effect. So the honorable judge made a statement like, look, you yourself are admitting there are a lot of problems in this case, so might as well have a proper inquiry done. And so order came in 1998, and by which time Atal Bihari Vajpayee had taken over as India's Prime Minister, he could not have done what Rajiv Gandhi did back in 85, Rajiv Gandhi government. 1985, a case was filed in Rajasthan High Court seeking inquiry into Subhash Bose's death. The government did not even bother to respond to it, and yet when the court actually passed an order, there should be an inquiry, again they did not bother. So Vajpayee ji could not have done, because Atal Bihari Vajpayee, right from the 1916, had been talking about Netaji. In fact, he had a very important role to play in the build-up. In fact,
We saw yesterday that Netaji statue was put up in, you know, in the number one road in our country. This honor probably is the first biggest, you know, honor given to Netaji's legacy. But the second would be, we did not have Netaji's portrait in Parliament House. It was first proposed back in 1947 when we became free that there should be a portrait of Netaji in Parliament House. But in Assembly, of course, Assembly became Parliament House in 1950. The government did not agree. As long as Congress Party was there, there was no portrait of Netaji in Parliament House. So you can well imagine that in all these, you know, for all these years, you know, all Tom, Dick and Harry's had their portraits in Parliament House. I'm sorry. They may be great people in our eyes for us, but when you compare them to Netaji, they were Tom, Dick and Harry's. But their, you know, portraits were unveiled. But Netaji's portrait was not there in India's Parliament till we had the first non-Congress government, which is the government of Morarji Bhai. And thanks to the efforts of a member of parliament and a professor of Jadavpur University, Professor Samar Guha, helped greatly by Atal Bihari Vajpayee and Morarji Bhai, the Prime Minister, they saw to it that Netaji's portrait was unveiled in our parliament in 1978. So Atalji had that kind of a background. So Atalji could not have done what Rajiv Gandhi government did. So there was a meeting in Delhi. Of course, the case of Netaji's death has been in the remit, under the remit of the Home Ministry. So Atalji, Advani ji took the call, and you know, you have Brijesh Mishra was the, I think, NSA. He was there. Soli Sharab ji, Attorney General. So they had a meeting, and they decided they would be the Commissioner of Inquiry. The Commissioner of Inquiry, there are again the certain, you know, protocols and certain conventions. So they asked the Supreme Court Chief Justice to suggest a name of a retired Supreme Court judge. I am given to understand that there was a time when they were thinking of Justice Thomas to lead the Commissioner of Inquiry, but probably he was not available, and eventually they decided that Justice Manoj Kumar Mukherjee should be the head given the charge. So Justice Manoj Kumar Mukherjee Commission, they started functioning like 1999. The result came out, the inquiry report was submitted with government in 2005. And Justice Mukherjee actually, you know, came to the conclusion that men may lie, but circumstances do not. And Justice Mukherjee was a former Supreme Court judge. Came from a very, you know, his father was also a very well-known lawyer, knew Chandrachur's grandfather, and his brother, I believe, still is a very well-known lawyer in Calcutta. So he understood criminal law very well. So, and this is what Justice Mukherjee concluded in his report, that men may lie, but circumstances do not. This entire story of Subhash's death was essentially a plant. Netaji was planning to escape to Russia, and so the fake story was planted. And he never died. So he basically overturned the official view, Justice Mukherjee. In doing so, when he made this judgment that there was no death and Netaji did not die in any plane crash or whatever, he also factored in the views of the government of Taiwan. So every time we've had an inquiry in our country, beginning with Shah Nawaz Committee of 1956 or the G.D. Khosla Commission of 1970-74, the government of India never wanted the inquiry to take place in Taiwan. So this was the first time. In fact, even now, unfortunately, even when this Justice Mukherjee Commission was functioning, even then the government did not want the inquiry to go to Taiwan. And unfortunately for them, I made it possible. I did something, and then Justice Mukherjee was able to contact the government of Taiwan. So this was the response from the Taiwan side, that there was no plane crash for entire 1 month. There was only one plane crash, but it was like 200 miles away. And some Americans had died in that plane crash. So Japan ruled, Taiwan ruled out. So now you have the, you know, statement of Mr. Nehru on record. You have the American government statement of 46. You have what, you know, what happened before Mukherjee Commission. In fact, throughout the functioning of Justice Mukherjee Commission, the government lawyer kept on saying, and in fact, in the argument session, he insisted that the plane crash story is not true. It's not correct. So throughout you have been saying, so this is a very interesting scenario, that once you are cornered before a court of law or a commission, you say something else. But the moment you are out in public domain, you start saying something else. And when they, of course, another thing which is very interesting, which happened in the course of Mukherjee Commission inquiry, is the issue which is now heating up, is the issue of the DNA test. What to do? I mean, these remains are there. And the demand has been there for quite some time, why don't we do a DNA test of these remains? Inka haddi ka test karwaiye aap log, kya isme rakha karke. Justice Mukherjee ne bahut achhi koshish ki. In fact, ek technicality aapko batata hu ki bahut logo ko pata nahi hai. Haddiyan 1952 mein hamari government ne apne kabje mein le li hai. 1952 mein
हमारी कमीशन, ये हमारी हड्डियाँ, ये जो रिमेन्स हैं नेताजी के, ये बक्सा जो पड़ा हुआ है वहाँ पे रिंकुजी टेम्पल जापान में, ये हमारे कब्जे में 1952 में आ चुका है, हमारा एम्बेसडर इसके चार्ज में है। तो ये हड्डियाँ कहने को जापान में हैं लेकिन इसका ये कस्टडी हमारी है, हमारी सरकार की, हमारे एम्बेसडर की। फिजिकल पोजेशन जो है हमने रिंकुजी टेम्पल को दिया हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग कहानी जो निकल के आई थी जो कि 1961 के बाद से हम लोग रिंकुजी टेम्पल वालों को पैसा देते हैं इसको अपकीप का, वो टॉप सीक्रेट इशू था, को उसका लीक कर दिया। और अभी सरकार ने थोड़े दिन पहले इसके बारे में सफ़ेद झूठ बोला है कोर्ट के सामने कि हम पैसा नहीं देते, पैसा देते हैं, सारे रिकॉर्ड सारी बिलिंग पड़ी है उसकी, ये लोग पैसा खिलाते हैं यहाँ पे लोगों को रखने का। और यहाँ पे तो फिर जस्टिस मुखर्जी ताइवान वहाँ जब गए हैं टोक्यो में, तो उन्होंने बोला कि मुझे हड्डी खोल के दिखाइए, इसमें क्या है, इस डब्बे में क्या है कि मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है। तो उनको नहीं दिखाया क्या, मुझे पता नहीं क्या वो जानबूझ के नहीं था या क्या था, व्हाटएवर। तो उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन छोड़ा कि आप इनका हड्डियों को, आप जो एम्बेसी को बोला कि इसको खोल करके इस कंटेनर को, इसकी फोटोग्राफ्स निकाल के मुझे भेजिए ताकि मैं एक्सपर्ट से कंसल्ट करूँ। तो वो उन्होंने करा, उन्होंने खोल करके बाद में ये सारी फोटोग्राफ्स उन्होंने भेजी। और बाय दिस टाइम ये उनकी मतलब ये अगर आप ये देखिए जो रिंकुजी टेम्पल की अस्थियों की फोटोग्राफ्स अंदर से बहुत सारी, तो उसमें बाय दिस टाइम जस्टिस मुखर्जी ने क्लियर एविडेंस निकाल लिया था। और ये और जगह में भी निकल करके आ रहा है कि इसेंशली एक जापानी सोल्जर था जिसका नाम था इचुरो ओकुरा। इचुरो ओकुरा की बॉडी को नेताजी की बॉडी बना करके जलाया गया, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द एस्केप प्लान, यू हैव टू हैव अ बॉडी। सो दैट इज वाई इचुरो ओकुरा वॉज नॉट फोटोग्राफ्ड, वो बॉडी ऊपर से वो कर्टन वो कपड़ा डाल के उन्होंने फोटो खिंचवा दी। तो ये क्लियर कट उसमें एविडेंस आ रहा है कि ये इचुरो ओकुरा की बॉडी है, देयरफॉर दीज रिमेन्स आर ऑफ इचुरो ओकुरा। एट द सेम टाइम जस्टिस मुखर्जी परसिस्टेड विद डीएनए टेस्ट। तो ये जो फोटोग्राफ्स निकाली हैं उन्होंने हड्डियों की, उन्होंने टॉप एक्सपर्ट्स को, उन्होंने इंग्लैंड में, भारत में, भारत में लालजी सिंह हमारे हैदराबाद में थे उनको दिखाया ये फोटोग्राफ्स, अमेरिका में दिखाया और उनसे पूछा कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी। सब लोगों ने बोला कि ये हड्डियाँ जली हुई हैं और जलने के बाद में डीएनए टेस्ट होना की पॉसिबिलिटी या नहीं के बराबर है इसमें। तो लेकिन जो अमेरिकन एक्सपर्ट थे टेरी मिल्टन, उन्होंने बोला कि सेम बात बोली कि मैं इनके पेपर मीथोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट करने को तैयार हूँ। मीथोकॉन्ड्रियल जो मुझे समझ में आता है एज ए ले पर्सन कि आपके मदर की सेट सिस्टर में आता है कुछ डीएनए जो पकड़ना आसान होता है। तो मिल्टन ने ऑफर किया कि मैं मीथोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन प्रोवाइडेड आप पहले इन हड्डियों का एक एंथ्रोपोलॉजिकल इवैल्यूएशन करके बताइए कि ये हड्डी का क्या मतलब, कुछ डेटा मुझे निकाल के दीजिए। एंथ्रोपोलॉजिकल इवैल्यूएशन जो फॉरेंसिक जो करेंगे उसमें आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये हड्डी इंसान की है कि जानवर की क्या है। तो ये हड्डी डेफिनेटली 100% मतलब ह्यूमन रिमेन्स है, क्योंकि इसमें बेसिकली बहुत बड़े बड़े जबड़े के नीचा पोर्शन जो है ये लोअर जॉ बोन और यहाँ पे स्कल का बीच का टुकड़ा मोटा मोटा मिलता है। अब उसमें भी ये हम तो ले पर्सन है लेकिन एक्सपर्ट का जहाँ तक मुझे जैसे बताया गया, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हाइट में अगर मेल जो है अगर छोटा भी होगा और फीमेल बड़ी भी होगी, वो कहते हैं कि आपका ये जो ऊपर का क्रैनियम होता है मोटा होता है। सो देर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज यू कैन फिगर आउट कि हड्डी किसकी है। तो ये मेरे ख्याल से अगर इसको हम लोग अगर वो एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं तो यू कैन गेट अ वेरी फेयर आइडिया कि ये हड्डी किस आदमी की है, जापानी की है कि यूरोपियन की है कि भारतीय की है, प्रॉब्ली यू कैन गेट अ लीड आउट ऑफ इट। सो द क्वेश्चन इफ इट इज आस्क्ड टुडे कि नेताजी की हड्डियाँ पड़ी हैं जापान में और आप लोगों ने थ्योरियाँ फ्लोट कर रखी हैं गुमनामी बाबा थे वो करके, तो आप लोग क्यों नहीं उनकी हड्डियों का डीएनए टेस्ट करवा देते, तो उसका आंसर ये कि भाई हड्डी मेरे पास तो है नहीं, हड्डी है भारत सरकार के पास में। कोर्ट के आदेश पे मुखर्जी कमीशन बना था, जस्टिस मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने ये गवर्नमेंट को बोला कि आप ये टेस्ट करवाओ, सरकार ने टेस्ट नहीं करवाया। जैसे ही उन्होंने ये उनको बोला आप हड्डी ये करवाओ, इनको सांप सूंघ गया इनको यहाँ पे इन लोगों को। तो मैं क्या करूँ फिर एज ए रिसर्चर, मैं क्या डिडक्शन निकालूंगा। इनफैक्ट सरकार की फाइल में क्या लिखा है आप ये पढ़िए, आप लोग सरकार की फाइल ये भी जो हमने पब्लिक करवाई हैं डिक्लेयर, अभी हम उस पर आएंगे बीच में करते करते कि फाइलें कैसे रिलीज हुई, कैसे डिक्लेयर किस गवर्नमेंट ने। सरकारें जिन्हें जो फाइल निकाली हैं यहाँ कोई 300-302 फाइलें के आसपास हमारे पास में निकल के आई हैं इस सरकार के द्वारा, उससे पहले ऑलमोस्ट 1000 फाइल जो हम लोगों ने निकलवाई थी, अभी उसके बारे में आपको बताएंगे हम लोग कैसे निकलवाए हम लोगों ने। और इनमें उन फाइलों के अंदर कम से कम 50-60 फाइलें ऐसी हैं जिनका टाइटल ये है कि नेताजी की एशेज रिंकुजी टेम्पल में, और वहाँ पे आपके जेएन दीक्षित से लेकर के हमारे आज के विदेश मंत्री और हमारे आज के कई एक दो मिनिस्टर जो पहले विदेश मंत्रालय में थे और आजकल गवर्नमेंट में आ गए हैं, और उसके अलावा बहुत कुछ मतलब सारे टॉप लेवल के फॉरेन सेक्रेटरीज वगैरह, उन सब के कमेंट लिखे हुए हैं कि साहब नेताजी की हड्डियाँ तो पड़ी हैं जापान में,
हम इनको भारत में लाना चाहते हैं लेकिन बंगाल में लोग विरोध करते हैं और तो इसलिए हम उनको भारत में ला सकते नहीं हैं। तो ऐसे लोग जिनका पूरा विश्वास था कि नेताजी की हड्डियां हैं वो ला नहीं पा रहे हैं, जब उनको बोला गया कि आप इसका डीएनए टेस्ट करवाओ तो फाइल पे ये लिखा हुआ मिला हमारे को, स्लाइट चेंज इन द रिजल्ट मे क्रिएट अ ह्यू एंड क्राई, इफ द रिजल्ट इज इन पॉजिटिव देन द इंटायर इशू विल बी रिजॉल्व, इन केस द रिजल्ट कम्स इन नेगेटिव एज टू द डीएनए रिजल्ट डज नॉट टैली विद द बायोलॉजिकल सैंपल्स कनेक्टेड विद रिलेटिव्स, वन कैन इमेजिन द रिएक्शन ऑफ द नेशन। कि साबित हो गया तो ठीक है, नहीं साबित हुआ तो मारे जाएंगे। करवाओ, किसने रुका आप लोगों को, किसने रुका आपको, आप ये जो इतने तो ये लोग जो इतने साल से कह रहे हैं कि नेताजी की हड्डियां वो पड़ी हैं, ये है वो है, व्हेन दे वर आस्क्ड टू वॉक द टॉक दिस इज व्हाट द रिस्पॉन्स वाज, कि अगर हम करवा तो देंगे लेकिन अगर रिजल्ट मैच नहीं किया तो मारे जाएंगे, इसका मतलब आपको डाउट है। और डीएनए टेस्ट करवाना क्या क्या रॉकेट साइंस है भाई इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, इस देश में डीएनए टेस्ट करना गए थे, अरे ग्यारह नथु खैरों के बारे में डीएनए टेस्ट होते हैं इस देश के अंदर और पैसा बहता है पानी की तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा ये बड़ा नोटोरियस केस हुआ था भमरी देवी मर्डर केस ऑफ राजस्थान, तो भमरी देवी मर्डर केस में टैकल कैसे कैसे पता लगा कि प्रॉब्लम वही आती कि भमरी देवी की डेड बॉडी अवेलेबल नहीं थी, मार्ग मूर के उसने कहीं जंगल जंगल में कहीं कोने में जाके उसने मार्ग जला जुलू के बॉडी के जो रिमेन्स थे कहीं जाके जाल के गाड़ दिया, और वो जाकर के सीबीआई ने जाकर के फिर वो पूरा घूमे फिरे, उन्होंने पूरी इंक्वायरी करी, इंक्वायरी करने के बाद में उन्होंने वो जाकर के खोद के निकाला, दिस इज हाउ द सीबीआई क्रैक द केस। लेकिन जब ये इंक्वायरी कर रहे थे, ये इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, किसी ने नहीं बोला कि जो चला गया उसकी क्या इंक्वायरी करनी, मरने पे क्या पैसा फूकना, क्या पैसा वेस्ट करना। लेकिन बड़ी अजीब दास्तां है कि हमारे कलकत्ता बंगाल में वहाँ पे जब मुखर्जी कमीशन कोर्ट के आदेश पे बनता है तो वहाँ के न्यूज़पेपर्स आपके टेलीग्राफ और स्टेट्समैन में आर्टिकल आ रहे हैं, एडिटोरियल दिखे जा रहे हैं कि साहब पैसा वेस्ट हो रहा है बड़ा, क्या करना है, छोड़ो पुरानी बातें, नई बातें करो, आप भूल जाओ चीज़ों को। ये लॉजिक तो सिर्फ नेताजी के बारे में आता है मेरे ख्याल से, ये तो कभी आपने सुना, और इनफैक्ट ये पुरानी अप्रोच है, ये अभी की बात नहीं है, 1950 से लोग बोलते थे क्या फ़ायदा, छोड़ो, क्या बोलते की हॉबे की होले, छोड़ो आगे की बात करो, भूल जाओ सब चीज़ों को, नई बात, नई दुनिया देखो आगे, क्या तुम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। लेकिन जब कोई छोटा मोटा ऐरा गया, नथु खैरा मर गया, साला पूरा देश सड़कों में निकल निकल के छातियाँ पीटता, हाय हाय मर गए, जस्टिस है ये है फलाना ढमकाना, और उसी तलवार में जस्टिस होना चाहिए, सभी को जस्टिस दिलाओ, लेकिन सुभाष बोस ने क्या पाप किया, तो उसका जस्टिस नहीं है क्या? दिस इज अ कमेंडेबल थिंग, एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए इतना मेहनत करना, इतना रिसोर्स डिवोट करना, इट्स अ वेरी कमेंडेबल थिंग, एंड इट टेल्स अस दैट आवर गवर्नमेंट इज वेरी कंसर्न अबाउट जस्टिस बींग प्रोवाइडेड टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। बट इफ दैट इज द नॉर्म and when that same standard of justice is not given to somebody like Subhash Bose, then we have to deduce that Subhash Bose is not even given the status of an ordinary citizen in our country, he is treated below par, and that's unfortunate. aur ye haddi nikal karke america mein ja kar ke fbi lab ko unhone di test karne ke liye fbi se test hua और वहाँ से रिपोर्ट आती है कि ये रिमेन्स जो हैं भमरी देवी के, दिस इज़ हाउ द केस वाज क्रैक्ड। और जब नेताजी की बारी है तो हमको बोल रहे हैं कि थर्ड क्लास गवर्नमेंट की लैबों में टेस्ट करवाओ, भाई हम क्यों कराएं थर्ड क्लास लैबों में टेस्ट, हमें भी एफबीआई लैब में टेस्ट करवाओ, हमने क्या पाप किए हैं, तुम्हारे लिए एफबीआई की लैब, हमारे लिए थर्ड क्लास सरकारी लैब है। अब ये अपने आप में एक आर्गूमेंट है, ये पूरा आर्गूमेंट जो आपको लास्ट में दिखा रहे हैं कि इमेजिन नाउ हु दिस इज अ पर्सन कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने देश के लिए क्या किया वो कल आपने सुना था, हमारा देश आज़ाद उसी से हुआ था बाय द वे, ये एक अलग कहानी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे उसमें। उनकी डेथ का इतना इशू है, पॉइंट इशू है, उसमें अलग अलग कंस्पिरेसियाँ थ्योरियाँ फ्लोट कर रही हैं जिसमें लोग महात्मा गांधी से लेकर पंडित जी का नाम खींच रहे हैं, देश हित में इसको सॉल्व होना ज़रूरी है, कोर्ट के आदेश पर एक इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी करने वाला बड़ा ऑनेस्ट और एक बड़ा अपराइट सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर जज है, वो आपको रिपोर्ट देता है और ये लोग पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रिजेक्ट करती है और एक्शन टेकन रिपोर्ट बस यही है जी जो टेबल की गई पार्लियामेंट के अंदर, एक ठो पन्ने में दो वर्ड्स में लिख दिया कि रिजेक्टेड। कोई और छोटा मोटा केस हो
उस पर सरकार अगर एक पन्ने की रिपोर्ट ऐसे देकर रिजेक्ट करेगी तो देश में चक्का जाम हो जाएगा। इससे ही साबित हो रहा है कि हमारे सिस्टम में लोगों का इंटेंशन मैलाफाइड है, वो सच्चाई को बाहर नहीं आने देना चाहते, वो डीएनए नहीं करवाना चाहते। इनफैक्ट ये जितनी भी इंक्वायरियाँ हुई हैं वो इंक्वायरियाँ पब्लिक प्रेशर में हुई है, सरकार का कोई इरादा नहीं था। 1946 के अक्टूबर तक जब ब्रिटिश यहाँ पे थे, सवाल पूछे गए सुभाष बोस के बारे में तो आंसर यही आया था कि हमें नहीं पता क्या हुआ, वी आर नॉट अवेयर। बट सडनली 46 के नवंबर में जाकर के पंडित जी का स्टेटमेंट आया था कि नेताजी मर गए प्लेन क्रैश में, उसके बाद से लोगों का ये धर्म हो गया है ये साबित करना कि पंडित जी जो बोल गए वो ठीक बोल गए। कोई इंक्वायरी के ये लोग इंटरेस्ट में नहीं थे, मजबूरी में इंक्वायरियाँ करी हैं और गवर्नमेंट की फाइलों में झूठ सच मिला मिलू के लिखा इन लोगों ने। मेरे को समझ में नहीं आया ये लोग आईएएस की नौकरी कैसे पास कर गए, बचकानी बातें फाइलों में लिख रहे हैं कि साहब पब्लिक प्रेशर में आने के बाद हमने 1956 में शाहनवाज कमेटी सेटअप की थी, उसके जो हेड थे वो शाहनवाज खान थे, शाहनवाज खान तो आईएनए में थे पहले, पब्लिक वो फिर नहीं मानी हम लोगों ने, 1970 में हम लोगों ने एक और कमीशन बना दिया, उसके इंचार्ज जो जीडी खोस्ता जी थे, खोस्ता जी जो थे वो पंजाब हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, वो ये नहीं बता रहा कि वो शाहनवाज खान जिंदगी में एक डेढ़ साल रहा था आईएनए में, बाकी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी में था वो। आप ये नहीं बता रहे कि आप हमारे जीडी खोस्ता साहब जो थे जाने माने चमचे थे गांधी खानदान के, इंदिरा गांधी की किताब लिख रहा था बैठ करके इंक्वायरी के साथ में, वो इन लोगों की इंक्वायरी करवाओगे आप लोग, ये लोग करेंगे इंक्वायरी? तो इस तरह के ये बचकाने किस्म के नोट बना बना के टॉप सीक्रेट उन्होंने फाइलों में रखे हुए, तो इनको तो पकड़ना चाहिए लोगों की, कैसे ये किसने इसको होम सेक्रेटरी बना दिया, ये इस तरह की बचकानी बातें कर रहा है। पूरे दिल्ली के बच्चे बच्चे को मालूम है कि जीडी खोस्ता कर दिन कांग्रेस पब्लिक पार्टी के साथ में। आज कोई भगवान ना करे कोई इंक्वायरी होती है, मान लीजिए अमित शाह जी का उसमें नाम आता है और ये खबर आए कि जज साहब जो है अमित शाह की जीवनी लिख रहे हैं साथ में, आप उसकी रिपोर्ट मानेंगे क्या? ये मीडिया मानेगा? तो जीडी खोस्ता जो इंदिरा गांधी का बायोग्राफर है, पंडित जी का दोस्त है, वो करेगा सुभाष बोस की डेथ की इंक्वायरी जबकि एलिगेशन उसके हमारे चाचा के ऊपर आ रहे हैं वहां पे? तो ये नौटंकियां ये लोगों ने कर करके उन्होंने किया। तो प्लेन कैश कोई भी आदमी, अगर आपको डाउट होगा और 50 सवाल पूछेगा, प्लेन कैश को कोई रीजनेबल पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कहानी आती कि प्लेन कैश में नहीं हुआ तो क्या हुआ? रशिया में जैसे हमने बताया स्टार्टिंग में, जितनी भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड पर आई है इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स ऑफ द इंटेलिजेंस, मैं आपको एक दिखाऊंगा एक दो यहाँ पे, वो ये दिखा रही हैं कि नेताजी रूस में थे लेकिन ये मार दिया, ये कर दिया, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा। अब जैसे ये रिपोर्ट आपको मैं ये दिखाता हूँ यहाँ पे, ये वातानेब नाम का एक इंटरप्रेटर था, ये जब नेताजी जब गए हैं, वो आपको मैंने बताया शुरुआत में कि वो साइगॉन थे, वो बैंकॉक में थे, 17 तारीख को साइगॉन में वो थे और 18 को वो कहीं और चले गए। 17 तारीख के आसपास में जो इनकी मीटिंग होती है नेताजी की और जापानियों की और उनके बीच में, तो ये उसकी ये आदमी वहाँ मौजूद था वहाँ पे, बताने इसकी इन्होंने इंटरोगेशन की अपने मिले फिनी ने जो आईबी का जो इंक्वायरी करने गया था वहाँ पे। तो ये आईबी की रिपोर्ट है, उसमें सीक्रेट ये लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट जो भी है अपना ये लिखा हुआ है कि ये मीटिंग होती है प्लेस इन जनरल इसोदाज हाउस। When Vatanabe reached there, the conversation was almost over and Isoda was speaking without any interpreter. They were discussing how to get Mr. Bose to his destination. It was generally understood that he was to get to the Russians, probably to Manchuria. So, multiple records mein ye saaf likhke aa raha hai ki Subhash Bose Rus ja rahe the, wo Japan nahi ja rahe the. Iska matlab ye ki Japaniyon ne jhoot bola jab unhone baat boli ki ye aadmi Tokyo mein aa raha hai surrender ki baat karne, nahi wo surrender ki baat karne nahi ja rahe the. उनका पूरा प्लान रूस में जाने का था, जापानियों ने भी बाद में 10 साल बाद जाकर के उगल दिया कि हाँ हमने झूठ कहा था। और ये ऐसी बात है अपने आप में कि भारत सरकार आज के दिन भी इस बात को एडमिट नहीं करना चाहती कि नेताजी की डेथ में एक रशियन एंगल भी है, क्योंकि जहां उन्होंने एडमिट किया वहां ये लोग फंस जाएंगे। तो लेकिन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स में सारा निकल करके आ रहा है कि साहब वो रूस में जाने का उनका प्लान था। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया कंबाइंड सेक्शन की आखिरी रिपोर्ट अवेलेबल है, ये आखिरी अवेलेबल रिपोर्ट जो हमारे जो गवर्नमेंट के वहाँ से मिली। ये इस रिपोर्ट को मैंने एक फॉर्मर डायरेक्टर आईबी को दिखाया था और उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई कि इंटेलिजेंस में, रिसर्च में और जर्नलिज्म में, जिस फील्ड से मैं आता हूँ, एक चीज़ कॉमन है कि अगर 3 मल्टीपल सोर्सेस कन्वर्ज कर जाएं एक पॉइंट के ऊपर तो दैट बिकम्स गॉस्पल ट्रुथ इन अ वे दैट, मान लीजिए कि आपको एक खबर मिलती है कि युगांडा में एक आपका सोर्स बैठा है, वो बताता है कि उसामा बिन लादेन अबाटाबाद में है। सोर्स नंबर 2 सिटिंग इन साउथ अमेरिका, ही हैज़ नो लिंक टू दी सोर्स नंबर 1 एंड ही सेज बिन लादेन इज सिटिंग इन अबाटाबाद। सोर्स नंबर 3 सिटिंग इन न्यू दिल्ली टेल्स द सेम स्टोरी एंड ही हैज़ नो लिंक टू द सोर्स नंबर 1 एंड 2।
It's 100% gospel truth. This is how people found, this is things, this is how they, in fact, when Americans went after Bin Laden, they did not have any intelligence. I mean, if you were to ask, did they have any direct evidence? No, nothing. Did they have picture? No. But ek hazy si ek photo thi ki wo koi lawn ke andar koi lamba sa aadmi ghumta wahan pe. In fact, unke Awatabad mein jaane se pehle, unhone Obama pressure mein the, unhone kahin bola bhi hai ki for all we know, there may be a sheikh sitting there with his wife. But they took that chance ki ek input pe puri ki puri badal jati. Now, yahan combined section ki report mein multiple sources are all converging on one point ki Subhash Bose is alive and he is in Russia. तो इसमें बड़ी बात है, इसमें कुछ गांधी जी के बारे में वो हम उसको इग्नोर करते हैं. जैसे यहाँ ये लिख रहे हैं कि हबीबुर रहमान, प्रीतम सिंह, गुलजारा सिंह एंड हासन हैव ऑल बीन एग्जामिन्ड अपीयर टू हैव लाइड. पीपल हु आर देयर विद नेताजी इन इस लास्ट इन अ फ्यू डेज दे वर लाइंग. इनफैक्ट प्रीतम सिंह डाइड इन 2010. ही सेड ही वेंट टू रशिया. वी वर टेलिंग लाइज. ही अपीयर बिफोर मुखर्जी कमीशन ऑल्सो. एंड देन इन द एंड दे हैव दिस इंटरेस्टिंग यू नो सिनेरियो, सो टू स्पीक, दैट दे आर टॉकिंग अबाउट रशियन हाई लेवल डिप्लोमैट्स saying that Netaji is in Russia. Informed by the Russian ambassador in Kabul that there were many Congress refugees in Moscow and Bose was included in their number. There is little reason for such persons to bring Bose into fabricated stories. Obviously, why would ambassador talk like this? He is not a journalist. Muradov, the Russian vice consul general in Tehran, disclosed in March that Bose was in Russia. So you had this multiple informations coming here and there. Now, you might ask, ki, Anuj, is this not a legally admissible evidence? No, it's not, because the reports of the intelligence are not deemed to be legally tenable. So then said, how can you rely upon it? This is not legally tenable. But then I'll ask you that Dawood Ibrahim is sitting in Pakistan, what is the legally admissible evidence? None. We keep giving our dossiers to Pakistan government and they reject. They say this is not legally admissible because any court of law in India, Pakistan, we function the same way. You know, what would be the legally admissible evidence that Mr. Ibrahim is sitting in Pakistan? That Mr. Ibrahim were to file an affidavit before a court of law in Mumbai and say, my name is Dawood Ibrahim, I live in Karachi. Then they will agree that he is sitting in Pakistan. So, life mein, direct, aise court kachari mein sabit karna, bada mushkil hota hai, aisi cheezon ko, jo cheez aapke samne nahi hai. So, it is 100%, in fact, there's a very scene I want to take a look. It is from the movie Gumnami, for those who have not seen. बहुत लोगों ने प्राइवेटली इसी तरह की बातें बोली हैं कि हमने रशियन से बातचीत की, लोगों ने प्राइवेटली बोला. मुझे कुछ जॉर्ज फर्नांडिस ने कुछ बताया था, देश के रक्षा मंत्री थे, उनकी बात हुई है रक्षा मंत्री से रशिया के. ऐसे मल्टीपल लोगों ने बोला है कि हमने रशियन गवर्नमेंट से बातचीत की, वहाँ के लोगों से बातचीत करी, तो वहाँ से उन्होंने बोला कि हमारे पास में है लेकिन आपकी सरकार को पूछना पड़ेगा, हम आपको नहीं बता सकते. या लोगों ने बोला कि हाँ, हमको हमने देखा था, व्हाटएवर. तो ये जो पूरी कहा जाता ना कि नेताजी रूस में हो सकते हैं, ये बीमारी सिर्फ भारतीयों को नहीं है, ये रूस के लोग भी बात को बोलते आए हैं. अब ये गुमनामी में एक बड़ा अच्छा सीक्वेंस था, और ये अध्यन्दु सरकार नाम के एक इंजीनियर थे, मैं उनसे मिला था, और बुजुर्ग आदमी थे, उनके बच्चे अमेरिका रहते हैं मेरे ख्याल से, अच्छे और बड़े खाते पीते घर के हैं, कोई झूठ बोलने का मोटिव नहीं है. तो उन्होंने कमीशन के सामने गवाही दे के ये अपने एक बताया कि मेरे साथ में क्या हुआ था. आप उसका छोटा सा सीन देखिए, फिल्म का अच्छा सीन है, और ये कहानी बहुत लोगों के साथ में हुई इस तरह की. So when we met the Prime Minister Modi ji, why we met, we'll come to that thing. So a demand was made that you should talk to Russians at the highest level, because there have been some instances when India did take up the issue of Netaji with Russians. In fact, every time we've had in our country a non-Congress government, something positive happens. Whatever movement has taken place, they have taken place only when the non-Congress government. For example, when Devi Gowda ji was Prime Minister, only then this matter was heard in Calcutta High Court. So the government lawyers made this position clear that there was probably plain caste theory is not correct. The first time we approached Russians, one when B.B. Singh became the Prime Minister. So very meekly, they were of course very meek approach, but nonetheless, we approached Russians for the first time in 1992. Before that, nothing doing. In fact, kitni baar unko bola, ek Satyanarayan Sena naam ji ke ek hamare ek member of parliament the, aur ek pehle wo foreign service mein bhi the wo, unhone Khosla commission mein gawahi dekh ke bola ki hum log ek party mein khade hue the, वहाँ पे दिल्ली में सब लोग होते हैं, हमारी एम्बेसी बैठी है रशिया की, रूस की, यहाँ पे हमने पंडित जी थे, वहाँ पे रूस के राजदूत थे. तो पंडित जी को बोला कि पंडित जी उनसे रशिया के एम्बेसडर से बात करो नेताजी के बारे में. तो पंडित जी बोलते हैं कि तुम क्या चंडू खाने वाली बातें करते हो. तो इस तरह से वो सुनने को ही राजी नहीं थे. तो ये जो ये डिस्क्रिप्शन दिखाया कि अध्यक्ष सरकार से जो हरकत हुई है, इस तरह का माहौल, डर का माहौल जिसको आजकल बोलते हैं, डर का माहौल आजकल नहीं, आज तो अब खुली खुली बातें हो रही हैं, आजकल डर का माहौल उस टाइम पे था.
प्रॉब्लम ये थी कि उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था आपके, ना फेसबुक है, ना ट्विटर है, आप किसको रिपोर्ट करोगे जाकर के? ना मीडिया है, वो दूरदर्शन था नहीं, कुछ नहीं था, रेडियो था, ऑल इंडिया रेडियो, वहाँ भी वो सेंसरशिप करते थे उस जमाने में, तो डर का माहौल था, ये लोग कुछ बोलते थे नहीं उस जमाने में, लेकिन लोगों को बात याद रही। तो हमने इनसे बोला कि आप इनसे बात करें, और मोदी जी ने हमारी आंखों के सामने हमें हमारे मेरे से उसकी रिकॉर्डिंग चंद्रचूक कहीं ना कहीं होगी निकाल लेंगे, बिकॉज सारा स्ट्रीमिंग लाइव हो रहा था जब प्रधानमंत्री से मिले थे, कि मैं पुतिन से दिसंबर में पुतिन जी से मिल रहा हूँ, मैं उनसे बात करूँगा। तो अब वेदर ही टॉक ही मस्ट है, प्रधानमंत्री ने हमको बोला हमारे मुँह पर, तो बात की होगी, लेकिन आज तक हमें नहीं पता कि बात हुई है कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया। बट उसके बाद में थोड़े टाइम पर स्टेटमेंट आई, मतलब इस घटना के, कि हमारी विदेश मंत्री सुषमा जी ने बात करी है रशियन फॉरेन मिनिस्टर से, तो ये हल्का सा बाइट उस टाइम का। वी जस्ट आस्क्ड वेदर देयर इज एनी इन्फॉर्मेशन इन रशिया व्हिच कुड बी शेयर्ड विद अस, फॉरेन मिनिस्टर सेड ही वुड सी वेदर देयर वाज एनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन रशिया ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर। ये आदमी अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है इसकी, लेकिन जवान अभी अटक रही है, नेताजी का नाम सुन के इनकी जवान अटकनी शुरू जाती है। ये वो स्लम डॉग मिलियनेयर जिन्होंने लिखा था, ये वो हमारे हैं विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन है, तो सुभाष बोस के बारे में इनके मुंह से वर्ड्स निकलने बंद हो जाते हैं, अटक अटक के बोलते हैं। तो उस टाइम पर खबर नहीं, अब हमें नहीं मालूम सुषमा जी की और उनकी जो रशियन मिनिस्टर की जो बात हुई है वो टॉप सीक्रेट है, वी डू नॉट नो। बट अ क्वेश्चन वॉज रेज इन पार्लियामेंट इन 2019, दिस आंसर वॉज गिवन दैट द रशियंस हैव कन्वेड, इनफैक्ट ये उनका जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि वी हैव नो इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद सारे मीडिया में खबर छप गई कि साहब रशिया ने बोल दिया नेताजी रूस, अभी आजकल कई लोग बोल रहे हैं कि देखो ये प्रूफ है कि नेताजी तो रशिया ने मना कर दिया कि उसने, तो ये बचकानी बातें ये वो लोग करते हैं जिनको ABCD नहीं पता डिप्लोमेसी की, और ABCD पता नहीं कि पॉलिटिक्स किस चीज़ का नाम है और कैसे चीज़ों को टाला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, शास्त्री जी की डेथ होती है ताशकंद में 1966 में, तो अंग्रेजों का जमाना तो नहीं है, हमारा जमाना है। भारत सरकार की आधी फोर्स वहाँ बैठी हुई है, हमारा विदेश मंत्री, हमारा रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, विदेश मंत्री, हमारा अम्बेसडर, आधी गवर्नमेंट आपकी वहाँ बैठी है, और वहाँ हमारा प्रधानमंत्री मर जाता है। सूचना के अधिकार में हमने उनसे पूछा कि हमें उसका इन्फॉर्मेशन दो, वहाँ के बारे में रिकॉर्ड निकालने खुल के दो। तो ये हमको 2009 में विदेश मंत्रालय ने सूचना के अधिकार में बताया, The concerned division has conveyed that they don't have information. आप इसको मानेंगे आप लोग कि पूरी आधी गवर्नमेंट आपकी वहाँ बैठी हुई है? भैया प्रधानमंत्री मन होगा, आप लोगों ने 50 फोन खड़काए होंगे दिल्ली में, टेलीग्राम आएंगे प्रधानमंत्री मर गया, कुछ क्या हो गया, सबकी रिपोर्टें निकल के आएंगी, और ये कहते हैं जी वी हैव नो इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या चीज़ है? ये जुमला होता है, इसको जुमला कहते हैं हिंदी में। इस जुमले का मतलब ये है कि जब हमारा कश्मीर में हमारा ये हटने वाला था आर्टिकल 370, हमको तो खबर थी कि कुछ होने वाला सोमवार को, मजाक में हम लोग ट्विटर में फेसबुक में बोल रहे थे कि देखो अब क्या होगा क्या होगा, तो दुनिया को खबर लग गई कि साहब मंडे को इनका कल्याण होने वाला है देश का वहाँ पे कश्मीर में। तो जो पॉलिटिकल पार्टी इससे खुश नहीं थी वो गई गवर्नर साहब के पास में, हमारे जो कश्मीर में गवर्नर थे उस टाइम पे, और उनसे सवाल पूछा उन्होंने कि क्या आप ये करने वाले हो? गवर्नर साहब ने आंसर क्या दिया था? आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। ये जुमला मैं भी यूज़ करता हूँ कई बार, क्योंकि कई बातें मैं आपको नहीं बता सकता। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, उसका मतलब ये होता है आई हैव नो इन्फॉर्मेशन टू गिव टू यू, तुम्हें क्यों बताऊँ, पागल थोड़ी ना हो, तो बता दूंगा सारी बातें, मरेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग ये बैठ कर के एक मजाक में मैंने मीम बनाया था, वो अभी बड़ा सुपर हिट हुआ था, अभी भी चल रहा है, कि हमने मजाक में दिखाया कि हमारे पुतिन जी हमारे मोदी जी को बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारे तो IB और की फाइलें तुमने पब्लिक की नहीं सुभाष बोस पे, हमसे क्यों मांगते हो KGB वाली, अपना तो माल दिखाओ पहले, नेताजी तो हमारे थे, हमने अपनी इंटेलिजेंस की फाइलें पब्लिक नहीं करी हैं, आप उम्मीद करते हैं कि आपको रशियन निकाल के देंगे फाइलें उनकी, उन्होंने क्या ठेका दे रखा आप लोगों के लिए? सत्य अहिंसा फैलाने का ठेका लिया हिंदुस्तानियों ने, और आप उम्मीद कर रहे हैं सच्चाई की दूसरे लोगों से? तो आपने है ना, आप सत्य और अहिंसा को प्रमोट करते हैं दुनिया में, चाहे पेट में खाने को रोटी होना हो, तो आप पहले निकालो भैया फाइल अपनी, उसके बाद बात। और जब आपकी सरकार, हमारी सरकार ने ये स्टेटमेंट दी है, फैसला लिया हुआ है कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई है, तो रशियंस क्या पागल हैं जो आपको बताएंगे कि हमारे पास बैठा हुआ था तुम्हारा आदमी? रिश्ते खराब हो जाएंगे आपका, उनको अभी से मतलब है, आज हमारे रिश्ते हैं, डिफेंस की डील हैं, 50 चीज़ें हैं। तो ये बचकानी बातें ऐसे नहीं होना चाहिए, और ये करके थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए। रूस में डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये लंबी चौड़ी कहानी है, अगर मैं इस पर जाऊँगा कि ये इंडिकेशन है कि कैसे रिकॉर्ड्स हों, इसको मैं स्किप करता हूँ अभी। और अब हम उस पोर्शन में आते हैं कि आप तो IITian हैं भाई, आप तो भारत के सबसे अच्छे ब्रेन्स में से हैं, आप में से कई लोग पता नहीं मुझे 2-3 साल बाद हमको कहाँ बड़ी जगह मिलेंगे, यूरोप में, अमेरिका में।
पाँच से 2014 जब मैं 14 में आखिरी आया था, मुझे लेकर आए थे 14 में, तो से पहले तो यहाँ तो मतलब 14-15 का 2005-6-7 से पहले ये तो ढाबे में कोई सुभाष बोस की बात नहीं करता था। IIT तो बहुत दूर की बात है, अभी तो मैंने MIT बॉस्टन में जाके लेक्चर दे दिया। तो ये फ़र्क क्यों आया, क्या क्या ऐसा चीज़ हो गई है, कल इतना बड़ा पूरा देश में वो हो रहा है, उससे पहले फाइलें निकल रही हैं, ये पूरा माहौल कैसे बदला, क्या क्या ऐसी चीज़ होगी? तो अब चंदू चौक को बताएगा कि ये माहौल कैसे बदला है, कैसे हम लोगों की मेहनत से हम लोगों ने ग्रुप बनाया, हम 4-5 ने मिल करके हमने पूरा पूरा नैरेटिव इसका पूरा चेंज करा, और उसकी कहानी आप सुनिए वो कैसे नैरेटिव हमने चेंज किया और कैसे हम नेताजी को हम लोगों ने हम ऊपर लेकर आए। ये पिछले एक स्लाइड में अनुज ने दिखाया था कि द एक्शन टेकन रिपोर्ट जो UPA गवर्नमेंट विच दे टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट आने के बाद एक पन्ने का एक्शन टेकन रिपोर्ट जिसमें वो सिर्फ इतना बोलते हैं वी डोंट एग्री, वी डोंट एक्सेप्ट द फाइंडिंग्स। इसमें सिर्फ एक ही फाइंडिंग हम एक्सेप्ट करते हैं कि नेताजी मर गए, बाकी कुछ नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो व्हेन दिस हैपेंड देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ हल्ला अराउंड इन द पार्लियामेंट एंड द MPs डिमांडेड अ डिबेट, अ प्रॉपर डिबेट ऑन दिस इशू। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ डिली डैलिंग द गवर्नमेंट एग्रीड एंड देयर वाज सम डिबेट एंड समथिंग हैपेंड दैट द डिबेट वॉज किल्ड इन मिडवे। वो डिबेट जो शुरू हुआ था वो ख़त्म नहीं किया है अभी तक, उसको रिकॉर्ड में अगर आप देखेंगे वो ख़त्म नहीं किया गया प्रॉपरली, बीच में छोड़ दिया गया एंड नोबडी पिक्ड इट अप इन 2006। आफ्टर 2006 नोबडी पिक्ड इट अप। सो फॉर ऑल पर्पसेस द क्वेश्चन अबाउट नेताजी फेट, द डिसअपीयरेंस मिस्ट्री वॉज शट डाउन, इट वॉज डेड, द केस वॉज डेड, इट वॉज ओवर। There was not a single person to rake it up, to ask questions, and there was nobody interested to give any answer. Sab khatam ho gaya tha. Because ek commission ka report aata hai, jisme wo saaf saaf bol rahe hai ki bhai sahab, plane crash mein maut nahi hui hai, but sarkar bolte hai ki plane crash mein maut nahi hai, to fir kya hua? Agar nahi bata pa rahe ho aage kya hua, to uska matlab maut ho gayi hai. So the case was over. So at that time, I mean, we were much younger. This is 2005-6 की बात कर रहे हैं। उस time पे अनुज का पहला किताब आया था, Back from Dead, and he was covering Mukherjee Commission. He was covering the issue before that also for Hindustan Times. तो वो Back from Dead आया तो and that created a flutter for people like us, youngsters like us, who were scattered all over the globe. उस time पे मैं UK में था, ये लोग सारे दिल्ली में, सृजीत तो त्रिवेंद्रम में था, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में, कुछ लोग US में, तो दे वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ रिमेंबर दिस वाज, इट वाज नॉट द एज ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर एंड इंस्टा। उस टाइम पे हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वी वर एट द हाइट ऑफ आवर लेवल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, याहू चैट ग्रुप पे बैठ के हम बात करते थे और वो ग्रुप मेल्स होते थे, उसमें वी यूज टू कीप टॉकिंग 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 एंड से बिग थिंग्स। एक बार हम लोग चैट कर रहे थे तो हमसे 3-4 लोग अलग अलग थे, और उस आपको याद होगा एक उसमें जैसे हमारा लेवल था ऐसे उसे करेक्टर का भी लेवल था। बाद में मालूम चला 8वीं का बच्चा था वो, अरे इतनी क्लियर वो बात कर रहा, बाद में वो LSE में गया, 8वीं का बच्चा बैठ के हमसे डिस्कशन पूरे उसके सारे पॉइंट LSE में चला गया। मैं लास्ट आई हर्ड हिम, इतने 8वीं के बच्चे में इतना दिमाग, को हमसे बैठ के डिस्कशन डिबेट पूरा प्लानिंग कैसे करनी है ये करना है सारे पॉइंट दे रहा था। तो एक चीज हमें खटक रहा था उस टाइम पे, वी डिडंट नो व्हाट टू डू, वी वर स्क्रैचिंग आवर हेड, व्हाट कैन वी डू, पीपल लाइक अस ऑर्डिनरी पीपल, हमारे पास कोई पावर नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, बट वी वांट टू सी द एंड ऑफ इट। तो क्या कर सकते हैं एट आवर लेवल, क्या कर सकते हैं? सो वी स्टार्टेड स्क्रैचिंग आवर हेड, समथिंग हैज टू बी डन। लकीली एट द स्ट्रोक ऑफ लक इन 2005 अ न्यू लॉ वॉज ब्रॉट इन बाय द UPA गवर्नमेंट, and in my opinion that is the best law passed by any government in this era in this century. It was called the Right to Information Act. Bahut josh mein us time pe transparency ka bahut josh chal raha tha, bahut movement chal raha tha, and people were talking about corruption in municipalities, in panchayat, in ministries, and exposing corruption, asking for accountability in public expenditure. ये सारे बहुत बात चल रहा था, तो जोश में आके ये RTI एक्ट पास कर दिया साहब लोगों ने।
तो इनको कोई आइडिया भी नहीं था कि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं इस एक्ट को लेके हमें परेशान करेंगे. तो आई वॉज इन यू के आई कुडंट हैव फाइल्ड द एप्लीकेशन, सो आई टोल्ड शांता के जिसका जूता उसी का सर. तो आई टोल्ड शांतन के जाके इसको फाइल कर दो, ये केस आगे बढ़ाना है. तो ऑल वी नीड टू आस्क फॉर इज द डॉक्यूमेंट्स, वी नीड ट्रांसपेरेंसी. हमें अभी तो क्या करेंगे कुछ पता नहीं है, बट एटलीस्ट लेट्स गेट होल्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. बिकॉज द मोस्ट, कल जब बात कर रहा था मैं, बताया आपको कि दैट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग के 45 में आप बोल रहे हो एक बंदा मर गया, 45 एंड वी वर इन 2005. You have still kept all documents related to him in lock and key, under lock and key. Sare secret rakha hua hai. Kyun? What are you afraid of? So, hamara pehla, then the target became to get the documents out, all documents out. Hame pata bhi nahi tha kitne documents secret hai. We had no idea. Ek ek time pe hum Prime Minister's office mein poochte the, to ek number aata tha, kisi ne bol diya 39 hai. Ministry of External Affairs mein poocha, to bola 29 hai. दो साल बाद फिर पीएमओ में पूछा, बोला 42 है. तो नंबर्स केप चेंजिंग. फाइनली जब पूरा फाइल का लिस्ट बाहर आया, इट वाज मोर देन 300. सो दे नेवर टोल्ड अस द ट्रूथ, दे नेवर गेव अस द फुल पिक्चर, बट वी केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस. हमारा पहला था कि शाहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन के एक लिस्ट था विच लिस्टेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन विच द कमीशंस गेव देयर जजमेंट. ऐसा होता है वे ना, कमीशन स्टार्ट्स वर्किंग, दे लिस्ट आउट, दे मेंशन स्पेसिफाई सर्टेन डॉक्यूमेंट, सर्टेन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, उनको बोलता है एग्जिबिट. उस एग्जिबिट के एनालिसिस के बेसिस पे अपना कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. सो वी वांटेड दैट लिस्ट ऑफ एग्जिबिट ऑफ द शाहनवाज कमेटी 1955-56 के और खोसला कमीशन का 1972-1974. इन लोगों ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोल दिया ऐसा कोई लिस्ट है ही नहीं, ऐसा कुछ लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है. अब इस लिस्ट का जिक्र है रिपोर्ट में, बट द थिंग वाज दैट अनुज हैड अ कॉपी ऑफ दैट लिस्ट, एक फोटोकॉपी था उस लिस्ट का, प्रॉपर मल्टी पेज लिस्ट, 20-30 पन्ने का एक लिस्ट, प्रॉपर लॉन्ग लिस्ट, लिस्टिंग आउट 202 डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड एज एग्जिबिट्स. और आर्ग्यू करते रहे मिनिस्ट्री वाले हमारे साथ कि ऐसा कोई, हाँ सिर्फ हमारे साथ नहीं, दे लाइड ऑन रिकॉर्ड के टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन दैट ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सो व्हेन वी प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ देम, दे हैड नो वे टू गो बैक, दे वर शॉक्ड बिकॉज दिस इज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट. सीक्रेसी क्या होता है, सीक्रेसी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कितना रिडिकुलस लेवल तक जा सकते हैं. सीक्रेसी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इज रेगुलेटेड बाई अ सेट ऑफ रूल्स, डिपार्टमेंटल रूल्स, उसका कुछ एक बहुत सारा ऑफिशियल नाम है. तो दैट रेगुलेट्स द लेवल ऑफ सीक्रेसी टू बी मेंटेन्ड रिगार्डिंग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स इन ऑफिसेस. ठीक है, लॉजिकल. नाउ वो जो डॉक्यूमेंट में रूल्स लिखा है, दैट इटसेल्फ इज सीक्रेट. तो इफ यू आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट, दे विल नॉट गिव इट टू यू. तो मैनुअल बनाया है, वो कैसे सीक्रेसी मेंटेन करना है, वो मैनुअल खुद सीक्रेट है. सो दैट्स द लेवल दे विल गो टू. तो ये चलता रहा, देन वी फॉट विद देम फॉर द सेकंड टाइम. द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सैट फॉर अ फुल बेंच हियरिंग. जब पहले पहले हम जाते थे उस टाइम पे कोई बात नहीं करता था, लोग हमें पागल समझते थे. दिस गाइज वेर पेट्रनाइजिंग, दे वेर कंडिसेंडिंग, सामने जो मुंह में आएगा बोलेगा, दे वुड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर फॉर द फर्स्ट 2-3 मीटिंग्स ही वुड से कि तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है, डोंट यू हैव एनीथिंग बेटर टू डू, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम, दिस इज अ सेटल्ड केस, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, यू यंग गाइस गो डू समथिंग बेटर, डू समथिंग प्रोडक्टिव. बट व्हेन दैट डॉक्यूमेंट वॉज प्रोड्यूस्ड एंड ही रियलाइज्ड दैट द गवर्नमेंट वॉज सप्रेसिंग इन्फॉर्मेशन, ही चेंज्ड, ही टर्न टू आवर साइड एंड देन ही स्टार्टेड हैमरिंग द मिनिस्ट्री. फुल बेंच सीआईसी का सेशन बैठा, दे लुक्ड एट द डॉक्यूमेंट, आस्क के प्रॉब्लम क्या, क्यों नहीं दे सकते. तो उस टाइम पे होम सेक्रेटरी जो थे, ही रोट अ लेटर, कॉन्फिडेंशियल अगेन, दे डोंट राइट लेटर्स ओपन, पब्लिक लेटर्स, दे ऑल एवरीथिंग इज सीक्रेट. तो वो भी सीक्रेट लेटर, कॉन्फिडेंशियल लेटर होम सीआईसी को लिखा कि
If we release these documents, sir, we have more than 71,000 documents and 70,000 documents. And if we release these documents, there will be rioting across the country. It may lead to law and order problem across the country, especially in West Bengal, unquote. And this is coming from the Home Secretary, not from a clerk or not from a junior bureaucrat. Not coming from a journalist, coming from the Home Secretary. It's the second most powerful bureaucrat in the country. IB reports to Home Secretary indirectly. So, iske bawajud, the CIC ruled in our favor. So, by that time, what had happened is, although nobody was interested in Netaji, they were interested in transparency, because us time pe chal raha tha transparency ke campaign. People were clamoring for transparency. So we had merged our issue, our interest with the issue of transparency, and it worked. For the first time, in a paper like Times of India, front page news, we got coverage regarding our campaign on the transparency, how secrecy was being maintained about Netaji papers. But usme idea ye tha ki aap ye bol sakte hain chalo mujhe Netaji pasand nahi hai, mujhe koi fark nahi, interest nahi padta, lekin is age aur is time mein aur khaskar ab democracy mein isko rehne dena, main bataunga. उसमें ये था कि आप डेमोक्रेसी में रहते हैं तो आप ये नहीं सपोर्ट कर सकते कि हाँ नेताजी और फाइल सीक्रेट होने चाहिए, तो उनको मजबूरी में कहा. और इनफैक्ट मीडिया में क्या था कि ये जो डीक्लासिफिकेशन और सीक्रेसी का जो पूरा मैटर है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये लोग इसको नहीं इग्नोर कर सकते. इट्स अ वेरी वेल नोन, वेल एस्टैब्लिश नॉर्म, सो दे हैड टू एग्री. एंड दिस इज़ वाई ये स्टोरी जो नेताजी को पूछा था नहीं बिगेनिंग दिस न्यूज़, और ये मेरे ख्याल से इसकी एनिवर्सरी है शायद या 18 सितंबर को ये आने वाली है. ये शायद मैंने डेट गलत दे दिया, ये अभी आसपास ही कहीं हुआ था. तो ये इस तरह से ये मतलब इसके स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि नेताजी स्टार्टेड मेकिंग न्यूज़ ऑन द फ्रंट पेजेस. तो हमने आप कह सकते हैं कि मरे हुए इशू को क्या पूरी चीज़ को हम लोगों ने हम मेन स्ट्रीम हमने करना शुरू. दिस इज सेप्टेम्बर 2006. दैट इज वेन आवर कैंपेन एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग अहेड, वी गॉट द मोमेंटम. तो क्या हुआ, कल मैं बोल रहा था कि डोंट थिंक दैट द नेताजी इशू इज हिस्ट्री. एंड हियर वॉज द बिगेस्ट प्रूफ कि नेताजी इशू वॉज नॉट हिस्ट्री. सीआईसी का ऑर्डर आ गया कि ये 2002 डॉक्यूमेंट्स देना है. व्हाट हैपेंस आफ्टर द ऑर्डर गोज टू द गवर्नमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑल दे हैव टू डू इज टू फोटोकॉपी दोज फाइल्स, दोज डॉक्यूमेंट्स एंड गिव इट टू अस. सिंपल प्रोसीजर, कुछ नहीं करना है इसमें. 202 डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोकॉपी करके दे दो. बट दैट डजंट हैपन. व्हाट हैपन्स, फाइव पीपल गेट टुगेदर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टार्ट डिस्कसिंग द इशू, द ऑर्डर ऑफ द सीआईसी. हु आर दोज फाइव पीपल? इट्स अ कमिटी कॉल्ड कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स. वेरी इनोक्यूअस साइंडिंग, मतलब नॉर्मल सा कोई नाम है, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं. अब ये पांच बंदे कौन हैं जो इनके मेंबर हैं? प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्टर, डिडेसे होम मिनिस्टर. तो पांच, द फाइव मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स सिट इन दिस कमिटी. हम चार पांच बंदे एक आरटीआई एप्लीकेशन किया था विच वी वन. द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन आस्क द गवर्नमेंट टू गिव अस 202 डॉक्यूमेंट्स. अपने को डाउन प्ले मत करो, मैं भी नहीं करना चाहता. वो ये कि मैं अपनी अपने बारे में हम लोग बोलते नहीं कि हमने क्या किया है, क्योंकि लोग बोलते हैं अपनी तूती खुद बजा रहे हैं, बट क्योंकि हमारे बारे में लोग उल्टा सीधा बोलते हैं तो कभी कभी कुछ दिखाना पड़ता है. ये जो मोदी गवर्नमेंट ने फाइलें पब्लिक की हैं उसमें से आपको मैं दो डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, क्योंकि कई लोग मेरे पे उंगली उठा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, क्या है फलाना ढमकाना. तो ये आपको आप कह सकते हैं कि ये मेरा सीवी है जो सरकारी फाइलों से निकल के आया है. ये हमारे आरटीआई में हम जो कुछ कर रहे थे मतलब उसका एक हिस्सा है. तो ये एक एप्लीकेशन हम लोगों ने लगाई थी मिशन नेताजी ने कि वी वर लुकिंग फॉर अ फाइल, दिस फाइल वॉज द मास्टर फाइल ऑफ नेताजी डेथ, और ये पंडित जी के ने मेंटेन की थी, और ये फाइल को उन्होंने इलीगली डिस्ट्रॉय कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. उस फाइल को हम ढूंढ रहे थे. तो ये इसके बारे में ये लिखा हुआ, श्री अनुज धर ऑफ मिशन नेताजी हैज सॉट द अबव इन्फॉर्मेशन अंडर राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट. ये फाइल में नोटिंग लिखा है, इट मे बी सीन दैट द पिटिशनर, दैट इज मी, इट मे बी सीन दैट द पिटिशनर इज नॉट ओनली अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट फाइल नंबर एंड सब्जेक्ट बट ऑल्सो द फैक्ट दैट द फाइल हैज बीन डिस्ट्रॉयड. हाउ ही हैज एक्वायर्ड दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट नोन. God works in mysterious ways. The history of INA written in the 1950s when Jawaharlal Nehru was at his peak, and the manuscript was in the history department of the defense ministry. Pehle to mana kar diya jaise karte hain, fir CIC mein hum gaye,
जैसे हम जाते हैं, फिर हम जीत गए जैसे हम जीतते हैं। उसके बाद क्या हुआ, दे वर अगेन आस्क्ड टू गिव मी अ कॉपी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। सो डिफेंस मिनिस्ट्री डिड नॉट गिव, दे डिड नॉट रिफ्यूज। व्हाट डिड दे डू, दे वर अनहैप्पी विद द ऑर्डर। व्हाट डिड दे डू, दे फाइल्ड अ केस इन दिल्ली हाई कोर्ट। अब लॉजिक क्या बोलते हैं, किसी ऑर्डर से आप खुश नहीं है, किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के ऑर्डर से आप खुश नहीं है, सो यू फाइल एन अपील अ केस अगेंस्ट द स्टैट्यूटरी बॉडी। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिड नॉट डू दैट, दे डिड नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, दे फाइल्ड अ केस अगेंस्ट मी फॉर आस्किंग दैट मैन्युस्क्रिप्ट। एंड दैट केस फ्रॉम 2012 इज स्टिल गोइंग ऑन, इट हैज स्टिल नॉट बीन विथड्रॉन। सो डोंट थिंक यू आर डीलिंग विद हिस्ट्री, इट्स अ वेरी मच टूडेज पॉलिटिक्स, इट्स अ लाइव इशू। इनफैक्ट जिन लोगों को ये डीक्लासिफिकेशन की बात करनी चाहिए थी वो इस तरह की बातें कर रहे थे उस जमाने में कि प्रोब इनटू नेताजी केस इज वेस्ट ऑफ टाइम, यू नो नेताजी में क्या करना, छोड़ो बेकार की चीज़ें हैं। हिस्टोरियंस जो जाकर के अमेरिका में जाकर के कनाडा में जाकर के वहाँ की आर्काइव में जाकर किताबें लिखते हैं हिस्ट्री की, जिनके डीएनए में डीक्लासिफिकेशन होना चाहिए, मतलब आपको अमेरिकन गवर्नमेंट से रिकॉर्ड चाहिए, आपको लंदन से चाहिए, लेकिन भारत में आप डीक्लासिफिकेशन नहीं चाहते, तो अब आप हिस्ट्री के नाम पर राजनीति कर रहे हैं आप लोग। अब उसमें एक महान आत्मा हमारी, हमारे बड़े जाने माने हिस्टोरियन सुमित सरकार जी, हमारे बड़े फेमस हिस्टोरियन है, अब वो कहता है कि नेताजी की डेथ का सब्जेक्ट इतना बोरिंग और अनइम्पॉर्टेंट है कि मैं तो उसको कमेंट भी नहीं करना चाहता। मत कर भैया, तुझे कौन पूछता आपके जमाने में, मैं बैठ के हम आईआईटीएंस को बात कर रहे हैं, दो ढाई घंटे ऐसे ही निकल गए, आप दो घंटे तो आप शाहरुख खान को नहीं सुनोगे, लोग सुन रहे हैं घंटों घंटों हमको दुनिया भर में, तो बोरिंग तो नहीं है, कम से कम दो फिल्में तो बन गई, तीसरी का भी चांस है बनने का भी, बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग बड़ा टॉपिक, आपको नहीं लग रहा होगा, आप बड़े बड़े महान लोग हैं, आपके लिए बड़ी बड़ी चीज़ है। तो ये हम जो सारा का सारा काम किया, ये हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, हम लोगों ने जो आरटीआई के थ्रू इकट्ठी करके फिर हम लोग गए, मतलब मैं कलकत्ता में गया था, और ये पूरी कहानी जो नेताजी की परिवार की वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको मैंने बताना शुरू कर दिया ना, उस पर इतने अच्छे बन सकते हैं टीवी सीरियल, ये एकता कपूर के सीरीज फेल हो जाएंगे, उसमें ऐसा ड्रामा, उसमें इमोशन करके है, ऐसी नौटंकी है पूरे केस में कि आई कैन नॉट टेल यू कि कैसे हम लोगों ने उनको साइन करवाया। हुआ क्या कि नेताजी की परिवार में डिवीजन बने अलग अलग, एक कम्युनिस्ट फैक्शन है, कांग्रेसी फैक्शन है, तो उनको हमने तोड़ ताड़ करके कि नेताजी के परिवार में किसी ने उनकी डेथ पे विश्वास नहीं किया, एक भी भाई बहन ने नहीं माना, एक भी भतीजा भतीजी ने नहीं माना, सिर्फ एक भतीजा जो कांग्रेस पार्टी में गया उसने स्टैंड चेंज किया, वाइफ ने नहीं माना 96 में अपनी डेथ तक, लेकिन फैमिली में एक धड़ा जो कांग्रेस का सपोर्ट वाला है, वो जो हार्वर्ड का प्रोफेसर है सुगोतो बोस, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, उसने जो है उनके फैक्शन ने, और उन्होंने अनीता मैडम को कुछ उन्होंने कुछ घुट्टी बुला रखी, ये सिर्फ दो लोग, अब पूरा खानदान जो है प्लेन के खिलाफ में था, तो इनको बोला आप घर से निकलिए बाहर, कलकत्ता इज अ प्लेस कि वहाँ नेताजी का परिवार ज़्यादातर कलकत्ता में है, तो मैं कलकत्ता गया। बट ये भी बताना ज़रूरी है, दिस इज समथिंग दैट मस्ट बी सेड, दैट शुरू में मैं जो बोल रहा था, डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड एविडेंस, बिलीफ एंड फैक्ट्स, कि आप क्या बिलीव करते हैं, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट काउंट व्हाट आई बिलीव, व्हाट यू बिलीव, व्हाट मैटर्स इज द फैक्ट, इज द एविडेंस। तो ये जो जितने सारे फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे आप देखेंगे कि कुछ भी इशू हो तो रिपोर्टर्स माइक लेके कैमरा लेके भागते हैं, आपका क्या कहना, आपका कहना, एज इफ दे आर द अथॉरिटीज। सो आई मीन द थिंग इज दैट इफ यू हैव टू नो अबाउट नेताजी, यू हैव टू स्पीक टू हिज फैमिली, लाइक इट्स लाइक सेइंग, आई मीन समथिंग एज रिडिकुलस एज, अगर आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में रिसर्च करना है तो आपको राहुल गांधी से पूछना है। सो इट्स इक्विवेलेंट टू दैट, एंड दिस गाइज actually had no information, no fact, no understanding. All they had was belief. Inke pichla generation jo the, they were more hooked onto the issues, they knew the facts, they were aware of the facts at least, and they made informed decisions. The current generation, inko, we have fed them information, we have written letters for them when they wanted to write to the chief ministers, to the prime minister, or to anybody else, we even had to draft their letters. So, and I am not just saying it, हमने उनको ये बताया कि जब तक हम लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे, कुछ कैंडल मार्च पर, जैसे आज के बड़ा फैशनेबल है कि कैंडल मार्च फॉर जैसिका लाल, कैंडल मार्च फॉर ऋषि तलवार, जस्टिस फॉर जैसिका, तो जब तक आप इस तरह की इवेंट्स नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, इशू मारा हुआ जिंदा नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने कलकत्ता में, हमने इनसे मीटिंग की, मैंने वहाँ गया था, बाद में ये भी आया, सब लोग आए, हमने फिर सीरीज ऑफ यू हमने मीटिंग, इनफैक्ट पहला कैंडल मार्च फॉर नेताजी डीक्लासिफिकेशन हमारा निकला है,
जनवरी 23, 2013 को, और मेरे परमिशन मेरे नाम से, कि पुलिस की रिपोर्ट, पुलिस ने मुझे परमिशन दी थी, आई टुक दी परमिशन कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, परमिशन मैं ले रहा हूँ करके। और उसमें करते करते जैसे एक मार्च की फोटोग्राफ है, इसमें हमारे ये नेताजी की फैमिली, बट दिस जेंटलमैन डॉक्टर डी एन बोस नेताजी इज नेफ्यू, ही वॉज आई आई टी प्रोफेसर इन खड़गपुर, बाद में यूएस में तब चले गए, ही इज नो मोर। सो ये करते करते हम लोगों ने एक मोमेंटम बिल्डअप किया, और ये कि एक चीज अनुज, लेट्स इंट्रोड्यूस द फेसेस हियर, the Bose family members that you see here walking with us asking for declassification, they were all non-believers of the crash. They are all saying that accept staunchly opposed to any plane, staunchly opposed to the Congress line, and they said that Netaji did not die, and they came onto the road with us with that claim. Now each one of them have turned completely around, and now they are staunch believers of the plane crash. कारण यह है कि गुमनामी बाबा से बहुत डर लगता है दुनिया को, वेलकम टू दैट। तो ये हुआ करते करते, फिर हमने इन, जब ये काम चल रहा था तो हम लोगों ने धीरे धीरे डीक्लासिफिकेशन के बारे में बहुत खबरें निकाली, बड़ी खबरें प्लांट भी करी, मैं तो खुद मीडिया में था, स्टोरियां प्लांट करी, ये किया, बड़े पापड़ हम लोगों ने बेले, और ये एक पूरे देश में एक माहौल बना कि साहब लोगों में इन्फॉर्मेशन की कुछ ना कुछ गड़बड़ा करके, फिर वो सूचना के अधिकार से हमारे को चीज़ें मिली। तो ये करते करते इसका पूरा रिजल्ट था कि पहले वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपनी फाइलें पब्लिक करी, और वही नेताजी के बारे में जहाँ डिस्कशन नहीं होती थी, उसका रिजल्ट ये कि सारे के सारे देखो मीडिया में अपना ये सब कुछ ये हुआ, इतना बड़ा कवरेज हुआ करके। फिर प्रधानमंत्री दिल्ली मिले, प्रधानमंत्री ने कहा हम लोग करेंगे, और ये जो पूरा जो ट्रिगर था इस पूरे मोमेंटम का कि प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसका कारण ये था। तो उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कैसे ये चीज़ एकदम से मतलब क्रंच में कैसे पहुंची। तो जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे को सीआईसी ने ऑर्डर दिया हमारे फेवर में, तो हम कमीशन के पास गए, गवर्नमेंट ने हमको इन्फॉर्मेशन से मना कर दिया था, और उसके बाद में एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हियरिंग हुई सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की, वजात हबीबुल्ला जी वाज़ द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर देन, तो उनके वो उन्होंने ही ऑर्डर पास किया उन्हीं के नाम से, बाकी कमिश्नर से भी साइन किए थे। तो वहाँ पे हमारे प्रेशर डालने की वजह से, क्योंकि दो चीज़ें निकल के आई थी कि हमने 202 रिकॉर्ड मांगे थे, तो उन्होंने कहा पब्लिक करो, तो 202 में से 91 हमको दिए गए। दूसरा थी जो पब्लिक के उनके रिकॉर्ड पे आ गया था कि सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारे पास में 70,000 पेजेस पड़े हैं जो बड़े वोलाटाइल हैं, उसमें से कुछ अगर पब्लिक करेंगे तो देश में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसने कहा वो भी पब्लिक करो, आपको छिपाने का मतलब नहीं है। तो इन 70,000 में से कोई 10-15,000 पन्नों को सरकार ने 2010 में पिछली सरकार ने रिलीज़ कर दिया, और रिलीज़ का मतलब होता है कि रिलीज़ करा फिर वो नेशनल आर्काइव में, नेशनल आर्काइव में जब आप इतने सारे पन्ने डालोगे तो टाइम लगता है, आपको कैटलॉगिंग होती है, प्रिजर्व किया जाता है। करते 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 वो 2012 में जा करके वो यहाँ पे अंदर ट्रांसफ़र हुए, चले गए, और करते 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 ये आपका पब्लिक को जो दिखाना होता है वो स्टार्ट हुआ है आपका अक्टूबर या नवंबर 2014, बाई विच टाइम नरेंद्र मोदी हैड बिकम द प्राइम मिनिस्टर। बट प्रोसेस जो थी वो स्टार्ट पिछली गवर्नमेंट ने कर दी थी, और डॉक्यूमेंट दैट वाज द रिजल्ट ऑफ माय मुखर्जी कमीशन आरटीआई, दैट द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स दैट वी स्टार्टेड पुटिंग बैक इन 2006। तो हमारी वजह से ये रिकॉर्ड नेशनल आर्काइव में जो 17,000 पता नहीं 15-20,000 पन्ने जो हैं वो पहुँच गए, और वहाँ पर मैं जाके 2014 में मैं नेशनल आर्काइव में गया, और नेशनल आर्काइव में जब मैं गया वहाँ पे चंद्रचूड़ घर में था, मतलब ऑफिस में था, मैं आर्काइव में गया क्योंकि हमें मालूम था कि ये फाइल्स वहाँ पर हैं, किसी और को नहीं मालूम था, अभी भी डीक्लासिफाई हुई हैं। तो जब अब होता क्या है कि इंसान गलती का पुतला होता है, और गलतियाँ सबसे होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत हज़ारों हज़ारों पन्नों को आप डीक्लासिफाई करते हो तो गलती से ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो आपको निकाल देनी चाहिए। ऐसी गलती अमेरिकन ने भी करी। गलती से कैसे पता? गलती से इसलिए पता है कि दीज वर द सेम फाइल्स विच I had asked for, and they declassified, sent it to the National Archives. पहले मुझे कॉपी दिया सारे डॉक्यूमेंट्स के, एंड आई हैड अ वेरी फ्रेंडली इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ही हिमसेल्फ गॉट इंटरेस्टेड इन टू द इशू। तो वो सारे जितना मैंने मांगा था मुझे दे दिया, पर ये फाइल्स जो बाद में अनुज को मिला वो मुझे नहीं दिया गया था। तो इसीलिए वी नो दैट इट वेंट बाई मिस्टेक, इट वॉज नॉट अ प्लान। ये मिस्टेक होती है, अमेरिका ने भी CIA ने गलती से डॉक्यूमेंट निकाल दिए कि गलती से वापस फिर खींच लिए, ये होता है, गलती होती है इंसान से। लेकिन यहाँ पे इन्होंने गलती से कुछ ऐसी फोटोकॉपी डाल दी, असली फाइल नहीं आई, उनकी फोटोकॉपीज आई हैं, और वो मेरे जाते ही पहले दिन मेरे हाथे चढ़ गए। मैंने चंद्रचूड़ को किया फ़ोन, मैंने कहा चंद्रचूड़ देख, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इंटेलिजेंस ब्रांच, ये नेताजी की फैमिली को ट्रैक कर रहे थे ये लोग इंडिपेंडेंस के बाद में, ये है वाटरगेट स्कैंडल पार्ट टू।
तो इसको मैंने ये बताया चंदू चूंकि वाटरगेट स्कैंडल स्टार्ट हो गया यहाँ पे देश का। तो ये वाटरगेट आपको, क्योंकि आप उस फील्ड के नहीं हो तो आपको और जानना जरूरी है, दुनिया में सबसे बदनाम स्कैंडल जो है वो माना जाता है वाटरगेट स्कैंडल पॉलिटिकल साइंस में। और इतना बदनाम है कि जब भी दुनिया में कहीं भी, भारत में, विदेश में कहीं भी कोई भी पॉलिटिकल स्कैंडल होता है उसके आगे वो गेट वर्ड लगा देते हैं। जैसे आपको याद है कि पिछली सरकार के टाइम पे कोल गेट, दातुन नहीं, वो कोल कोयले के खानों पर ऐसा खाया था, कोल गेट स्कैंडल। तो वो गेट वर्ड जो है ये इधर से आ रहा है, वाटरगेट। वाटरगेट आपका वाशिंगटन के अंदर वहाँ पे ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में, और वाटरगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स, इसमें होटल वोटल सब कुछ है करके। तो बात सन 73 की है, 73 में इस वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में अमेरिका में दो पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स, तो रिपब्लिकन्स पावर में थी, डेमोक्रेट्स अपोजिशन में थे। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का यहाँ पे एक ऑफिस भी था, और सन 72-73 के उस जमाने के उस टाइम के आसपास की बात है, उसमें एक बर्गलरी होती है कि वो कुछ बर्गलर्स वहाँ पे घुसते हैं रात को ऑफिस में, डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस में, और वो जा करके जब वो पकड़े जाते हैं तो उनकी कोर्ट में पेशगी होती है। जब कोर्ट में पेशगी होती है तो वो लोग देखते हैं जज कि यार ये शक्ल से सारे बड़े डिसेंट, बड़े अंकल्स टाइप से, मतलब तो बड़े डिसेंट लोग लग रहे हैं, शक्ल से चोर चक्कर लग नहीं रहा ये, कोई ये हैं कौन ये लोग, ये क्या, पूछा भी आप कौन हो, क्या करते हो। तो उन्होंने बोला जी हम तो रिटायर्ड है गवर्नमेंट के आदमी, बोला गवर्नमेंट में नौकरी करते थे। पूछा गवर्नमेंट में कहाँ नौकरी करते थे, फिर तीन लोगों ने सिर नीचा करके बोला जी हम तो CIA में नौकरी करते थे पहले। CIA के तीन रिटायर अफसर या कोई उनके ऑपरेटिव्स रात को डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफिस में क्या चोरी करने गए थे। तो फिर ये खबर निकली आई कि साहब ये चोरी करने नहीं गए थे, वो आजकल तो भगवान भला करे एडवांस हो गया है बहुत टेक्नोलॉजी, तो आप व्हाट्सअप सब पढ़ लेते हैं आपके इंटेलिजेंस वाले। पुराने ज़माने में उनको डिब्बियाँ लगानी होती थी, वो बगिंग डिवाइसेस, एक डब्बी यहाँ लगाई, एक डिब्बी वहाँ लगाई, फ़ोन टैप करना। तो इसेंशली वाटरगेट स्कैंडल इज़ नथिंग, इज़ अ बॉच्ड अप ऑपरेशन टू ट्राई एंड स्टूप अपॉन द ऑपोजिशन पार्टी। और उन्होंने वो डिब्बियाँ लगाने के लिए वो गए थे, ईज़ ड्रॉपिंग डिवाइसेस वगैरह, तो ये जासूसी करने के उसके उद्देश्य से वहाँ पे गए थे। लेकिन ये सारे पकड़े गए तो पूरा केस खुल गया। जब पूरा केस खुल गया तो पूरे बवाल मच गया पूरे अमेरिका में, पूरे मीडिया में, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो अपने देश के लोगों पर जासूसी कर रहे हो, अपनी ही गवर्नमेंट अपने ही लोगों पर जासूसी करेगी। और उसके बाद में बवाल मचा, वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ का कोर्ट, सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट सब कूद पड़ा। और पूरी अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति, पता लगा कि साहब राष्ट्रपति को मालूम था, और पूरी अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक कोई भी राष्ट्रपति उसको इम्पीच नहीं हुआ। इवन आपका लेडीज़ यहाँ बैठी हैं, जितनी गंदी हरकतें बिल क्लिंटन ने की थी वहाँ पे आपको मैं बता सकता नहीं, मैं वो भी बच गया। और उसके बावजूद ये रिचर्ड निक्सन को रिज़ाइन करना पड़ा। इसका एक ही पाप था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने लोगों पे जासूसी करने की, दैट वाज द ओनली क्राइम, एंड इज द ओनली प्रेसिडेंट हु वाज ऑलमोस्ट इम्पीच, दैट्स व्हाई ही हैड टू रिज़ाइन। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है ये बेसिकली मतलब सिर्फ उसकी है कि जासूसी करने की कोशिश की। जब मैं US में अपने लेक्चर्स के लिए जाता हूँ तो वहाँ मैं उनको बोलता हूँ कि यार तुम लोग यार ऊंची दुकान फीके पकवान, तुम लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है फलान ढमकाना है, अरे यार तुम लोग भी डिब्बी लगाने में क्या बड़ी बात है, ये डिब्बी लगाने में क्या मुश्किल है, हम तो उसकी एक्सपर्ट हैं लगाने के। इन चार पाँच आदमियों को अगर आपने एडवांस ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा होता, हम आपको सिखाते हैं डिब्बी कैसे लगेगी, डिब्बी क्या चीज़ है ये। हमारे यहाँ पे एक्सपर्टीज है कि हम पकड़े नहीं जाते, वो तो गलती से फोटोकॉपी हाथ लग गई हमारे, नहीं तो एक्सपोज ही नहीं होता कि हमारे चाचा जी बैठ के आपके BC रॉय साहब बैठ के ये हरकतें कर रहे हैं। आजकल तो बड़ा जमाना बड़ा ख़राब है, आप खुल के बात ही नहीं कर सकते, वो जमाने थे वाह 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 बैठ करके। आज सुबह देखा था प्लेबॉय मैगजीन की, वो हमारा भाई लेकर आया कि हमारे चाचा का इंटरव्यू छपा प्लेबॉय के अंदर, क्या जमाने थे। आजकल तो बिल्कुल जमाना ही बड़ा बोरिंग हो गया आजकल का आपका है। तो अभी तो पढ़ाए जाना है कि आप जरा करा हिस्ट्री पढ़ो, आपको मालूम चलेगा आप कितने रिग्रेसिव एरिया में आप एरा में रह रहे हैं, आप लोग क्या लोग थे, वाह राजा की मूर्ति लगा रखी है इंडिपेंडेंस के बाद में, किंग जॉर्ज है 6 की मूर्ति लगा दी इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, राजा को सलूट, नाम भी रखा हुआ किंग्स पे। इट्स नॉट ओनली रिग्रेसिव, आई मीन ऐसे कैसे वो हो रहा है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्राइम मिनिस्टर हैविंग सच अ स्टेचर। तो मैंने फोटो पोस्ट किया तो लोग आके मुझे गाली दे रहे हैं कि आई यूज टू थिंक दैट यू आर अ गुड पर्सन बट यू आर नॉट, आई एम ब्लॉकिंग यू। कमाल है यार। तो ये खबर हमने डाली मीडिया में और मीडिया को समझ में आ गया कि बॉस वाटरगेट स्कैंडल का मतलब क्या होता है। तो मीडिया में जाके जो चाचा नेहरू की जो खिल उतारी इन लोगों ने उसके बाद में, आपको अगर याद होगा 2015 में कि वो यहाँ चाचा को हमारे 007 जेम्स बॉन्ड से कंपेयर कर रहे हैं करके, जो मेन स्ट्रीम, दिस इज ऑल मेन स्ट्रीम मीडिया, दिस इज नथिंग लाइक आज तक सब में, क्योंकि उनको समझ भी कि हर एक जर्नलिस्ट को पता है वाटरगेट का मतलब क्या है।
तो नेताजी डेथ इसको स्नूपिंग को हमने वाटरगेट से लिंक करके मीडिया में स्टोरी फैला दी। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं 007 देखी बिकॉज आई एम ए बिग फैन ऑफ यू नो जेम्स बॉन्ड वट वट एवर। लोग ये समझते हैं कि जेम्स बॉन्ड का भारत से एक ही लिंक है, और वो लिंक ये है कि 1983 में एक फिल्म बनी थी ऑक्टोपसी जिसमें जेम्स बॉन्ड भारत में आता है। आप उस तरह सीन देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। Charming tune. You do take English money. Only gold sovereigns. The actual link is something else. The actual link is आपने ये charming tune जो सुनी है ना आपने, would you believe this charming tune was created by the creator keeping India in mind? हमारे एक वो V.S. Nayapal की किताब था House of Mr. Biswas बंगाली, उसके ऊपर बनाई गई थी ये theme. सुनिए वो Morty Norman जिसने बनाई है उसी का bite सुनिए, वो क्या बोलता है कि कैसे ये James Bond की story कैसे उसने कैसे theme बनाई है। So tell me, where did the James Bond theme come from? It came from a musical that Julian Moore and I were writing called A House of Mr. Biswas, based on V.S. Naipaul's novel. Monty's musical, based on the story of an Asian community, featured traditional Indian instruments, but it never made the stage. So I went to my bottom drawer, found this number that I'd always liked and played it to myself, and I was born with this unlucky sneeze, and what is worse, I came into the world the wrong way round. So it had this very Asian quality. Well, I get the Indian feel, but where is James Bond in all that? I thought, what would happen if I split the notes? So I went and immediately, the moment I did that, I realized that this was what I was looking for. And the producers agreed. I'd like to send a cable. Yes, of course. His sexiness, his mystery, his ruthlessness, it's all there in a few notes. ये सारे adjective किस पे लागू होते हैं हमारे देश में? एक हमारे देश में बड़ी डिबेट चल रही है बड़ा टाइम से कि साहब की जैकेट किसकी अच्छी है, हैं? आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू दैट मोदी जी कहीं भी नहीं टिकते। नेहरू जैकेट तो भैया जेम्स बॉन्ड पहनता था, आप किस खेत की मूली हैं? तो ये स्टोरी वाटरगेट स्कैंडल वगैरह करके ये आपकी इंडिया टुडे में कवर स्टोरी बनी एंड हेल ब्रोक लूज इन 2015 से पहले आप लोगों ने अर्नब ने मुझे इज्जत देके बुला लिया था, नहीं तो लोग तो हमको पागल समझते थे। लेकिन 15 के बाद में हमारे को एकदम से नेताजी फटा, जितना आपने चेंज देखा, दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट। अप्रैल 2015 में कवर स्टोरी कि ये सुभाष बोस की फैमिली पे जासूसियाँ हो रही थी, रिपोर्टें जा रही थी और पूरे देश में बवाल मच गया। मेन स्ट्रीम मीडिया एवरीवेयर, टाइम्स ऑफ इंडिया, नेहरू गवर्नमेंट स्पायर्ड ऑन नेताजी फैमिली फॉर 20 ईयर्स, आई बी फाइल्स। इनफैक्ट ये अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जासूसी नेताजी के परिवार की नहीं हो रही थी, जासूसी सिर्फ बंगाल में नहीं हो रही थी, जासूसी पूरे देश में हो रही थी। जासूसी हर एक उस इंसान की हो रही थी जिस आदमी का सुभाष बोस से कुछ भी लेना देना हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो इतिहासकार हों, चाहे वो INA के फॉर्मर लोग हों। ये मुंबई मिरर का स्टोरी है कि नॉट जस्ट बोस्ट बॉम्बे टू। अब ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग ये जो अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, अमेरिकी वाटरगेट स्कैंडल जो उन्होंने कर दिया, कि हम उनसे कितने लाइट ईयर्स उनसे आगे हैं, हमारी एक्सपर्टीज कितनी ज़्यादा है हम लोगों की इन कामों में। वो ये है कि ये अच्छा ये रिकॉर्ड जो हैं अभी जो आपके हत्थे चढ़े हैं, ये रिकॉर्ड बेसिकली है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कह रहा है जासूसी करो, और ये कलकत्ता में जासूसी हो रही है, करने वाले वहाँ के पुलिस के लोग हैं, वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस के लोग हैं। अभी असली माल तो बाहर निकला ही नहीं है, अल्लादीन की गुफा है दिल्ली में, IV का हेडक्वार्टर्स में जो उनका रिकॉर्ड रूम है दिल्ली में है, कहाँ ये भी पता नहीं मुझे, बट वो अल्लादीन की गुफा है। ये तो छोटा छोटा अभी ऐसे वो टिटबिट्स निकल के आ रहे हैं, उसमें आपको इतना पढ़ने को मिल रहा है, जिस दिन असली माल मिलेगा फिर देखना क्या धमाल मचता है देश के अंदर। ये फॉर एग्जाम्पल पिटूरिया स्ट्रीट कैलकटा, 10 अक्टूबर 1949 की एक रिपोर्ट है इंटरसेप्शन की, सर्वेलेंस की, और ये क्या हो रहा है कि दी सीक्रेसी ऑफ दी इंटरसेप्शन में काइंडली बी मेंटेन्ड एंड सम पृथ्वीलाल सभा वॉज पुट अंडर सर्वेलेंस।
तो पृथ्वीलाल सभा का क्राइम क्या था, व्हाट डिड ही डू लाइक दैट ही वाज पुट अंडर सर्वेलेंस. हिज क्राइम वाज कि उसने 1949 में नेताजी के बड़े भाई को चिट्ठी लिख के पूछा कि क्या नेताजी जीवित हैं क्या, तो उन्होंने बताया कि हम बताते तुझे जीवित है कि नहीं है. उन्होंने इस पर स्पाइंग करनी शुरू कर दी. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पृथ्वीलाल सभा जो था नौवीं का बच्चा था, नौवीं क्लास में पढ़ता था, एंड दैट डिड नॉट प्रिवेंट देम फॉर डूइंग वॉट एवर दे वर डूइंग. इनफैक्ट और भी एग्जाम्पल्स है कि नेताजी की टीनेजर नीसीज को भी इन्होंने स्पाइंग किए, इन लोगों ने बैठ करके किसी को नहीं छोड़ा. बड़ा अलग जमाने ही अलग था, आजकल तो डर का माहौल है, उस जमाने माहौल ही कुछ और था. अब जैसे ये पढ़िए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हिज नेम इज पृथ्वीलाल सभा, एज अबाउट 15 ईयर्स, 15 साल का बच्चा. हिज नेम इज पृथ्वीलाल सभा, एज अबाउट 15 ईयर्स, दार्जिलिंग के स्कूल का पढ़ता है. इट इज लर्न फ्रॉम द हेडमास्टर ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल दैट द अटेंडेंस ऑफ द बॉय इन द स्कूल इज इररेगुलर. ही इज नॉट इन द गुड नोशन ऑफ द स्कूल मास्टर्स फॉर हिज डेस्परेट कैरेक्टर. डिसेंट लड़का था, उसकी डेथ हो गई है, अच्छा आदमी था, ऐसे बेकार में लिख रहे हैं. एनी हो, देर इज नथिंग अगेंस्ट हिम पोलिटिकली और अदरवाइज. 15 साल के बच्चे की रिपोर्ट आ रही है. सीक्रेट कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इन्फॉर्मेशन टू श्री पी के बासु IPS. ही मस्ट बी वन ऑफ दीज नो IP इंडियन पुलिस, अंग्रेजों के जमाने का कोई गुलाम होगा, चमचा उनका वो बैठा होगा वहाँ पर. ये श्री पी के बसु IPS डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच, स्पेशल ब्रांच को ये बैठ करके ये रिपोर्टें दे रहे हैं बच्चों की. अब तो मर चुका होगा, अगर जीवित हो तो ऐसे लोगों को हावड़ा के पुल पर चप्पलों से मारना चाहिए कि अंग्रेज के गुलाम तुझे इसलिए बैठाया यहाँ पे कि बच्चों की रिपोर्ट देने जा करके. अब सुनिए, नेताजी के बारे में जितनी रिपोर्टें आ रही हैं, गवर्नमेंट का स्टैंड है वो मर गए प्लेन क्रैश में, चलो मर गए मार गए, ठीक है. ये रिपोर्ट उनके नेताजी के मरने के 10 साल बाद की रिपोर्ट है, इंटरसेप्शन की रिपोर्ट. ये लोग नेताजी की वाइफ की चिट्ठी अभी खोल खोल के पढ़ रहे थे. अब उसका पहले इम्पोर्टेंस समझिए, इसका इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू क्या. उसकी वैल्यू ये है कि मान लीजिए कि कस्तूरबा गांधी जी की डेथ नहीं हुई 1942 में, मान लीजिए कस्तूरबा गांधी 1955 में जीवित थी, मान लीजिए कल खबर आती है आनंद बाजार पत्रिका में कि कस्तूरबा गांधी जी की जो चिट्ठियाँ लिखती थी अपने भतीजों को भांजों को, गुजरात का इंटेलिजेंस ब्रांच उनको पढ़ रहा था और पढ़ पढ़ के उन रिपोर्टों को फाइलों में लगा रहा था, तो कल कलकत्ता में क्या बवाल मचेगा. मऊआ में तो फाड़ देगी उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, गुजराती गवर्नमेंट को. तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सुभाष बोस की जासूसी करने की उसकी उनकी मिसेज के ऊपर. अ कैजुअल एजेंट रिपोर्ट्स ऑन 14 July 1955 दैट वन शिशिर कुमार बोस, नेताजी नेफ्यू एंड इवेंचुअली कांग्रेस पार्टी लीडर, कम्युनिकेटेड विद M.J. शंकल इन वियना ऑस्ट्रिया. ठीक है, नाउ वुड यू एंड दीज आर वेरी नाइस रिपोर्ट्स एक्चुअली, वुड यू फॉर एग्जाम्पल टुडे डिस्क्राइब सोनिया गांधी जी एज राजीव गांधी जी इज विडो, राजीव गांधी जी इज वाइफ. अनफॉर्चुनेटली शी इज राजीव गांधी इज विडो बिकॉज राजीव गांधी जी इज नो मोर अलाइव. सो दीज गाइज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, द कमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी गोज लाइक दिस, द एड्रेसी इज एविडेंटली द एलिज वाइफ ऑफ सुभाष चंद्र बोस. इसका मतलब तुम्हारे को मालूम है कि वो जीवित है. एंड दिस इज द डिडक्शन विच एवरीबॉडी, everybody means everybody in mainstream media including the BJP and others and in the Bose family they drew once this information came out everywhere, it was everywhere. In fact government was scared of Bose's, obviously when the person is dead and gone why would they were not spying on these bachchas and all that, they were spying on Subhash Bose. They knew he was alive, they did not know where he was, so what they were doing, they were tracking each and everybody who they thought could have some link to Subhash Bose. Sari machhri par dal do jala koi na koi to lepete mein aayegi hamare. उस जमाने में तो था नहीं आतंकवाद, कुछ था नहीं, जो नेहरू की सिक्योरिटी है वही नेशनल सिक्योरिटी है, तो यही बैठ के जासूसी करते रहे बैठ करके, और पुरानी आदत पड़ी है अंग्रेजों के जमाने की जासूसी करने की इनको, तो ये लोग कर रहे थे और ये पूरा का पूरा धमाल खुल गया. आई बी डिड नॉट बिलीव नेताजी डाइड इन 1945, दिस आर ऑल मेन स्ट्रीम टाइम्स ऑफ इंडिया. आई बी स्पाइड अपॉन बोस किन थिंकिंग ही वुड ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम. इवेंचुअली ममता बनर्जी दी चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल वॉज कंस्ट्रेंड पब्लिकली, शी हैड टू एडमिट कि स्टूपिंग का मतलब ही यही है कि ही वॉज अलाइव, पब्लिक स्टेटमेंट. इनफैक्ट ये उस जमाने में पुरकायस जी आपके बंगाल के कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर थे, ही वॉज अलाइव वर्किंग फॉर रॉ, पागल नहीं है कोई, सब लोग सारे IPS अफसर बैठे हैं. अब बाद में आई थिंक ही बिकेम द हेड ऑफ द बंगाल सिक्योरिटी, राइट नाउ आई थिंक स्टिल सर्विंग. तो ये खुल के निकल गया. इनफैक्ट BJP पब्लिक स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट मेड बाय द BJP इज यू नो स्पोक्स पर्सन M.J. अकबर, द ओनली वन रीजनेबल एक्सप्लेनेशन. The government was not sure whether Bose was dead and thought if he were alive, he would be in some form of communication with his family in Calcutta. So the stooping ka matlab ye tha ki inko malum hai aur ye log ye log ye kar rahe the. Ek main aapko ek halka sa cheez dikhana chahta hu for old fashion, old time sake. Agar aap logon ne kabhi Sir Humphrey Appleby ka naam shayad suna hoga aap logon ne,
एक बड़ा मशहूर सीरीज था 80s में, बड़ा ऑल टाइम ग्रेटेस्ट की यस यस प्राइम मिनिस्टर यस मिनिस्टर. तो हम्फ्री एप्पल भी इज अ डिप्लो आई मीन ही इज अ ब्यूरोक्रेट एंड ही विल टेल यू समथिंग, ही विल हाइड थिंग्स, कंसील थिंग. तो लोग समझते हैं कि हम्फ्री एप्पल भी जो थे ना वो बड़ा डॉज करने के बड़े एक्सपर्ट थे. मैं आपको दिखाता हूँ कि हम्फ्री एप्पल भी का बाप कौन था इस देश के अंदर. पर पहले हम्फ्री एप्पल भी का देखिए, इसमें एक सीक्वेंस है यस प्राइम मिनिस्टर का कि हम्फ्री एप्पल भी जो मिनिस्टर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर उनको ये बोलता है कि मैंने आज पार्लियामेंट में मुझसे सवाल पूछा गया था कि क्या अभी इस आदमी की आप फ़ोन टैप करते हैं कि नहीं करते, तो मैंने मना कर दिया कि आप मैंने फ़ोन टैप हम नहीं करते. तो हम्फ्री एप्पल भी प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं कि आपने झूठ बोला है. आप सुनिए कि वो भाषा क्या बोलते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मेनू छुपाते हैं. So I gather you denied that Mr. Halifax's phone had been bugged. Well, obviously. It was the one question today to which I could give a clear, simple, straightforward, honest answer. Yes. Unfortunately, although the answer was indeed clear, simple and straightforward, there is some difficulty in justifiably assigning to it the fourth of the epithets you applied to the statement. Inasmuch as the precise correlation between the information you communicated and the facts insofar as they can be determined and demonstrated is such as to cause epistemological problems of sufficient magnitude as to lay upon the logical and semantic resources of the English language a heavier burden than they can reasonably be expected to bear. Epistemological? What are you talking about? You told a lie. Yes, you did not tell the truth. You mean we are bugging Hugh Halifax's telephone? We were. We were? When did we stop? 17 minutes ago. This gentleman is the Atma Jayaram. He was the director of intelligence bureau. नाम बड़े अजीब अजीब से होते हैं. हमारे आईबी के चीफ का नाम था भोलानाथ मलिक. नाम बोला और काम ऐसे करेगा कि वो अमेरिका का हूवर जो है बच्चा उसके. तो आत्मा रायम ये जासूसी हो रही है, ये सब रिकॉर्ड निकल के आ गए ना. आत्मा जयाराम जी जो डायरेक्टर आईबी की थे, इनकी खोस्टा कमीशन में गवाही हुई, उसका रिकॉर्ड हम लोगों ने निकाल लिया. उनसे क्या सवाल जो आप पूछेगा, आपको समझ की मैं आपको दिखाऊंगा कि हम्फ्री एप्पल भी का बाप यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ है कि कैसे आप डॉज करते हैं क्वेश्चंस को. नौ आत्मा जयाराम जी को सवाल पूछा गया खोस्टा कमीशन में ऑन रिकॉर्ड में. नाउ वी नो कि स्नूपिंग वाज हैपनिंग. ये कहानी है 1972-73 की. जयराम को उन्होंने पूछा कि क्या आप सुभाष बोस के ऊपर या उससे जुड़ी चीज़ों पर आप टैप कर रहे हो, कुछ कर रहे हो. नहीं, उसका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं, ऑब्वियसली नेताजी तो मर गए 1947 में. तो देखिए उसने आंसर क्या दिया. हैज़ योर डिपार्टमेंट बीन डीलिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस? द आंसर इज एज डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्रांच आई कैन ओनली से दैट द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हैज़ अ वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वट एवर द गवर्नमेंट विशेज टू नो वी विल डू इट, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू से वट वी डू इट एंड वट वी डू नॉट. हम फ्री अपीस अच्छा है, कंसाइज टू द पॉइंट है. तो नाउ वी नो दैट दे वॉज स्पाइंग एंड दिस जेंटलमैन रादर देन सेइंग यस ही पुट दिस काइंड ऑफ अ यू नो जुमला इन फ्रंट ऑफ द एंड दिस इज हाउ दे Now, the... there are students and faculty here. Students sometimes try this language with your teachers. You'll be thrown out in 2 seconds. अब थोड़ा सा अगर कोई टीचर बैठे हैं तो खासकर जिनकी थोड़ी सी एज ज़्यादा होगी. होमवर्क किया है कि नहीं, हम बहुत कुछ करते हैं कि मैं पर ये नहीं बता सकता कि होमवर्क किया है कि नहीं. एक हम लोग क्योंकि कल हुआ क्या है कि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है जो पिछले 50-60-70 साल से कहीं ना कहीं चलती आई है. मैंने सुना बचपन में क्योंकि मैं बाबू कॉलोनी में पैदा हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ वहाँ के बाबू रहा करते थे. तो वो थी कि ये कहा जाता है कि 15 अगस्त में जो आपको हमको इंडिपेंडेंस मिली वो इंडिपेंडेंस नहीं थी, वो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था. और उस ट्रांसफर ऑफ पावर में कुछ सीक्रेट क्लॉजेस थी. तो ये एलिगेशन लोगों ने खुल खुल करके लगाए. जैसे फॉर एग्जांपल ये एलिगेशन था, ये रिपोर्ट हुआ हिंदुस्तान टाइम्स में, नेताजी के बॉडीगार्ड ने बोला जाके खोस्टा कमीशन को उस्मान पटेल ने कि इन्होंने कोई पैक्ट कर लिया था अंग्रेज़ों के साथ में कि अगर सुभाष बोस देश में वापस आते हैं तो इनको हम अंग्रेज़ों के हवाले कर देंगे, वॉर क्राइम्स का ट्रायल चलाएंगे, वट एवर. तो इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी जो बहुत नीची किस्म की हरकत है, इस तरह की लोग बातें किया करते थे, वो था ये था वो था, तो इस तरह की बातें होती थी. अब उसमें ये है कि एक पहली चीज़ जो इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो थ्योरी है कि भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर था उसमें सीक्रेट क्लॉजेस थी, अगर हम इसके सोर्स में जाएं कि कौन व्यक्ति था जिसने पहली बार इसकी बात की थी, तो वो पहला व्यक्ति था गुमनामी बाबा. गुमनामी बाबा ने 1962 में अतुल सेन नाम का एक बंगाल में एक पॉलिटिशियन था, वो जो गांधी जी को जानता था, सुभाष को जानता था, नेताजी को जानता था, और वो उनसे मिला बाय सम फ्लूक. और अतुल सेन को उन्होंने कुछ बोला और अतुल सेन को फिर मना किया कि तूने गवर्नमेंट से कांटेक्ट नहीं करना है, लेकिन अतुल सेन ने पंडित जी को चिट्ठी लिखी
और वो चिट्ठी जो हम आपको बता रहे थे कि हम लोगों ने सूचना के अधिकार में इनसे 202 रिकॉर्ड मांगे थे, ये उसमें चिट्ठी भी थी, और खुशकिस्मती से उन्होंने 91 जो रिकॉर्ड हमको दिए उसमें से ये चिट्ठी हमने निकाल ली सरकार से। तो उसने पंडित जी को लिखा कि आप नेताजी के बारे में डिबेट्स है, नेताजी जीवित हैं और अभी स्पिरिचुअल साधना में लगे हैं, तो मैं आपको कुछ और नहीं बोल सकता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि ही इज़ येट नेताजी टोल्ड मी दैट ही इज़ येट रिगार्डेड एज एनिमी नंबर 1 ऑफ द एलाइड पावर्स एंड दैट देयर इज अ सीक्रेट प्रोटोकॉल दैट बाइंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिलीवर हिम टू एलाइड जस्टिस अपॉन द लाइफ। सो दिस थ्योरी अबाउट ट्रांसफर ऑफ पावर, सीक्रेट क्लॉजेज एंड ऑल दैट, इसका जो रूट है, इसका जो फर्स्ट सोर्स है, वो आपका कहीं यूपी के अंदर बैठा हुआ था और ये बाद में करते 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 ये थ्योरी हो गई है। तो अब ये है कि अब एक बहुत शॉकिंग चीज़ हमारे सामने आई है। वो शॉकिंग चीज़ ये है कि कहने को तो दुनिया भर में हम लोगों ने ही सत्य और अहिंसा फैलाने का ठेका लिया हुआ है हिंदुस्तान के लोगों ने, चाहे खाने में पेट में रोटी होना हो, लेकिन हम सत्य और अहिंसा की बात सबसे करते हैं। भारत सरकार ने कभी ट्रांसफर ऑफ पावर, अभी भी, आज भी, कल भी मैंने इस बात को उठाया बार बार चैनल्स के अंदर, कल जब हम परसों जब टीवी में डिबेट चल रही थी, भारत सरकार ने कभी इन एलिगेशन पे अपना मुंह नहीं खोला कि क्या ट्रांसफर ऑफ पावर में सीक्रेट क्लॉजेस थी कि नहीं थी। बदकिस्मती से इनका इनकी पोल खुल चुकी है। अब वो पोल खुलने का कारण ये है कि 2009 के आसपास ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने डिसाइड किया कि वो अपनी ऑफिशियल हिस्ट्री लिखवाएंगे, और उन्होंने उन्होंने उसके दौरान उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन और कागज़ जो हैं पब्लिक किए हैं, और गलती से उसमें से एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर में सीक्रेट क्लॉजेस, तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर में सीक्रेट क्लॉजेस थी ये अब इस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ जो दिल्ली में जो गांधी भक्त बैठे हैं इन्होंने नहीं बताई है, ये हमको अंग्रेज़ों ने बताई है। तो MI5 ने अपनी क्लॉज बता दी है कि हमारा क्या था, कि जब भारत आज़ाद हुआ है इन्होंने यहाँ पर एक ऑफिस खोला, सिक्योरिटी लियाजन ऑफिस, सीक्रेट ऑफिस था, और सिक्योरिटी लियाजन ऑफिस का जो SLO था, जिसको SLO बोलते थे ऑफिस में, SLO को हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जाके रिपोर्ट करते थे कि साहब ये हमारी रिपोर्टें, वो कौन सा गाना था ना, ये दिल क्या चीज़ है आप मेरी जान लीजिए, ये सारी रिपोर्टें निकाल के इंडिपेंडेंट भारत आज़ाद हो गया, और ये गुलाम की औलाद जाकर के लंदन में अपने मास्टर्स को रिपोर्ट करते थे इंडिपेंडेंस के बाद में। और SLO का ऑफिस किसी को कानो कान खबर नहीं, कभी नहीं बताया ये खबर कहाँ से आई है, लंदन से, इन्होंने हमको नहीं बताया। और SLO का ऑफिस भारत में 1968 तक चलता रहा, 1968, जिस साल में ये मूर्ति हटी है किंग जॉर्ज की यहाँ से दिल्ली से, और हटने का कारण ये था कि अंग्रेज़ों को लगा कि उनके पास में कुछ पैसे की कमी थी यहाँ पे। हमने नहीं बोला कि आप हटा दो, अगर वो बोलते तो ये तो कहता अभी भी चलाते रहो, हमें कोई टेंशन नहीं है। और मेरे ख्याल से शायद ये भी हो सकता है कि आप तो ये ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि अगर फॉर ऑल वी नो 68 के बाद में रिपोर्ट करने जाते होंगे ये लोग लंदन के अंदर, साथ में बी बच्चों के भी, चलो भाई तुम भी चलो घूमने के लिए विलायत की सैर करो, दो चार वहाँ एडमिशन लगे, भर्ती हो जाओ वहाँ पर। तो ये गुलाम की औलाद जाकर के इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले डायरेक्टर जाकर के रिपोर्टें कर रहे थे अंग्रेजों को इंडिपेंडेंस के बाद में। और एक और इन्होंने अच्छा काम किया अंग्रेजों ने, अभी वो दिखाता हूँ आपको रिपोर्टें, इन्होंने ना केवल सुभाष बोस पे जासूसियाँ की हैं इंडिपेंडेंस के बाद में, जासूसी करो और निकाल के रिपोर्टें अपने मालिकों को दो इंडिपेंडेंस के बाद में जाकर के, सारे मीडिया में ओपन एंड शट केस, दिस इज ओपन एंड शट, आई बी शेयर्ड इन्फॉर्मेशन विद बोसिस किन ऑन MI5, ये कोई फेसबुक की पोस्ट नहीं जो शेयर करी आप लोगों ने, आपने जासूसी करी आप लोगों ने, आपने गद्दारी की कंट्री के साथ में, आप उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आप लोग, जैसे ये रिपोर्ट है, ये SLO का रिपोर्ट है, सिक्योरिटी लेजन ऑफिस का रिपोर्ट आ रहा है कि हमें रिपोर्टें मिली हैं भारत से, जैसे ये रिपोर्ट है, ये लंदन से आई है ये भारत की IB की रिपोर्ट है, इट इज़ साइन बाय S बालाकृष्णन शेट्टी, जो सुभाष बोस पे निगाह रखा हुआ था 55 में ये काम कर रहा था बैठ करके, ये अब तो मर चुका होगा, वैसे ज़्यादातर ऐसे लोगों की उम्र बड़ी लंबी होती है, पर ये पता नहीं इसका पूछना पड़ेगा जीता कि मर गया, ज़्यादातर ऐसे लोग के मैं देखा 100 साल तक, पता नहीं क्या भगवान भी इन पर ज़्यादा मेहरबानी दिखाता है, लंबी लंबी इनकी उम्र होती है इन लोगों की, ऐसे जिन्होंने गद्दारियाँ की देश के साथ में, सेहतें वेहतें अच्छी होती हैं इनकी और जीते भी बहुत लंबा है ये लोग। तो ये रिपोर्ट आ रही है, सीक्रेट रिपोर्ट, ये लंदन से आ रही है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये रिपोर्ट भारत की है, भारत का इंटेलिजेंस ब्यूरो नेताजी के घर पर ये लिखा है इन्होंने कि ये इंडिपेंडेंस की बात की खबर है। The attached is a letter, you know, from AC Nambiar. Nambiar was with Netaji in Germany. He was also Panditji's friend. The letter was sent to Ominath Bose, Netaji's ka nephew. और ये लिखा हुआ है कि the letter was seen during secret censorship and was passed on. कि आज़ाद भारत हो चुका है और नेताजी के घर में कलकत्ता में secret censorship लगी हुई है। ये इनके हत्थे चौड़ा,
इन्होंने ले करके सीधा अपने मालिक को इन्फॉर्म करा वहाँ पे, और यहाँ लिख रहा है कि वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर योर कमेंट्स ऑन द लेटर, ऐसे लिखा जैसे चाचा की शादी की इन्फॉर्म कर रहा उसको बैठ करके। तो ऑब्वियसली इन्होंने भी आंसर दिया होगा। तो मैंने सूचना के अधिकार में चंद्रचूड़ मैंने हमने सरकार से पूछा इस बात को 2000 हमने ये अभी 17 में आके जाकर के, भाई तुम तो बताओ तुम्हारे पास में क्या मालमत्ता है। तो इन्होंने मना कर दिया, सूचना के अधिकार में आई भी कवर ही नहीं होता, कहानी खत्म, नहीं बताते आपको क्या कर लोगे। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं देश में। और ये तो एनी बॉडी हु वुड गो थ्रू दीज बेसिक, दीज आर वेरी बेयर बेसिक्स विच आई एम टेलिंग यू, वी आर टेलिंग यू राइट नाउ, आप जाएंगे प्लेन क्रैश की थ्योरी आउट है, रशियन एंगल जो है वो आउट है टू द एक्सटेंट पॉसिबल। रशियन एंगल में कोई नेताजी वहाँ थे लेकिन उसका डिडक्शन लोग निकालते हैं कि मार दिया गया होगा। जैसे मुझे समझ में नहीं आया कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे इतने पढ़े लिखे विद्वान इस तरह की बचकानी बातें कैसे कर सकते हैं कि स्टालिन ने, जोसेफ स्टालिन ने पंडित जी के कहने पर उसको मरवा दिया, चाचा के बोलने पर उनको मरवा दिया नेताजी को। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के रिश्ते जब तक जोसेफ स्टालिन रशिया में डिक्टेटर था उनसे अच्छे नहीं थे। आलम यह था कि जब गांधी जी की हत्या हुई है तो रशियंस ने फूल तक नहीं भेजे आपको दो दिन तक। चाचा नेहरू के बारे में स्टालिन ने किसी नोट में लिखा पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट, ठीक है जी। तो जो आदमी उसको पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट बता रहा है चाचा नेहरू को हमारे, वो क्या उस पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट के लिए उस आदमी को मारेगा जो उसके पास में खुद आया है, जिसका उससे ऑलरेडी लिंक है, जिसकी मदद वो पहले कर चुका है। डोंट फॉरगेट कलकत्ता, नेताजी एस्केप फ्रॉम कलकत्ता इन 40-41, ही वेंट वाया मॉस्को। अब लेटर है नेताजी के लेटर, रशिया की लड़ाई जापान से भी नहीं थी, मेरे ख्याल से जनवरी या के बाद 45 में जाके अटैक किया उन्होंने मेरे ख्याल से। तो नेताजी ने अक्टूबर 1944 में रशियन एम्बेसडर इन काबुल जैकब मलिक को चिट्ठियां लिखी हैं, वो भी निकल के आ गया। तो ही वॉज ट्राइंग टू अप्रोच देम सीकिंग हेल्प इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, आपने मेरी पहले मदद की थी। फिर खबरें आ रही हैं कि दिसंबर 1944 में नेताजी शायद रूस में थे, फिर बाद में, तो इस तरह की खबरें आ रही हैं निकल रही। तो ये इस तरह का निकल के आ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये कहानी आप सारी घूम फिर के आ रही है कि इन तीनों एंगल में जो थर्ड एंगल है जिसको कोई भी आदमी अपनी राइट सेंसेस में दो पैसे का टंच, मैंने कभी नहीं दिया जब मुझे पहली बार जिंदगी में किसी ने सुजेस्ट किया था कि यूपी में कोई फैजाबाद का इलाका जो मैं कभी गया नहीं वहाँ पे आज से जिंदगी में, मैं तो बाद में गया था, और किसी ने मुझे बोला कि वहाँ गुमनामी बाबा था, वो नेताजी था, तो मेरे तो मैंने तो गाली दी पहले उसको, मैंने हिंदी में दिल्ली के हिसाब से, जिसका इसको बाहर निकालो पागल आदमी क्या बकवास कर रहा है, सुभाष बोस कहाँ से आ गया भाई 85 के अंदर राजीव गांधी के टाइम पे। पहले तो मुझे यही नहीं मालूम था कि नेताजी की उम्र कितनी थी, अरे नेताजी कहाँ से आ जाएंगे, नेताजी तो महात्मा गांधी के बराबर के टाइम पे। फिर समझ में आया कि पहली बात तो छोड़ो यार, नेताजी की उम्र कितनी थी, आपको पता है कि नेताजी में और सरदार पटेल में कितना फर्क था उम्र में, 22 साल। सरदार पटेल नेताजी से 22 साल बड़े थे, पंडित जी नेताजी से 9 साल बड़े थे, गांधी जी सुभाष बोस के फादर के बराबर की उम्र के थे, बहुत बड़ा फर्क था। और ये सारे चंद्रचूड़ कैन टेल बेटर, वो सारे यंग लोग, एक अकेला यंग आदमी और सारे के सारे गैंग ऑफ वागे के खिलाफ में मिल करके, तो ये हालत है। और हमारे मुरारजी भाई, कुछ मैं थोड़े से देख रहा हूँ थोड़े ओल्ड फैशन लोग यहाँ बैठे हैं तो मुझे याद आ गया वो पुराना ज़माना, हमारे मुरारजी भाई जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं 1978 में, वो सुभाष बोस से बड़े थे मेरे ख्याल से 1 साल के आसपास, और जब प्रधानमंत्री बने हैं तो उनके मुंह में एक झुर्री नहीं थी, उसका कारण जानते हैं आप लोग, खाना पीना नहीं, वो एक टॉनिक था जमाने में मिलता था, वो टॉनिक पी के आदमी की खाना नहीं पीना ठीक हो जाती थी वो मुरारजी कोला उसका नाम था, बड़ा मशहूर ब्रांड था लेकिन खत्म करवा दिया। एक तो प्रॉब्लम है ये नाम से प्रॉब्लम है कि गुमनामी बाबा नाम सुनते ही लोग भड़क जाते हैं, एंड राइटली सो, आई मीन इट्स अ नेम दैट नोबडी इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू और कैन मैच विथ नेताजी। कहाँ नेताजी की बात कर रहे हैं, क्या इमेज है एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी रनिंग टू गवर्नमेंट्स इन एग्जाइल, रेजिंग टू आर्मीज अक्रॉस टू कॉन्टिनेंट्स, सबमरीन से डेयर डेविल जर्नी करके पहुँच रहे हैं, और उनके साथ आप बात कर रहे हैं गुमनामी बाबा की। तो ये अनुज, जब हिंदुस्तान टाइम्स के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, आई डिडंट नो हिम एट दैट टाइम एंड आई नेवर इमेजिन दैट वी वुड बी ऑन द सेम स्टेज वन डे, तो मैंने पढ़ा उसका स्टोरी पढ़ा एंड चंद्रचूर मैं शायंतन श्रीजीत पणेकर हम कोई लंगोटिया यार नहीं थे बचपन के, हम सारे के ऐसा नहीं कि ये और मैं कोई कंस्पिरेसी करके आए कि बचपन से, हम लोग इस केस में दोस्त बने आगे जा करके।
ऐसा नहीं कि हम लोग बचपन के दोस्त थे, हमने प्लानिंग करी कि हम ये काम करेंगे, वो नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारा कोई वो अलग अलग थे, अलग अलग मिले, कॉमन इंटरेस्ट था उससे एक हुए, और जो जो चीज़ मैंने करी या उसने करी उसको वेरीफाई करना, रीवेरीफाई करना, चेक करना, वो करना, ऐसे जाके काम। So, you read his story और एक चीज़ आपको मैं ये बता दूँ, ये फोटो हमारे दोस्त सर्वज्ञ भांजा ने बनाई है करके, एक्चुअली ये नेताजी की फोटोग्राफ है। मतलब कितना फ़र्क हो जाता है सिर्फ दाढ़ी लगाने से, कि वो नेताजी की वो टाइम मैगजीन में फ़ोटो छपी थी, उस फोटो को लिया उसने और सिर्फ उसने उस पर दाढ़ी लगाई और थोड़ा सा झुर्री डाल दी, आप शक्ल नहीं पहचान सकते कि सुभाष बोस है कि कौन है, बट ये फोटोग्राफ नेताजी की है। सिर्फ दाढ़ी लगाने से ही कितना शक्ल चेंज आ जाए। रेड अनुज स्टोरी एंड आई वाज डिस्गस्टेड कि ये लोग मतलब क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट हेल बेंट टू प्रूव कि नेताजी वॉज अलाइव, ही केम बैक टू इंडिया एंड साम बाबा बन के कहीं पर रह रहे हैं, एंड अगर उस दिन मेरे सामने ये आ जाता तो मेरा हाथ उठ जाता, तो आई वॉज डिस्गस्टेड टू दैट एक्सटेंट। तो दैट नेम, दैट गुमनामी बाबा एंड ऑल दोज थिंग्स, लोगों का पहला रिएक्शन जो होता है विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट देन वी टॉक अबाउट फैक्ट्स, वी टॉक अबाउट हाउ दिस थिंग शेप्ड अप। गुमनामी बाबा नाम उनका अपना नाम नहीं था, ही नेवर क्लेम के माई नेम इज़ गुमनामी बाबा, उनका आधार कार्ड गुमनामी बाबा के उसमें नहीं था। इट वॉज अ नेम गिवन बाई द लोकल मीडिया के गुमनाम, जिनका नाम नहीं है, बट बाबा एनी ओल्ड पर्सन हु इज सेंटली एंड एल्डरली उनको बाबा बोलते हैं नॉर्दर्न बेल्ट में। आप लोग जानते हैं, आप लोग तो ही इसी आसपास के ही रहने वाले हैं, तो आप जानते हैं बाबा, एनी ऑर्डिनरी पर्सन कोई भी हो, सेंटली हो, थोड़ा सा साधु बाबा टाइप हो, तो बाबा बोल देते हैं। तो ऐसे नाम चिपक गया उनका। स्टोरी केम आउट, द स्टोरी केम आउट, गुमनाम बाबा का स्टोरी केम आउट इन 1985 आफ्टर हिज डेथ, कि जब पता चला कि कहीं पे फैजाबाद में एक ऐसे अनाम संत रहते थे एंड उनकी मौत हो गई है, देर वॉज अ लॉट ऑफ सीक्रेसी, ही यूज टू लिव इन अ लॉट ऑफ सीक्रेसी, नेवर यूज टू शो हिज फेस टू एनीबडी, यूज टू टॉक टू अ वेरी फ्यू हैंड पिक्ड पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कर्टन, कमरे के अंदर बैठते थे और पर्दा रहता था, पर्दे के पीछे से बात करते थे, किसी को ना शक्ल दिखाते थे ना किसी का शक्ल देखते थे। तो ऐसा आदमी मर गए हैं, उनका शक्ल नहीं देखने को मिल रहा है मरने के बाद भी, और हड़बड़ी में जाके उनका क्रिमेशन कर दिया गया। क्रिमेशन कहाँ कर दिया, वो भी एक अजीब सा जगह में, जहाँ कैंटनमेंट, मिलिट्री कैंटनमेंट है, उसके पीछे एक बहुत हिंदू ट्रेडिशन में एक बहुत होली सेक्रेट जगह है, गुप्तार घाट बोलते हैं उनको। वहाँ पे द स्टोरी गोज दैट श्री रामचंद्र गेव अप हिज लाइफ बाई वॉकिंग इन टू द सरयू रिवर। तो वहाँ पे बहुत होली स्पॉट, वैसे भी हमारे देश में कानून है, यू कैनॉट जस्ट क्रिमेट एनी बॉडी एनी वेयर, यू हैव टू गो टू द क्रिमेटोरियम प्रॉपरली, टेक डेथ सर्टिफिकेट, उसके बाद क्रिमेशन सर्टिफिकेट, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, यू जस्ट कैनॉट डू इट। और तो वो करके एक बॉडी को ले जाके उठा के जला देते हैं ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सरयू। सो दिस इज द प्लेस, सरयू के किनारे यहाँ पे द बॉडी वॉज बर्न्ड। सो ये पत्थर पड़ा हुआ था, अभी तो इसका शक्ल बदल गया है बिल्कुल, और उससे थोड़ी सी आगे जाएंगे तो ये दिस इज द गुप्तार घाट, यहाँ पे दैट इज द प्लेस वेयर इट इज सेड दैट रामचंद्र वेंट डाउन इनटू द सरयू रिवर, दैट इज द सरयू रिवर। इसका अभी और भी एडवांस्ड हो गया है, जो इस जगह को एक अच्छा सा मेमोरियल बना दिया गया है। तो द थिंग वॉज दैट ही वॉज क्रिमेटेड इन दैट मैनर एंड देर वॉज लॉट ऑफ सस्पिशन, लॉट ऑफ रूमर मॉन्गरिंग एंड पीपल वेर वेरी वेरी इंक्विजिटिव। तो बात चलते चलते ये कहीं से बात निकल आई कि हो ना हो ये ही नेताजी थे, कैसे आए किसी को पता नहीं है, बट बात निकल के ऐसे आ गई एंड पीपल केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स दे एंड अक्रॉस पोलिटिकल पार्टीज। आजकल आपको सुनने में आएगा, लोग बोलते हैं, बात करते हैं कि ये RSS का कॉन्स्पिरेसी है, BJP का कॉन्स्पिरेसी है। उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, BJP सारे एक साथ ना हो, अलग अलग हो, बट सारे पार्टीज अपने वर्कर्स को लेके, कार्डर्स को लेके सड़क पे आ गए थे, धरना पे बैठे, वहाँ प्रोसेशन करना शुरू कर दिया, दे स्टार्टेड डिमांडिंग के बताओ ये कौन है, आइडेंटिटी इनका रिवील करो। सो इट वॉज अ वॉल्केनिक सिचुएशन। और इस टाइम पे जो जर्नलिस्ट थे वहाँ पे, एक हिंदी न्यूज़पेपर होता था नए लोग करके, नए लोग का जो एडिटर थे अशोक टंडन ने हिंदी में अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, एंड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, काफ़ी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, ही रीच द कंक्लूजन दैट ये नेताजी नहीं तो कौन है।
So that was his question, and that was a rhetorical question. And that was his conclusion. He reached that conclusion. So, ऐसे इसके चलते और भी न्यूज़पेपर्स जो थे वो भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे. देर वॉज द बिगेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया एट दैट टाइम विच इज कॉल्ड नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका विच वॉज अ सिस्टर कंसर्न ऑफ बंगाल्स अमृत बाजार पत्रिका. तो देन नए लोग का जब आने लगा उसके थोड़े दिन बाद ही शुरू किया नॉर्दर्न इंडियन पत्रिका ने अपना इन्वेस्टिगेशन. एंड दे वेंट बैक ट्रेस्ड द एंटीसीडेंट्स ऑफ दिस मैन spoke to his disciples and found out where he came from, which are all the places that he went to, spoke to his associates, his followers. But problem ye tha ke unhone Uttar Pradesh ka jo story hai wo they put the pieces together, but they were not so well versed. Neither Ashok Tandon ji nor the Northern India Patrika journalists, they were not very well versed with Bengal politics. So they knew that people from Bengal used to come and visit this sannyasi, but they did not understand the importance, the gravity of the situation, the what those people went, who were those people. They did not know who was Leela Roy, they did not know who was Samar Guha, they did not know who was Sunil Das. These were names which did not mean much in these areas, in Ayodhya, in Basti, Faizabad. In these areas, these names did not mean much. But in Bengal, and if you look at Bengal's politics in the 40s, in the late 30s, 1940s, these were very big names. And even later on, Samar Guha, Sunil Das became big names later on. They used to come and visit. But they started putting the puzzles, the pieces together, and it was coming into the proper shape. This time, for the first time, after the cremation was done, people got access to the room where this unknown man used to live. आप ये सोचिए कि एक बंदा कहीं पर रहते हैं एक कमरे के अंदर. उस कमरे के अंदर क्या है किसी को कुछ पता नहीं है. ओनली टू पीपल हैड एक्सेस इनसाइड दैट रूम. तो पहली बार जब मौका मिला एंड अंदर घुसे लोग वो पागल हो गए. देयर वर ट्रंक्स, द रूम वॉज फिल्ड विथ बिग लार्ज ट्रंक्स. इट वॉज full of books, hundreds of books, all sorts of books, encyclopedias, complete works of Dickens, complete works of Shakespeare, all English classics, history books, modern history books, ancient history books, हमारे शास्त्रों के जितने सारे किताबें हैं, पुराण बोलिए, महाभारत बोलिए, रामायण बोलिए, वेदास, everything in original Sanskrit. Bengali classics, Tagore's collected works, complete works, even modern Bengali works, Sarachandra Chattopadhyay's complete works. इसका मतलब समझिए आप. इसका मतलब ये है कि इन सिंपल टर्म्स में कि मान लीजिए कि आज बस्ती, आप लोगों ने कहा बस्ती जगह का नाम है, यहाँ पे आपको पता है कि बस्ती की हालत आज के ज़माने में क्या है. सपोज़ कीजिए कि आप और मैं, हम दोनों लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में नौकरी करते हैं और मैं, आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपका जूनियर हूँ. मैं आपको आपके रिपोर्ट करता हूँ कि साहब शहर में एक नया बाबा आया और बाबा अमेरिका वाली टाइम मैगजीन पढ़ता है. तो आप मुझे बोलोगे पता लगा इस साला कौन सा बाबा पैदा हो गया टाइम मैगजीन पढ़ने वाला बस्ती के अंदर. ये बात कर रहे हैं 1960 के दशक में. बाबा पढ़ता है पीजी वुडहाउस के नॉवल्स हैं. इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का मतलब जानते हैं क्या, उसका मतलब क्या है. चार्ल्स डिकेंस का पूरा कलेक्शन पढ़ रहा है. हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एरियल एंड विल डोरेंट का पूरे 5-7 वॉल्यूम्स काट काट के कमेंट मारे हुए हैं. राधा विनोद पाल डिसीजन जज इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल फॉर द फार ईस्ट, राधा विनोद पाल वॉर क्राइम्स ट्रायल के बारे में बातें. ये कौन बाबे पढ़ते हैं वॉर क्राइम्स के बारे में, ट्रायल्स के बारे में. तो ये अपने आप पे तो सिर्फ एक छोटी सी बात पे इंटेलिजेंस वाले आपकी पूरी इंक्वायरी खड़ी कर देंगे. या तो ये किताबों का अंबार निकलने का मतलब है कि वो कोई बहुत ज़्यादा हाईली पॉलिश्ड, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और कोई बहुत ही टॉप लेवल का आदमी वहाँ बैठा हुआ. फिर निकला वहाँ से फैमिली के फोटोग्राफ्स, उनके माता जी पिताजी के फोटोग्राफ्स तो दिखाते थे. ऐसा नहीं था कि उनके, मतलब कि आप गुमनामी बाबा से मिलने जा रहे हैं जब वो जीवित थे तो उन्होंने कोई फोटो लगा रखी थी. मरने के बाद जब उन्होंने सामान निकाला तो नेताजी के माता पिता की फोटोग्राफ्स बहुत सारी मिली और उन्होंने वो डिमांड किया था कि मुझे भेजो माँ की फोटोग्राफ, पिताजी की फोटोग्राफ. भेजने वाले भी ये समझ के भेज रहे कि नेताजी की और इन्हीं की माता पिता की फोटोग्राफ है. तो कौन आदमी है जो किसी और के माँ बाप की फोटोग्राफ लेकर के अपने घर में दबा के रखेगा, डिस्प्ले नहीं किया हुआ. अभी ये अभी बोस फैमिली से जो ऑब्जेक्शंस आते हैं कि ऐसे फोटोज तो किसी के पास भी हो सकते हैं, पर जो बंदा लेके जाते थे ये फोटोज
उनके जो रिटन टेस्टिमनी है कि ही यूज टू बी गिवन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कि मेरे घर में जाओ, मेरे फैमिली के पास ये फोटोज़ है, 10 फोटोज़ है, उसमें से मुझे ये स्पेसिफिक ये 2-3 फोटोज़ चाहिए, वो लेके आओ। तो किसको पता होगा फैमिली के अंदर कौन सा फोटोज एग्जैक्टली किस टाइप का है और उसमें से कौन सा। एक उनको छतरा भेजा गया तो लिखा कि छतरा पिताजी जानकीनाथ बोस का छतरा है। तो उसको बड़ा ऐसी चीज़ों को लपेट करके बिल्कुल तरीके से रिस्पेक्टफुली वो आदमी रख रहा है अपने पास में। फिर ये चश्मा गोल्ड प्लेटेड वॉचेस, रिस्ट वॉचेस, गोल्ड की वॉच है, ओमेगा गोल्ड वॉच है, मैंने देखी हाथ से। आप कौन सा बाबा यहाँ के बाबा, इफ यू टॉक अबाउट बाबा ऑब्वियसली पीपल इमेजिन दैट इट्स सम कोई गांजा पीता हुआ दाढ़ी वाला हैगर्ड टोन क्लोथ्स कोई बाबा होगा। तो ऐसे बाबा कौन ऐसे किताबें पढ़ते हैं, रोलेक्स ओमेगा वॉच लेते हैं, प्रिसिशन वॉच, फिर स्टॉप वॉच रखते हैं, रिकॉर्ड प्लेयर, ये एक दिस इज जस्ट वन रिकॉर्ड रविशंकर का। कौन सा बाबा रविशंकर सुनते हैं विनाइल रिकॉर्ड में? और सारे मतलब द बेस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स म्यूजिकल्स ऑफ दैट टाइम, वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंटल सारे वहाँ पे उनके वहाँ से मिले हैं। मतलब ये कोई भी जो आदमी था ये मतलब वेस्टर्न सेंस ऑफ टर्म में वो बड़ा पॉलिश्ड। दिस इज जर्मन मिलिट्री बाइनोकुलर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर विंटेज। बाबा के पास कहाँ से आएगा ये सारे चीज़? तो उसके बाद में ये जब ये बवाल मचा, सब लोगों ने देखना शुरू कर दिया। इसमें एक कागज है तो दिखाते। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये शंकराचार्य जी का बाइट है, उनके फेवर में उसको छोड़ देते हैं। ये आदमी अलग अलग जगह में रहता था, शक्ल किसी को दिखाता नहीं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू न्यू। जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने, तो उन्होंने शक्ल भी बताया कि कैसी थी। जैसे उन्होंने बताया कि गुमनामी बाबा के ना दांतों में से गैप था करके साइड से, तो उनको शायद पता नहीं कि सुभाष बोस की भी दांतों में गैप था, बट ये अलग बात है कि उनका वो। बट आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू समथिंग एल्स, यू नो, जस्ट टू गिव यू आइडिया कि अपने दिमाग से बाबा की इमेज निकाल दो, जो भी था बाबा नहीं था। जैसे एक व्यक्ति थे वहाँ पे, दुर्गा प्रसाद पांडे जी, बहुत हाईली रेटेड बाय मुखर्जी कमीशन एज ए गवाह, मैं उनसे मिला भी था। दुर्गा प्रसाद पांडे जी एक वकील थे बस्ती में, तो उनको उन्होंने गुमनामी बाबा को चिट्ठी लिखी कि साहब आपके पड़ोस में एक ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी रहते हैं, उनकी डेथ हो गई है, और अपने जब वो मर रहे थे तो उन्होंने मुझे बुला के बताया कि आप कौन हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फिर उसने नाम नहीं लिखा, बट उसने सारा इंडिकेशन डाल दिया कि उसने मुझे बोला कि आप नेताजी हो। वो लिखा कि जय हिंद भगवान जी, जय हिंद, आपका जन्मदिन 23 तारीख को आता है, ये बता कब। तो उसने ही पुट ऑल दी इंडिकेशन, बट ही डिड नॉट मैंशन हु दिस मैन, कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो गुमनामी बाबा ने जो उसको डॉज किया, ये उस लेटर का एक हिस्सा है। आई एम अ बोनाफाइडी दशनामी सन्यासी एंड यू विल नो दैट अ मैन अंडर द होली ऑर्डर्स इनकस्ट डेथ अकॉर्डिंग टू द सिविल लॉज and a sannyasi is dead to his former life, it is in the keeping of divine mother Durga and father Lord Shiva. In passing, you shall find cogent answers to all your hypotheses, queries, thoughts, both as expressed in your letter and which remain unexpressed in your heart. Pursue with your heart calmly, quietly, lovingly. Every word, phrase, sentence and the constructions are pointers for you. They are packed in the possibility, seek and thou shall find. So usually Babas, aise UP mein aise itna English ka language ka unka command aise nahi hota, jaise ye unki khud ki handwriting hai. आर्ट ऑफ वॉर, लड़ाई में कैसे लड़ा जाता है, लड़ाई क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेटेजिस्ट के हिसाब से, और ऐसी बातें लिख रहे हैं जो मुझे लगता है कि उस जमाने का डायरेक्टर आई भी नहीं ले सकता। वेदर वॉर शुड बी ब्रूटल, कैथार्टिक और ह्यूमन बिजनेस बिसाइड द पॉइंट, एवरीवन नोज दैट नो वॉर कैन बी कंडक्टेड एंड फॉट विद किड ग्लव्स, मॉडर्न वॉर स्पेशली टेक्स एन अपैलिंग टोल बोथ इन ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, नो सिविलाइज नेशन रिस्क्ट इट लाइटली, बट व्हेन इट्स फोर्स्ड ऑन इट हैज टू बी वेज्ड इन अ मैनर दैट मेक्स यू ऑपोनेंट विंस, this is done not in any vindictive spirit but in cold calculated manner to break the opponent's morale so that he is forced to sue for peace. Abstract principles have nothing to do with the waging of war. Then he talks about other things, you know, scientific stuff, you know, when your dead man was in Berlin, when he used to talk about himself, that was the commonest refrain, when your dead man, that means me in my previous life, when your dead man was in Berlin, a great German doctor scientist became very friendly. And in the course of his talks, he said that in his lab, he found out that radar beam particles do not bounce back if they strike something. And the doctor felt astonished. In the doctor could not inform any other government agencies or scientists. He was a bombing rate casualty. In a secret place, your dead man tested about the truth of that German scientist. See, basically, he's talking about stealth technology. When he was writing this, stealth was not known. In America, they had done, which is Area 54, whatever that is. They were testing and people said there's a UFO. There are no UFO, they're testing everything there, Area 54. This gentleman here was trying to tell you that there are certain clothes in India
I think probably one day we will talk to Arnav about it to see if we can get it tested here. You can use that cloth, it will be a, it can evade radar. And I need it for some sort. So it's remarkable kind of things, you know, these are not babas, you know, talking. And of course, he talks about plane crash never took place, I was in Russia, Stalin did not treat me like an enemy, my own people did. Talks in detail about being in Siberia. This is in Bangla, there was the plane crash, it was not correct. Describes what happens in Siberia, what, how the gulag functions, economy, so on and so forth. So jab ye sara cheez nikla, babal macha, matab, to the extent possible, नेताजी की फैमिली के दो तीन लोग वहाँ पर आए, एक नेताजी का भांजा और एक नेताजी की भतीजी. तो भांजा तो गायब हो गया लेकिन भतीजी ने जाके एजिटेट किया एंड शी आइडेंटिफाइड कि ये मेरे दादू का है, ये मेरे अंकल का है, ये मेरे उसका, वट एवर. एंड शी मेड पब्लिक स्टेटमेंट कि दिस इज नेताजी एंड देन शी वेंट टू द कोर्ट. उनको बोला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके केस करो ये करके. और जैसे ये उनकी स्टेटमेंट है मीडिया में, ही वॉज ऑफ द सेम एज साइज, मतलब हुएवर गुमनामी बाबा वॉज, ही वॉज बॉर्न ऑन 23rd January 1897, 12:15 PM, corresponding to Subhash Bose's age and time. Size, he was the same height as Netaji, everything, complexion, height, whatever, marks on the body, color of, he, everything. His accent was Bengali, not a Bengali here. His accent was Calcasian Bangla. Somebody who was talking as if he had grown up in Calcutta. And his, so ye aisi bahut si cheezein, so we come to the main part now. The main part is ki Justice Mukherjee Commission went and saw, assessed the evidence in whichever way they could. So he, Justice Mukherjee's conclusion in his report was that there was no reason why we should not rely upon the eyewitness accounts. That means the eyewitness account in the Gumnami Baba case was credible. What is the meaning of credible eyewitness account? The meaning of credible eyewitness account is ki I go to court of law and I say that I saw this person shoot and this person died. So this person would be hanged. Most of the cases of murder are decided by the eyewitness account. In fact, there are more than one rulings in Supreme Court. If there's a clash between credible eyewitness account and a medical evidence, including DNA, probably the eyewitness account will take an in upper hand. So eyewitness account has that kind of force in the eyes of law. Credible eyewitness account is probably the most powerful evidence you can get in many cases. But the problem was, and the eyewitness account is matching, the correspondence between the so-called Gumnami Baba and the people he was in touch with is supporting the eyewitness account. He was writing to people, let's say in Calcutta and other places, people who were linked to Netaji, whose credentials you cannot doubt. Some of them were very highly placed, and one of them was part of the INA intelligence. These are people who were willing to die for Subhash Bose. So the eyewitness account is matching. The eyewitness evidence is being supported by the documentary evidence. But the problem was, there was a handwriting expert's opinion from the government labs that the handwriting is not matching. And there was a DNA test and which said that because there's some teeth were found there in Gumnami Baba's home, assumption was they were Gumnami Baba's teeth, so the test were negative. So the problem, this is how Mukherjee conclusion concluded, that there is no clinching evidence this man is Netaji. The eyewitness account is matching, documentary is matching, but the forensic evidence is going against it. So obviously once the DNA test has come out, obviously you cannot support and cannot. The important thing is that because the forensic evidence was not matching, Justice Mukherjee could have written in his report that they are not the same person. But what did he write? He writes that everything else is matching, circumstantial evidence is matching, there is credible eyewitness account, but forensic evidence is not matching. Therefore, I don't need to answer the question whether this was Netaji or not. He just evaded the issue. और आईविटनेस अकाउंट्स किस तरह से सिलेक्ट किया था जस्टिस मुखर्जी ने, बहुत सारे लोग आए थे जो जिन्होंने ये दावा किया कि मैंने देखा है. ही डिड नॉट एक्सेप्ट एवरीबडीज अकाउंट. ही चोज ओनली दोज पीपल, ही टुक इनटू अकाउंट ओनली दोज पीपल हु हैड सीन बोथ नेताजी एंड गुमनामी बाबा. अदरवाइज जिन लोगों ने, जैसे हम में से जो भी है यहाँ पे, मानिए अगर नेताजी हमारे सामने आते हैं, वुड वी मेक अ मिस्टेक इन रिकॉग्नाइजिंग हिम, आइडेंटिफाइंग हिम? नो. बट जिन जिन लोगों ने उनको देखा जो काफ़ी यंग भी हैं करके, उन्होंने बोला कि जैसे वो फोटो में उसी जैसा, लेकिन बुजुर्ग आदमी थे, मोटे मोटे हो गए थे करके, बट हुएवर दिस मैन वॉज, ही लुक लाइक सुभाष बोस. सो दैट इज ऑल्सो वन. अब प्रॉब्लम ये आ रही है, अब ये तो आईआईटी है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब इस तरह की स्टोरी मीडिया में आ जाए कि सब डीएनए टेस्ट नहीं मैच किया, एंड ऑफकोर्स वी आर ऑल साइंटिफिक पीपल, वी आई एम ऑल्सो वेरी साइंटिफिक पर्सन एंड ऑन सो फोर्थ,
तो इसका फिर मतलब क्या है कि अब ये तो डीएनए मैच नहीं करा, अब ये एक रेफरेन है, इफ़ यू गो टू से यू गो टू यू नो प्रेजिडेंसी यूनिवर्सिटी इन कलकत्ता, इफ यू टेल पीपल देयर कि दिस स्टोरी, हाँ वी हैव हर्ड अबाउट दिस सम काइंड ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरी, सम लुनेटिक्स आर टॉकिंग अबाउट इट, वो तो डीएनए टेस्ट पता है, वो मैच ही नहीं हुआ करके, बस दैट्स ऑल, दे विल रिजेक्टेड. सो दैट्स द कॉमनेस्ट रेफरेन कमिंग फ्रॉम पीपल हु हैव द टेंडेंसी टू यू नो ब्रश एवरीथिंग असाइड इन वन सेकेंड. द प्रॉब्लम यू नो आई एम I have to tell you, your ITNs, you know, when I am a political science, MA, I passed MA science, political science. So I keep saying everywhere, you know, when we joined, you know, university and we went to a college class. So our teacher told us that physics is science. I'm saying this before you, professor, sir, that you're a physics professor, but physics is science. Chemistry is science. Biology is science. But political science is the mother of all sciences. You do not know the potential of political science. With the help of political science, I can prove these are the ashes of Alauddin Khilji. I'll prove to you how it is done. So never underestimate the power of political science, which is the mother of all sciences. The government to bhaiya political science chalate. Hum itne bevkoof nahi hain, hum dono padhe likhe hain. Mujhe bhi malum hai ki agar DNA test match nahi kiya to aadmi wo nahi ho sakta. But the problem ye thi ki pehle din hame andar se khabar lag gayi thi. अब तो हम पब्लिकली बोल लेते हैं, ये धीरे धीरे पता चला बाद में मालूम चला करके कि कुछ गड़बड़ हुई है टेस्टिंग में. और बाद में जा करके हम जस्टिस मुखर्जी से, उनकी डेथ हुई है लास्ट ईयर, उनकी हो गई, हम उनसे मिलते थे, उन्होंने भी हमको कई बार ये प्राइवेटली बाद में बताया कि इन्होंने रिपोर्टें चेंज की हैं, गड़बड़ हुई है रिपोर्ट के अंदर. एनी हाउ लीव द साइड हमारे पर्सनल जो है, 2010 में जस्टिस मुखर्जी गलती से उनकी ऑफ द रिकॉर्ड बाइट्स रिकॉर्ड हो गई और वो मीडिया में प्ले हुई हैं, लेकिन किसी भाई को बंगाल में समझ में नहीं आया कि हो कह रहा है. तो वहाँ उन्होंने ये साफ बोला कि मैं 100% कन्विंस हूँ कि यही नेताजी थे, बट आई कुड नॉट प्रूव इट. तो आप उसका एक बाइट देखिए छोटा सा. In 2006, Amlan Ghosh, a documentary filmmaker, caught this shocking confession on camera. Believe me, अपनी जो पर्सनली बोले, it will not be quoted. ये आपको दूसरा दिखाते हैं, इसमें बाइट थोड़ी सी कट. रशियत थे क्या उन्हें फिर ऐसे भाया एक मैप ऊपर आ गया चले थे, उनके बड़ी तरह मैप ऊपर आ गया चले, क्योंकि मैप टेक कोर्ट से प्रमाण करते बात थी ना. इफ यू बिलीव मी अपन जो भी पर्सनली बोले दैट आई विल नॉट बी कोटेड बोल बनना चाहोगे, आई एम 100% श्योर उन्हीं हम चंद नेताजी, आई एम 100% श्योर. एक्चुअली ही वॉज टॉकिंग टू समबडी हु वॉज ओल्डर देन हिम इन एज, अदरवाइज ही वॉज अ वेरी स्टिफ अपर लिप काइंड ऑफ पर्सन, ओल्ड मैन, ही यूज्ड टू नॉट टॉक मच, ही वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश, सडनली he started speaking in bangla, you know, and he probably got it off his chest that ki wo baadi unke ghar se ek map mila tha jisme russia se bharat mein aane ka map tha, aur believe me, don't quote me outside, but I'm 100% convinced he was netaji. So this is what he is saying in bangla and all that, but he was talking to somebody who was older to him in age, that's why he was talking.